ऑडियो नॉट क्लियर ऑडियो नॉट क्लियर ओके आई एम जस्ट ट्राइंग अभी बताइए अभी बताइए वॉइस आ रहा है बेटा अभी बताइए वॉइस आ रहा हाँ योगेश कुमार डला है वो मैं आप त्यागी कर लीजिएगा उसको है ना आप लोग योगेश त्यागी के नाम से जानते हैं तो वो योगेश कुमार डला है सिंस इट इज अ फर्स्ट क्लास तो कोई बात नहीं आप लोग तो मुझे जानते हैं सारे के सारे मुझे जानते होंगे ऐसा शायद मतलब जो भी है अगर जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं योगेश कुमार त्यागी पूरा नाम है तो वो योगेश कुमार डला है ठीक है तो अभी सब कुछ ओके है अभी सब कुछ ओके है वॉइस वगैरह आ रहा है ठीक है ठीक तो जस्ट थोड़ा सा सेशन लेट हो गया आज पहला सेशन था तो मुझे तो पता नहीं था कैसे करते हैं है ना तो मैं बस लगा हुआ था इसमें करने में इसलिए हाँ सबके लिए है आप लोग अपना मैकेनिकल और केमिकल दोनों जो भी बच्चे हैं अगर मैकेनिकल वाले ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं ठीक है मैं रिविजन देने जा रहा हूँ और दो पार्ट में रिविजन दूंगा ही ये दो पार्ट में रिविजन रहेगा मतलब आज हम लोग करेंगे आधा पार्ट और आधा पार्ट नेक्स्ट में करेंगे और इसके साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो मेरा जो प्लान है वो बस इतना है कि मैं पहले आपको थ्योरी पार्ट आज जितना करूँगा उसके बाद इसी का एक क्वेश्चन वाला पार्ट लूंगा उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो लगभग 10 से 12 घंटे लगेंगे और 12 घंटे में हम थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद थर्मो को साइड में रखना है और अपना टेस्ट सीरीज देना है कुछ भी नहीं सोचना है थर्मो के बारे में ठीक है तो मेरा प्लान बस इतना ही है आ, हम लोग का हाइड्रोलिक मशीन टर्बाइन प्लीज़ अच्छे से बता दो तो, ओ बेटा 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 लाइव ऐप पर नहीं हुआ आ, क्या नाम है अहाना ऑडिसिंग बेटा मैं बोला था कि अभी जस्ट मैं करवाऊंगा और शायद दो तीन दिन में ही उसका प्लान है तो हम लोग उसको करेंगे मैंने आपको पहले भी बोला था कि करवाऊंगा एक्चुअल मैं वहाँ पे टाइम नहीं बचा था तो इस वजह से लास्ट में उसको मुझे फिनिश करना पड़ा था बट कोई बात नहीं अभी हम लोग जो है यहाँ पे जस्ट इसको पहले करते हैं थर्मोडाइनमिक्स का रिवीजन मेरे ख्याल से सबको जरूरत होगी तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे और कल नोमेरिकल करेंगे फिर उसके बाद परसों फिर रिवीजन करेंगे फिर नोमेरिकल करेंगे तो एक बार तीन से चार दिन में ये थर्मो खत्म हो जाएगा साथ ही साथ कल या परसों में आपका एफ भी फिर शुरू हो जाएगा तो एफ का, का काम करेंगे है ना तो एफ का जो प्लान है वो मैं आपको बता दूँ पहले जो मशीनरी वाला पार्ट छूटा है है ना जैसे आपका आ, क्या नाम है पंप है टर्बाइन है है ना बहुत सारे कर्व्स वगैरह हैं तो उनको पहले करेंगे और उसके बाद आगे का काम करना शुरू करेंगे ठीक है एफ का रिविजन जो है मैं थोड़ा सा डिले करूंगा बिकॉज पहले मशीनरी वाला पार्ट करा लेते हैं ठीक है ठीके? तो थर्मोडायनेमिक्स भी करा दो बेटा बेटा एक्सी थर्मोडायनमिक्स क्वेश्चन कराएंगे उसके एक्सी थर्मोडायेनमिक्स के क्वेश्चन कराएंगे आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहिए आईसी आरएसी भी होगा वो कराएंगे वो कराएंगे दूसरे चैनल पे कनेक्ट सर करेंगे सारा का सारा थर्मो आरएसी आईसी पावर प्लांट तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए जो हमने प्लान 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 किया ना उसी प्लेन, उसी पे पूरा का पूरा yes, तो नहीं सर हम मतलब करेंगे कैसे करेंगे क्या करेंगे वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कैसे करना है मैं विजिबल हूँ क्या आप लोगों को मैं आप लोगों को विजिबल हूँ क्या मेरे ख्याल से यहाँ का लाइट ऑफ हो गया हाँ अभी विजिबल होगा एकदम से ठीक है मैकेनिकल और केमिकल चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं दोनों के दोनों वैसे तो ये मतलब जो चैनल है इसमें सिविल लिखा हुआ है बट वो केमिकल के लिए भी होने वाला है नाम उसका चेंज हो जाएगा और मैकेनिकल वाले चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं है ना बेसिक वाला पार्ट है तो बेसिक थर्मोटानी सबका सेम है एप्लीकेशन हाँ, और क्वेश्चन से अलग अंधेरा अभी लाइट आ गई होगी अभी लाइट आ गई होगी चलो तो बहुत ज्यादा टाइम आपका मैं लूंगा नहीं क्योंकि मतलब टाइम ऑलरेडी जा चुका है और हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं बहुत दिन बाद मतलब अभी जस्ट यहाँ पे हम लोग पहले बार मिले गए बैटमैन हो आ, ओके बैटमैन थैंक यू थैंक यू बैटमैन नहीं आप मुझे त्यागी सारी रहने दो मैं मतलब इसमें इसमें खुश हूँ है ना बैटमैन वगैरह मत बनाओ मुझे हम लोग इसी में हैप्पी हैं अपने अपने नाम से हम लोग ज़्यादा खुश रहते हैं है ना हमें अपने नाम को आगे बढ़ाना है और दूसरे का नाम लेके करेंगे भी क्या अपना नाम रखिए वो अच्छा रहेगा ठीक है और जिसको भी शेयर करना है कर दीजिए कि, कि सेशन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है अभी किसी ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है डज नॉट मैटर हम लोग यहाँ से जो चार घंटे है ना उन चार गंटे, चार घंटे बने रहोगे ना चार घंटे बने रहोगे ना जिंदा हो जान है कि नहीं कि चार घंटे पढ़ लोगे या नहीं एक बार मुझे बता देंगे सारे के सारे कि हाँ चार घंटे हम लोग सर कर सकते हैं रिविजन क्या मतलब ऐसा तो नहीं है कि नहीं चार घंटे भी नहीं बैठ सकते सर इस लास्ट टाइम पे हम लोग ऐसा तो नहीं है ना कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं कि नहीं नहीं सर हम चार घंटे नहीं रह सकते दो घंटे बाद चाहे तो पांच मिनट का एक ब्रेक ले लेना ले ले ले, लेकिन नहीं चार घंटे में पूरा पढ़ना है पूरा पढ़ना है बिकॉज अभी ये वो टाइम नहीं है कि नहीं सर हम थक गए हैं सर हमें मतलब नींद आ रही है वो सब टाइम नहीं फोड़ देंगे ना यस yes, ओके okay. तो ये वाला जो जोश है मैं बिल्कुल चाहिए और लास्ट तक बने रहना अभी मतलब 40-45 दिन जो है ना वो लास्ट तक ये वाला जोश रखना है ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा मेरे ख्याल से मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है आ, मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं पिछले सात साल से मैं यही कर रहा हूँ और इससे पहले मैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में था तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में बहुत ज्यादा मतलब मैं काम नहीं कर पाया वहां से जस्ट छोड़ के मैं टीचिंग में आया था और टीचिंग करने का बहुत सारे आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कभी मेरा प्लान ये भी है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पी एस यूज़ में उनको लेके आता हूँ और आप लोगों से इंट्रैक्शन करवाता हूँ ताकि आपको भी तो आइडिया लगे ना कि वो लोग क्या करते थे और आप वो क्या कर रहे हैं है ना तो उसका एक आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ बेसिकली हाँ तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा तो जस्ट मेरा यही है कि आ, आप लोग बहुत सारे लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ मोर देन वन लैख स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ और जो अभी तक जो हाइएस्ट रैंक मेरे साथ जिन बच्चों ने अचीव की हैं वो थ्री है थर्टीन है ट्वेंटी है और बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब साठ सत्तर पचहत्तर और बीस पच्चीस ऐसे थे, थे तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे याद नहीं है बट बहुत लोग हैं तो मैंने ऐसे ही जनरली डाल दिया है ये मेरा वो वाला कोड है जो कोड हम लोग यूज़ करते हैं ऐसा कोई भी मतलब आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि नहीं सर ये कोड आप क्यों बता रहे हो क्या बता रहे हो आपके लिए जस्ट ये कोड इसलिए कि बाई चांस अगर आपको लगता है कि सर मुझे परचेस करना है, है ना और आपको लगता है कि यस वी लव त्यागी सर और जो भी टीचर को आपको लगता है कि मैं इनको प्यार करता हूं तो आप अभी आ रहा है बेटा अभी वॉइस बताइए एक बार वॉइस आ रहा है क्या हाँ अभी वॉइस आ रहा है ठीक है अभी आ रहा है मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा सा बफर हो गया था तो अभी चलो फिर से देख लेते हैं बस मुझे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है ओके थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू you, जो भी लोग हैं एकदम से अचानक से जो कुछ भी हुआ और उसके लिए आ, कोई बात नहीं जो हो गया वो हो गया अभी हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं ठीक है तो मैं यहां से जस्ट बेटा बात कर रहा था हम लोग यहाँ से जस्ट बात कर रहे थे तो जस्ट जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है या प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है जिनको लेना है जिनको लेना है बाकी जो भी हमारा प्लान चल रहा है हम उस प्लान पे अभी भी चल रहे हैं है ना ये काम तब है जब आपको लगता है कि मुझे परचेस करना है सर अब मुझे लगता है कि मैं और डिटेल में या इसके लिए मैं परचेज करना चाहता हूँ तो उसके लिए आप ये प्लस वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसमें आपको लाइव क्लास क्रैश कोर्स वीकली टेस्ट डाउट क्लियरिंग है ना ये सारा का सारा हिंदी में लेना है इंग्लिश में लेना है वो आप अपना कर सकते हो मैं तो हिंदी वाला हूं ऑब्वियसली तो मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूं आना? और ये आपका आइकॉनिक वाला जो है इसमें आपके साथ जो चीजें ऐड हो जाती है वो ही है कि स्टडी प्लानर आपको एक मिल जाता है एक्स्ट्रा है ना पर्सनल कोच मिल जाता है है ना पर्सनली आपकी जो टेस्ट की एनालिसिस है वो सारी की सारी मिल जाती है ना हाँ स्टार्ट करते हैं बेटा स्टार्ट करते हैं डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं तो आप चाहें तो अगर जिसको परचेज करना है तो आप इन दोनों में चूज कर सकते हैं है ना आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस है आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं ये जो चैनल है इसमें बेटा अभी सिविल ऐड हो जाएगा तो अभी तो ये uh, इसमें सॉरी केमिकल ऐड हो जाएगा ये कुछ इनका है जो भी आपका जैसे कोड लगाते हैं तो आपका uh, जो कॉस्ट पड़ता है वो कुछ इस टाइप से पड़ता है अदरवाइज़ इसमें वन मंथ का सिक्स मंथ का एटीन मंथ का ट्वेल्थ ट्वेंटी फोर मंथ का जैसे भी आपको कोर्स परचेज करना है है ना कोड लगाने के बाद कितना कॉस्ट पड़ेगा और कोड लगाने से पहले कितना पड़ेगा वो आप अपना देख सकते हो जैसे भी है है ना बहुत ज़्यादा मैं अभी इस पर प्रसराइज आपको करने की मुझे ज़रूरत नहीं है आप बस अभी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ना शुरू करिए है ना, ना? हा, है हाँ शुरू करते हैं बेटा शुरू करते हैं बस शुरू करते हैं ठीक है मराठी में नहीं है मराठी में अभी कुछ भी नहीं है साउथ वाली लैंग्वेज में ये ट्वेंटी मंथ का है ये ट्वेल्व मंथ का है सारे के सारे कोर्सेज का मैं आपको जस्ट डिटेल दे और ये वाला मेरा कोड है है ना? मैं हमेशा जस्ट बात करते हैं कि ये वाला मेरा कोड है और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं है ना? हम लोग स्टार्ट करते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने सेशन को और बेटर यही रहेगा कि हम लोग अब दिमाग से बस थोड़ा सा बैठ के रहिए बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे करिएगा कि हाँ सर हमें समझना है और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको ये लगे कि नहीं सर आज के बाद भी समझ में नहीं आया तो हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडाइनेमिक्स से और थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्ट कहाँ से हुआ उस पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं ये एक कंप्लीट रिवीजन है तो होप्सो कि आपको ये क्लियर होगा कि कंप्लीट रिवीजन का मतलब क्या होता है है ना बहुत ज्यादा मैं रुकूंगा नहीं कि नई नोट्स बना लो ये कर लो बस रिवीजन है है ना अब देखिए में अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अगर सोचा जाए तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आप सोच सकते हैं कि सर थर्मोडाइनमिक्स कॉम्प्लिकेटेड कैसे है आप क्यों बोल रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है मैं आपको बताता हूँ थर्मोडाइनमिक्स कॉम्प्लिकेटेड क्यों है वाई थर्मोडाइनमिक्स कॉम्प्लिकेटेड जैसे ये कोई न्यूटन वाले लॉ नहीं है कि न्यूटन आए थे और उन्होंने अपनी स्टडी की और जाते जाते उन्होंने तीन लॉ पकड़ा दिए और तीन लॉ पकड़ा के हम उनको ऐसा मानते रहते हैं कि ऐसा है थर्मोडाइनमिक्स ऐसा नहीं है थर्मोडाइनमिक्स में ऐसा बहुत सारा है जिसपे हमें स्टडी करनी है फोकस करना है और चीजों को एनालाइज करना एनालाइज करने के बाद रिजल्ट्स निकालने बहुत लोगों ने इस पर स्टडी की है बहुत लोगों ने अपने अपने रिजल्ट दिए आप लोगों के पास भी बहुत सारा ऐसा है कि आप लोग चाहें तो इस पर काम कर सकते हैं एक मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं हां पीडीएफ मैं क्लास का ये वाला जो पीडीएफ है वो आप चाहोगे तो मैं ग्रुप में दे दूंगा उसके लिए आप परेशान मत होइए ठीक है हां अब बात आती है यहां से वैसे YouTube पर रहेगा आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेते हैं अब हम जो बात कर रहे हैं एक मैं आपको बस आ, सबसे पहला एक एग्जाम्पल देता हूं हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं ना वाटर के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वाटर के बारे में मैं वाटर के बारे में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं नेचर ने हमारे साथ हम लोग हम लोग को लगता है ना कि वाटर एक बिहेवियर देता है उल्टा बिहेवियर देता है अगर मैं जनरल सब्सटेंसेस की बात करूं मेरी बात सुनिएगा हमने यहां से बोला कि अगर मैं जनरल सब्सटेंसेस की बात करूं तो जो जनरल सब्सटेंसेस होते हैं मेरे लाल वो अगर इनको फ्रीज कराते हैं जनरल सब्सटेंसेस को फ्रीज कराते हैं तो वो कंट्रैक्ट करते हैं जनरल जनरल सब्सटेंस जो होते हैं अगर मैं उनको फ्रीज कराता हूं तो वो बेटा कंट्रैक्ट करते हैं मेरे ख्याल से ये सबको आइडिया है और जनरल सब्सटेंसेस जब मेल्ट होते हैं तो वो आपके एक्सपैंड करते हैं मेरे ख्याल से ये आइडिया सबको है ये सबको है मैंने यहां से बोला कि फ्रीज करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और अगर मेल्ट करते हैं तो ये एक्सपैंड होते हैं ऐसी कहानी हम बचपन से पढ़ते आए हैं जनरल सब्सटेंसेस के लिए लेकिन अगर मैं वाटर की कहानी आपको समझाना शुरू करूं तो वाटर के लिए एक सिंपल सी कहानी है वो है कि अगर मैं इसको फ्रीज कराता हूं ध्यान दीजिएगा मैं इसको फ्रीज कराता हूं तो ये एक्सपैंड करता है मेरे ख्याल से आइडिया है आपको वाटर को फ्रीज कराता हूं तो ये एक्सपैंड करता है वाटर को अगर मैं मेल्ट कराता हूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है मेरे ख्याल से आपको ये आइडिया है कैसे आइडिया है आपने घर में आइस बनाई है ना घर में आइस बनाई है ना उस आइस पे आपने देखा होगा कि जब घर में आप एकदम से पानी भर के रख देते हैं तो बाउल के ऊपर थोड़ा सा आइस निकल के आ जाता है आपने ऐसी चीज देखी होगी बहुत अच्छे से कि जो आइस है वो तुरंत मतलब एक्सपैंड होकर बाहर निकल के आ जाती है जब आप पानी पूरा का पूरा भर के रख देते हैं अब मैं आपको थोड़ा सा नेचर के बारे में समझाना चाहता हूं हम लोग जस्ट बोलते हैं ना कि हाँ हमारे मतलब सुपर पावर के बारे में बात करते हैं कि कोई ना कोई तो सुपर पावर है यार ना हमको जो चला रहा है अब थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं आपने यहां से देखा होगा कि जब आप हिल एरियाज में जाते हैं तो हिल एरियाज में आप स्कैटिंग करते हैं मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि आइस पे लोग स्कैटिंग करते हैं और बहुत अच्छे से मतलब बहुत लोग बहुत एंजॉय करते हैं अच्छा जब आइस की लेयर है उस आइस की लेयर पे स्कैटिंग करते हैं तो Obviously, ice के नीचे नीचे रहता 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 है। है है। आपने देखा होगा होगा कभी-कभी होता हुआ, ना? इसके नीचे water रहता है। अच्छा इस water की अगर बेटा मैं यहां से बात करूं, तो ये water, जिस पर थ्री डिग्री सेल्सियस फोर डिग्री सेल्सियस जितने भी रहता है ना जिस टेम्परेचर पर भी रहता है इस वाटर के अंदर भी कुछ ना कुछ जानवर रहते, ना, रहते हैं ना फिश रहती हैं। लेट सपोज हम तो एक ही जानवर का नाम जानते हैं वो है क्या फिश और भी जानते हैं भी होता है सर उसके बारे में भी जानते हैं अच्छा जितने आराम से जितना इंजॉय एक बंदा ऊपर करता है उतना ही ये जो जानवर होते हैं वो नीचे करते हैं ये का लॉ है अब मेरी बात सुनिएगा हमने यहां से जस्ट बोला कि अगर वाटर की हम जस बात करें तो वाटर हमारा माइनस फोर डिग्री सेल्सियस से फोर डिग्री सेल्सियस के बीच में एक अलग बिहेवियर देता है फोर डिग्री सेल्सियस सेल्सियस से डिग्री के बीच में एक अलग बिहेवियर देता है, है राइट right, ना अब मैं यहां से क्या बोलना चाह रहा हूं कि लेट सपोज हमारे पास बेटा एक ये लेयर थी ये हमारे पास एक झील भरी हुई थी और इस झील की हम बात कर रहे थे इसमें पानी भरा हुआ था 20 डिग्री सेल्सियस समझना मेरी बात ये पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे भरा हुआ था अगर इस पानी को मैं जस्ट बोलूं कि मैं यहाँ से ठंडा आना यहां पे बहुत ज्यादा सर्दी आ गई है और ये पानी जो है वो एकदम से टेम्परेचर इसका डाउन होना शुरू हुआ और ये ट्वेंटी से बेटा आपका आया जीरो और जीरो से आया लेट सपोज यहाँ से जो झील है उसका पानी उसका जो टेम्परेचर है ऊपर वो पहुंच गया माइनस का ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ही ये माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा जीरो से जीरो के बीच में आइस बनेगा जीरो से जीरो के बीच में आइस बनेगा और जैसे ही ये जीरो से जीरो के बीच में आइस बनेगा तो ये आइस की एक लेयर बना लेगा मैं क्या बोल रहा हूं जैसे ही ये आइस बनेगा तो आइस की एक ये लेयर बना लेगा और अगर यह जनरल सब्सटेंस होता जैसा ऊपर वाले ने सबके लिए बनाया है कि सॉलिड बनेगा तो भारी हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यह आइस जो है वो नीचे की तरफ डूबने की कोशिश करती राइट ना और हमें क्या पता है कि वाटर जो है जब आइस बन जाता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और इस वजह से आप क्या देखते हैं कि जो आइस है वो हमेशा पानी पर तैरती रहती है और ये नेचर का एक इतना मतलब ऐसा लॉ है जिसमें हम हमेशा देखते हैं कि अगर किसी भी झील पे एकदम से आइस बन भी गई तो आइस के ऊपर जितना मजा आएगा ना उतना ही नीचे वाले जो जानवर हैं वो भी मजा करते हैं ये नेचर है और ये थर्मोडायनेमिक्स है ये थर्मोडायनेमिक्स है हम लोग इसकी स्टडी करते करते पूरा पी कर लेते हैं कि हाँ ऐसा अंदर भी उतना मजा बाहर भी उतना मजा ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा ऐसे ही बेटा कि जैसे जैसे ये आइस बनती जाती है ये सरफेस पे ऊपर जाती जाती जैसे जैसे आइस ये नीचे से बनती जाएगी वैसे वैसे ये सरफेस पे ऊपर बन एक लेयर बनाती जाएगी और नीचे का जो वाटर है उसका टेम्परेचर जो है वो आपका एक मेंटेन रहेगा और ऊपर का जो टेम्परेचर है वो माइनस रखो प्लस ट्वेंटी रखो वट जो भी है प्लस रहेगा तो तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा माइनस ट्वेंटी माइनस थर्टी वट एवर द टेम्परेचर नीचे का जो टेम्परेचर है वो अभी भी वाटर जीरो पे ही रहेगा और आपके जो जानवर हैं वो बहुत आराम से नीचे इंजॉय करते रहेंगे जैसा आप ऊपर इन्जॉय करते हैं ये नेचर का लॉ है ये नेचर का लॉ है तो थर्मोडायनमिक्स हमारे लिए बेटा थैंक यू थैंक यू कवि अवदेश जी एस जी मित्तल थैंक यू थैंक यू तो बेटा हमारे लिए ये चीज बहुत समझनी जरूरी है कि हम थर्मोडायनमिक्स में पढ़ते क्या थर्मोडाइनमिक्स की स्टार्ट कहां से की स्टार्ट कहां से हुआ हमारी लाइफ में दस हजार साल पहले दो रेवोल्यूशन दस हजार साल में पिछले दस हजार साल में ऐसा हुआ है कि दो बार रेवोल्यूशन आया बेटा दो बार रेवोल्यूशन आया और दो बार रेवोल्यूशन में दस हजार साल पहले पहला रेवोल्यूशन आया था जब हमें पहली बार ये चीज पता चली थी कि हम एक जगह रह सकते हैं अपना खाना एकदम से उगा सकते हैं कि हाँ हमारी खेती बाड़ी कर सकते हैं घर बना सकते हैं एक जगह पर रह सकते हैं पहला रेवोल्यूशन था थर्मोडाने की लाइफ में

पहला रेवोल्यूशन तभी आया था लोगों ने खाना उगाना शुरू कर दिया था लोग एक जगह रहना शुरू कर दिए थे घर बना लिए थे इसके 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 बाद इसके बाद बाद सुनिए मतलब लोगों में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया लोग फिर से खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए एक जगह रहना शुरू कर दिए पाइपलाइन वगैरह डाली फिर कुछ टाइम और बीता मतलब बहुत टाइम लगभग एटीन सेंचुरी की बात कर रहा हूं अठारह की बात कर रहा हूं अठारह में एक बार फिर से रेवोल्यूशन आया और उस रिवोल्यूशन का जो मेन मोटव था वो था इंडस्ट्राइजेशन जिस कंट्री की इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी थी वो कंट्री बहुत आगे चले गए जिन कंट्रीज़ के इंडस्ट्रीज बहुत पीछे थी और जिन्होंने मतलब इंडस्ट्रीज पे काम किया वो लोग मतलब बहुत अच्छे आगे बढ़ गए जिन्होंने नहीं किया वो लोग बहुत पीछे रह गए 1800 के आसपास ही आपके जो कार्नॉड थे उन्होंने मतलब काम किया था जेम्स वॉट थे उन्होंने भी काम किया था जो थर्मो पर काम होना शुरू किया था अठारह सौ में ही हमने पहली बार ये चीज़ पता की थी कि हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं अठारह के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं 1812 में हमने पहली बार यह चीज सोची थी कि हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है तो 1800 में बेटा उन्होंने सबसे पहले 1812 की बात थी कि हमें हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है इसके बारे में सोचना शुरू किया था बेटा गुड आफ्टरनून ठीक है तो अब जब बात आती है कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करना ऐसा नहीं कि 1800 में सब कुछ पता चल गया था 1800 में पहली बार लोगों ने ऐसा सोचा था कि हम हीट जो है जैसे पहले पत्थर जलाना हमने पत्थर को ऐसे रगड़ा था तो हमारा मतलब जो भी चिंगारी उठी थी उसे हमने खाना वाना पकाना शुरू किया था लेकिन हमने अठारह में पहली बार ऐसा सोचा था कि हम हीट से वर्क बना सकते हैं हम अपना कुछ काम कर सकते हैं इंजन चला सकते हैं है ना जैसे होता था कि हमें कोई भी पहाड़ तोड़ना आपने देखा होगा पहले की जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें तोप चला करती थी एक बार लगा दिया और उसके बाद फिर से फिर से तोप में गोला भरा जा रहा है फिर चल रहा है तो अभी 1800 में लोगों ने सोचना शुरू किया कि नहीं नहीं कुछ स्पेशल कर सकते हैं और अब तो एके फोर्टी चलती है एक बार स्टार्ट किया और चलना शुरू हो गई ये साइकिल है ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है जिस साइकिल पर हम लोग काम कर रहे थे तो अठारह में जब लोगों ने सोचना शुरू किया तभी हम लोगों ने हीट इंजन बनाया तभी हम लोगों ने स्टीम इंजन पर काम करना शुरू किया और स्टीम इंजन पहला जो बनाया था वो

इन्होंने पहला इंजन बनाया था हालांकि इनका नाम कोई नहीं जानता बिकॉज ये फेल कर गया था इसकी जो दो थी वो 5 के आसपास थी इसलिए इंजन फेल कर गया था मतलब हम इसको कहीं भी चला नहीं सकते थे जहां पे चलाते थे तो खर्चा इससे ज्यादा आ जाता था जितना सामान था उससे ज्यादा खर्चा आ जाता था ठीक है बेटा तो इस वजह से ये जो न्यू कॉमन का इंजन था वो नहीं चला था और उसका रीज़न ये था कि इन्होंने एक ही सिलेंडर यूज़ किया था जिसमें स्टीम बनती थी जिसी से उसी से हीट रिजेक्ट करते थे उसी से काम करते थे तो इसलिए फेल हो गए थे इसके बाद ये पचास साल तक ऐसे ही चलता गया पचास से मेरे ख्याल से साठ साल तक ऐसे ही चला है और अठारह में फिर से इन्होंने काम किया अठारह के आसपास अठारह में आपके ये जेम्स वॉट आए जिन्होंने फिर से इंजन पर काम किया और उन्होंने दो सिलेंडर लगाए और इंजन का जो नाम है वो जेम्स वॉट के नाम से जाना जाता है है ना आपको जब भी बोला जाता है भाप का इंजन किसने बनाया है तो जेम्स वॉट का नाम तुरंत देते हैं वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने इस इंजन में चेंजेस करके इस इंजन को यूजफुल बनाया था ये यूजलेस था ठीक है बेटा हाँ आप इंजन बना सकते हो बिल्कुल सारे के सारे आप मतलब नए हो आपके पास दिमाग बहुत है बस यूज गलत जगह कर जाते हो कभी कभी ऐसा होता है चलो तो अब हम लोग यहां से जस्ट बेटा फिर उसके बाद हमने रिवोल्यूशन लाए फिर हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स लिया और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का मेन मोटिव ये था कि हमने हीट पढ़ लिया हमने वर्क पढ़ लिया लेकिन हमने हीट की डायरेक्शन नहीं पढ़ी थी तो हमने सेकेंड लॉ इसलिए पढ़ा था कि हमें डायरेक्शन चाहिए थी है ना फिर हमने एंट्रोपी पढ़ी दैट वॉज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इन सब के पढ़ने के बाद हमें सब ये पता चला था कि हमने टेम्परेचर के बारे में तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो टेम्परेचर सबसे बाद में पढ़ा गया था ठीक है तो अब हम लोग बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं थर्मोडायन बेसिक हिस्ट्री बस इतनी है कि हमारी थर्मोडानेमिक्स की अगर हिस्ट्री की बात करें तो दस हजार पहले से दस हजार साल पहले से हम लोगों ने थर्मोडायन पर काम करना शुरू किया था और आज भी हम उस पर काम कर रहे हैं सबसे पहले हमने जस्ट रेवोल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं था अठारह में बेसिकली आपका थर्मोडायन पर काम होना शुरू हुआ था जहां पर हमें पहली बार यह चीज पता चली थी कि हम हीट से वर्क में जा सकते हैं फिर हमने वर्क पर काम करना शुरू किया था फिर कितना करना है कैसे करना है वहीं से एक वर्ड निकला था है ना तो चलो आगे बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं गंगा सिंह गुड आफ्टरनून मैं ग्रेटर नोएडा में हूं गंगा सिंह है ना अगर होना तो मिलना आगे तो अब हम बेटा यहां से जस्ट जो बात करना जा रहे हैं वो है थर्मोडाइनमिक्स अब बेसिकली जो हमारी बुक्स वाली लैंग्वेज है ना उस पर बात करते हैं उस पर बात कर लेते हैं कि हमारी बुक्स क्या कहती हैं ठीक है चीके? बुक्स हमारी सिंपली जस्ट बेटा अगर हम यहां से बात करना शुरू करें तो थर्मोडाइनमिक्स क्या है हम सिंपली जस्ट बोलते हैं कि थर्मोडाइनमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स अफेक्ट्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस मैं क्या बोलता हूं थर्मोडाइनमिक्स कुछ भी नहीं है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर ये किसके साथ डील करता है बेटा ये डील करता है एनर्जी ट्रांसफर पे एंड इट्स अफेक्ट्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस एनर्जी ट्रांसफर की वजह से जो भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट आते हैं उनके साथ ये डील करता है अब बात यहां से जस्ट बात बेटा बात करते हैं आ, आ, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं क्या हाँ चलो चलो अब बेटा हम यहाँ से जस्ट बेटा बेटा यहाँ पे कुछ भी ऐसा यूज़ करने की जरूरत नहीं है मैं, मैं मैं बस इतना जानता हूँ मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ ना आप बस वहाँ पे पढ़िए इस जो भी अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो बस उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए बस खत्म बात है ना हम बस इतना जानते हैं कि हम लोग अच्छे से पढ़ें और मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से पढ़ना जानते हैं सारे के सारे जो पढ़ने वाला होगा उसको इन फालतू की चीज़ों से कोई मतलब होगा भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए तो चलो इधर आते हैं हम बेटा क्या बोलते हैं हमने बोला क्या है थर्मोडाइनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स अफेक्ट्स ऑन द द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस सब्सटेंस किसी भी से अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है मैंने बोला कि पानी है उस पानी से मैं हीट ट्रांसफर कर रहा हूं या पानी को मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं तो ऑब्वियसली उस पानी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होंगी तो ये सिंपल बोलता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स अफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस तो इसके जो भी भीट्स हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस पे वो हमें यहां से देखने को बोलते हैं मैंने बोला कि अगर एनर्जी ट्रांसफर होगा तो प्रेशर में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं टेम्परेचर में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं डेंसिटी में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं और ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ठीक है तो अगर थर्मोडानेमिक्स के बारे में बात करें तो बहुत आसान है अब बात यहां से आती है कि एनर्जी सर आपने एनर्जी की बात की है एनर्जी एक एक चीज समझिएगा बेटा है ना आपको आता है नहीं आता है डज नॉट मैटर एक एक चीज एक एक चीज समझिएगा ठीक है मैंने बोला कि एनर्जी के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने बोला कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस बट आपने कभी ये नहीं बताया कि एनर्जी क्या होती है मैंने बोला कि एनर्जी की कोई भी डेफिनेशन होती ही नहीं है कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एनर्जी को डिफाइन कर पाए एनर्जी एक एबिलिटी है टू कॉज द चेंजेस एनर्जी इज जस्ट अ एबिलिटी टू कॉज द चेंजेस हम एक जस्ट बात करते हैं किसके बारे में एबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि चेंजेस आ जाए मैं यहां पे बोर्ड में अगर एक बार हाथ मारू टूट जाएगा नहीं मारूंगा है ना अगर मैं यहां से हाथ मारूं और ये बोर्ड टूट गया तो आप तुरंत ये बात बोलोगे कि हां सर के हाथ में इतनी तो ताकत थी कि ये बोर्ड तोड़ दिया और बाई चांस अगर मैं इसमें ऐसे हाथ मारूं और इसमें कुछ ना हो आप क्या बोलोगे अबे क्या है इतना सा बोर्ड नहीं तोड़ पाया इतना तो बोर्ड भी नहीं तोड़ पाया तो मतलब क्या है ये फीलिंग है एनर्जी क्या है बेटा ये फीलिंग है कि हम अगर कहीं पे एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं सिस्टम में कोई भी चेंजेस आ रहे या नहीं आ रहे है? कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं है ना सिस्टम में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे तो एनर्जी इज जस्ट अ एबिलिटी टू कॉज चेंजेस एनर्जी जस्ट एक एबिलिटी है टू कॉस चेंजेस बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप जहां जहां जाते हैं हाँ क्लासिकल थर्मो का ये पूरा कंप्लीट रिविजन है बेसिक थर्मो में आप जहां जहां पर भी जाएंगे तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इससे मिलने वाला है मैकेनिकल वालों आपको दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं केमिकल वालों आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको देखिएगा अब मैंने यहाँ से जस्ट बोला कि अच्छा सर ठीक है आपने यहां से बात कर दी एनर्जी के लिए और आपने बोला कि एनर्जी कुछ भी नहीं है एनर्जी जस्ट एबिलिटी टू द चेंजेस मैंने मैंने कहा क्या गलत बोला तो आप बोलोगे सर एनर्जी मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप मुझे बताओ ना कि चेंजेस की बात आप कर रहे हो तो एनर्जी का क्या कुछ मतलब कुछ फॉर्म होती है किससे चेंजेस की बात कर रहे हो मैंने बोला डेफिनेटली मैंने जस्ट बोला डेफिनेटली हम यहां से अगर चेंजेस की बात करें तो एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं एक फॉर्म है हमारे पास हीट और दूसरा फॉर्म है हमारे पास वर्क अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हीट और वर्क इसको ही एनर्जी समझ लेते हैं बट बेटा मैं अगर यहां से हा 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 Uh, मैं नोमेरिकल करवाऊंगा निशा बेटा मैं नोमेरिकल करवाऊंगा बट मैकेनिकल की क्लास की टाइमिंग हाँ आज बता दूंगा ग्रुप में है ना और नोमेरिकल मैं करवाऊंगा पहले मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा दूँ फिर उसके बाद नोमेरिकल करवा दूँ है ना अब कन्फ्यूज़न ये आता है कि हम बात करते हैं हीट और वर्क के बारे में तो सिंपल uh, सी बात है कि सर ये एनर्जी है मैंने बोला कि नहीं ये दोनों के दोनों हीट एंड वर्क आर नॉट एनर्जीज हीट और वर्क जो है बेटा वो आपके एनर्जी नहीं है हीट एंड वर्क आर नॉट एनर्जीज ये दोनों के दोनों एनर्जीज नहीं है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अभी भी बता रहा हूं कि ये दोनों के दोनों एनर्जीज नहीं है ये दो मीडियम है ये दो मीडियम है टू चेंज हमने यहां से जस्ट बोला ये दो मीडियम है टू ट्रांसफर द एनर्जी मैं अगर सिंपल जस्ट बोलूं कि लेट सपोज अभी न्यू uh, ईयर आ रहा है क्रिसमस आ रहा है ना और आपने बोला कि मुझे कहीं पे मिठाई भेजनी है ऐसा होता ना कि जब त्यौहार आते हैं तो एक घर की मिठाई दूसरी जगह पे, दूसरे घर की मिठाई तीसरी जगह पे, ऐसे ट्रांसफर होता है होता होगा चलो नहीं होता है तो कोई बात नहीं अब हमने यहां से बोला कि बेटा लेट सपोज हमें एक मिठाई का डब्बा किसी के घर भेजना है हमने क्या किया कि एक मिठाई का डब्बा लिया और ड्राइवर को बोल दिया कि काम करो गाड़ी में रखो और इसको जाके उनके यहाँ पे दिया हो जाके कोई भी शर्मा जी मिश्रा जी जो भी हैं इनके यहाँ दिया हो जाके अच्छा हमने यहाँ से जस्ट बेटा दो तीन लेक्चर में आ, आ, आज नहीं हो पाएगा दो तीन लेक्चर लगेंगे दो लेक्चर लगेंगे मिनिमम तब हम इसको कम्प्लीट करेंगे ठीक है बेटा तो हमने यहाँ से बोला कि हमारा जो भी मिठाई का डब्बा था वो गया अब हम क्या बोल रहे हैं ये जो आपका स्वीट्स थे ये एनर्जी है ये जो स्वीट्स है वो एनर्जी है और जो वो मीडियम है वो हीट और वर्क वाला जो मीडियम है वो आपकी कार है वो आपका ड्राइवर है समझिए मेरी बात को मैंने बोला कि हीट एंड वर्क बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बट बोथ आर नॉट एनर्जीज हीट और वर्क दोनों के दोनों आपके फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज है ये दोनों के दोनों एनर्जीज नहीं है

मैं हीट सप्लाई कर दूं मैं आपके कमेंट बहुत सारे नोमरकल वाले लिंक डिस्कशन हा, हा, वाले हाँ 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 नोमरिकल वाले नोमरिकल वाली लिंक उसी में डालेंगे आप परेशान मत हो तो, मैकेनिकल में एक तो विस्कोसिटी से ही होगा आ, आ, समझा नहीं मतलब आ, क्या बोले चलो ठीक है ठीक अभी हम यहाँ से जस्ट बेटा बात कर रहे थे कि हमने यहाँ से सिंपल बोला कि लेट सपोज मैं इस पर हीट सप्लाई कर रहा हूँ है ना लेट सपोज मैं इस पर हीट सप्लाई कर रहा हूँ अच्छा जैसे मैं हीट सप्लाई करूंगा तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे भागना शुरू करेंगे लेट सपोज इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे भागना शुरू करेंगे मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हम किसी भी सिस्टम पे हीट सप्लाई करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन देना शुरू करते हैं एक इधर भागता है एक इधर भागता है एक इधर भागता है तो मतलब हमें हमेशा इस मॉलिक्यूल्स का जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक डिसऑर्गेनाइज मोशन मिलता है ध्यान देना मैंने बोला कि हमेशा आपको एक डिसऑर्गेनाइज मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स मिलता है अच्छा जब डिसऑर्गेनाइज मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल मिलता है इसका मतलब क्या है है ना मेरे ख्याल से आपको आ, समझ में आ रहा होगा जो भी चीजें मैं समझा रहा हूं बस प्रॉपरली मैं रिवाइज करा रहा हूं कॉपी आपके पास होगी सबके पास नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसको समझते चलो मैंने यहां से जस्ट बोला कि मॉलिक्यूल्स का आपको डिसऑर्गेनाइज मोशन मिल रहा है जब भी किसी भी सिस्टम पे हीट सप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्गेनाइज मोशन मिलने की वजह से हम यहां से बोलते हैं कि हीट जो है वो आपका डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है ध्यान दीजिएगा हीट जो है वो आपकी कौन सी बेटा डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है लेकिन अगर मैं यहां से सिंपल जस्ट बोलूं कि मेरे पास एक टेबल है उस टेबल में मैं धक्का मारना चाहता हूं लेट्स सपोज ये पेन है इस पेन को मैं ऐसे ले जाना चाहता हूं इस पेन को मैं ऐसे ले जाना चाहता हूं मैं क्या कर रहा हूं मैं काम ही तो कर रहा हूं ना इसको ऐसे ले जाने में मैं काम कर रहा हूं इसको ऐसे ले जाने में मैं काम कर रहा हूं अब मेरी मर्जी है कि मैं जिस डायरेक्शन में काम करूंगा उसी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स का मोशन होगा काम की बात कर रहा हूं और इसी वजह से वर्क के केस में बेटा हमेशा ऑर्गेनाइज मोशन मिलता है वर्क के केस में आपको हमेशा ऑर्गेनाइज मोशन मिलता है और इसीलिए हम यहां से जस्ट बोलते हैं कि वर्क इज नॉन एज ऑर्गनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट इज नॉन एज डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी और यह जो वर्क होता है बेटा वो हमारा कौन सा होता है

है ना आपकी बाइक है घर में किसी के पास स्कूटी होगी किसी के पास कार होगी है ना किसी के पास बाइक होगी तो आपने क्या देखा बेटा आपने क्या देखा कि बाइक में मैंने फ्यूल डलवाया जब मैंने बाइक में फ्यूल डलवाया तो यह चीज बिल्कुल है कि जितना फ्यूल डलवाते हैं आपकी बाइक वाले ने बोला था जब कंपनी में लेने गए थे तो उसने बोला था कि अस्सी का एवरेज देगी बट बाइक आपकी एवरेज दे रही पचपन का ऐसा क्यों ऐसा क्यों हमें यहां से अच्छे से पता है कि यह पूरी की पूरी जो हीट है ध्यान दीजिएगा पूरी की पूरी जो हीट है उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता लेकिन वर्क जो होता है वो पूरा का पूरा कन्वर्टेबल होता है किसमें वर्क में मतलब मैं सिंपली यहां से जस्ट बोलूं बेटा कि मैं अपने हाथों को ऐसे ले रहा हूं और अगर मैं हाथों को काम देना शुरू करूं ऐसे रब करना शुरू करूं तो यू विल फील कि आप जितना काम देते जाओगे वैसे वैसे हाथों में आपकी गर्मी आना शुरू हो जाएगी लेकिन अगर मैं यहां से जस्ट सिंपली छोटी सी पॉइंट ये चीज बोल दू लेट सपोज मैंने छोटा सा पॉइंट ये बोल दिया कि मैंने हाथों को उतनी गर्मी दे दी एकदम से है ना जे में डाले थे हाथ गर्म हो गए तो क्या आप ऐसे ऐसे कर सकते हो नहीं कर सकते लेकिन अगर आपके हाथों में आग लगा दूं तो आप जरूर ऐसे करोगे हाथ बचाओगे ना कहीं ना कहीं से तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हीट आप जितना भी यूटिलाइज करोगे बट वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्टेबल नहीं होगा लेकिन वर्क को अगर आप देखोगे तो वर्क इज फुली कन्वर्टेबल इन टू हीट क्यों क्योंकि तो दुनिया में हमारे पास जो कुछ भी अवेलेबल है वो सारा का सारा हीट अवेलेबल है लो ग्रेड एनर्जी अवेलेबल है सन देखिए हीट देता है कोल्स जलते हैं हीट देते हैं फ्यूज जलते हैं हीट देते हैं तो दुनिया में जो कुछ भी अवेलेबल है वो सारा का सारा लो ग्रेड एनर्जी अवेलेबल है वो हाई ग्रेड एनर्जी अवेलेबल नहीं है और हमने यहां से बोला कि जब हम हीट को प्योरीफाई करते हैं तब हम उससे वर्क निकालते हैं जिससे हम बाइक चलाते हैं जिससे हम कार चलाते हैं जिससे हम काम करते हैं तो मैं आपको सिंपली जस्ट बेटा जो बात करना चाह रहा हूं वो ये कि हीट आपका लो ग्रेड एनर्जी है बिकॉज इसको हम अनप्योरिफाइड फॉर्म में रखते हैं इट इज एन अनप्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क जो है वो आपका प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वर्क आपका हाई ग्रेड एनर्जी है ध्यान देना हीट इज नॉट फुली कन्वर्टेबल इन टू वर्क आप कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि हीट आपकी फुली कन्वर्टेबल होती है नंबर टू अगर हम यहां से बोलें ये हमारी अनप्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी है और अगर हम यहां से जस्ट बेटा बात करें ये हमारे पास प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी है दिस इज योर प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी आप लोग जाते हैं ना रेस्टोरेंट में तो जाते होंगे ना सारे के सारे रेस्टोरेंट अब तो खैर बहुत टाइम से जाते नहीं है ना बहुत टाइम से जाते नहीं लेकिन अब तो बहुत टाइम से मेरे ख्याल से सब लोग घर में बंद है लेकिन जब जाते होंगे सपोज कॉलेज में आप चार फ्रेंड्स हैं चार फ्रेंड्स हैं और दो बॉयज हैं दो गर्ल्स हैं है ना अच्छा रेस्टोरेंट में गए तो मेरे ख्याल से पेमेंट कौन करेगा बस इतना बता दो पेमेंट कौन करेगा बस इतना बता दो ठीक है अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पेमेंट कौन करता गर्ल्स करते हैं बॉयज करते हैं पेमेंट कौन करता है बताएंगे क्या चलिए ये मैंने यहां से बोला कि दिस इज अनप्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क इज नॉन एज प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी ठीक है वॉइस करते हैं पेमेंट डेफिनेटली वॉइस करते हैं पेमेंट यस गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हाँ चलें चलें वाटर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या आत्मनिर्भर करते हैं आत्मनिर्भर हाँ ठीक ठीक मैं कुछ और पूछ रहा था मैं जस्ट ये बोल रहा था कि अगर uh, लेट सपोज़ दो लोग हैं आपका आप बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के दोनों जस्ट गए और मेरे ख्याल से जो पेमेंट करते हैं वो बॉयज़ करते हैं गर्ल्स करते हैं हम आ, जेंडर इक्वलिटी में विश्वास रखते हैं आजकल के लड़के बड़े तेज़ हो गए है।, है ना आजकल के लड़के एकदम से तेज़ हो गए अरे मतलब ऐसा कैसे हो सकता है हम तो करेंगे आजकल के लड़के बेशरम भी हो गए मतलब गर्ल्स करते हैं बहुत अच्छी बात है ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं वैसे जनरली ऐसा ही होता है कि अगर लेट सपोज ऐसा हुआ लेट सपोज हाँ लड़के के पापा करते हैं ये मैं मान सकता हूँ कि लड़के के पापा करते हैं मैके हैं सर सब हाँ 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 मुझे पता है मैके सब लेट सपोज आप ऐसे गए आपसे यहाँ से हुआ कि किसी दिन पार्टी करनी है पार्टी करनी में यार वो मेरे कॉलेज की दो फ्रेंड्स हैं वो भी आने वाली हैं और हम लोग चलेंगे तो आप लोग चाहे उधार मांगो चाहे जो करो लेकिन पैसा तो तुम ही लोग दोगे तय बात है पैसा तो तुम ही लोग देने वाले हो तो मुझे जो समझाना था बस इतना कि पेमेंट करने के मामले में बॉयज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि मतलब पैसा तो हम ही को देना है चाहे मतलब गर्ल्स देना भी चाहे तब भी नहीं और एक और चीज़ बता दें जैसे पार्टी करने वगैरह पार्टी करने जाते हैं लट्स वो चार बॉयज गए जिस दोस्त को पार्टी देनी होगी ना जिस दोस्त को पार्टी देनी होगी उसकी जान ले लेते हैं बिल्कुल है ना कि सारा पैसा वही देगा गर्ल्स में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती चार गई है ना तो चार के चारों अपने अपने पैसे देंगी बिल्कुल हैप्पी रहती है।, है ना अपने आप दे देंगे लेकिन बॉयज क्या होते हैं कि बिल्कुल एकदम से एक फंस गया ना तो उसको ऐसा बना देते हैं कि वो अगले दो तीन महीने तक बोले ही ना कि मैं कभी पार्टी दूंगा चलो तो मैं क्या बोल रहा था बेटा कि अगर मनी के बारे में मनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मनी के लिए जो फुली डेडिकेटेड होते हैं फुली डेडिकेटेड फुली कन्वर्टेबल वर्क जो होता है वो हीट में फुली कन्वर्टेबल होता है हीट जो होती है वो वर्क में फुली कन्वर्टेबल नहीं होती है मैं यहाँ से सिंपल जस्ट और अगर मनी के बारे में बात करें तो बॉयज जो होते हैं वो फुली डेडिकेटेड होते हैं और हीट जो है गर्ल्स बेटा आप लोग उल्टा मान लेना है ना वर्क गर्ल्स आप लोग उल्टा मान लेना मैं जैस आपको याद करने के लिए याद बता रहा हूँ है ना और गर्ल्स जो होती हैं वो उतना पैसा हो सकता है कि चार बार तुम्हारे साथ जाएँ पाँचवीं बार बोले मैं आधा दे दूंगी है ना मैं मतलब पूरा तब भी नहीं देंगे आधा दे दूँगी तो जो बॉयज होते हैं ना वो फुली कन्वर्टेबल फुली डेडिकेटेड होते हैं गर्ल्स अपना उल्टा मान लेना मैं क्या बोल रहा हूँ है ना फुली डेडिकेटेड होते हैं तो मेरे ख्याल से अगर हाई ग्रेड एनर्जी की बात की जाए हीट और वर्क में बता देंगे क्या हीट और वर्क में अगर आपसे पूछे कि कौन सा हाई ग्रेड एनर्जी है कौन सा लो ग्रेड एनर्जी है एज अ बॉय अगर मैं एज अ मतलब बात करूं कि मैं अपनी बात करूं तो मैं तो मतलब जेंट्स हूँ ना तो मैं तो नहीं बोल सकता कि भाई जेंट्स खराब होते हैं ना तो हीट एंड वर्क में बताइए कोई बता सकता है कौन सा हाई ग्रेड एनर्जी है कौन सा लो ग्रेड एनर्जी है हाँ अंतर्यामी है वर्क हाई ग्रेड एनर्जी हाँ सर सब पता है ठीक है चलो हाँ फ्लूड स्टार्ट होगी फ्लूड स्टार्ट होगी अभी नहीं अभी अभी नहीं फ्लूइड स्टार्ट तो आप देख लीजिएगा कि जिसको जो लगता है मैंने दो तीन चीजें बताई जो आपको याद रखनी है चलो जोक्स सब मैं जो जा, बताने जा रहा था वो दो तीन चीजें बस ये हीट आपका लो ग्रेड एनर्जी है हीट आपका डिसऑर्गनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट आपका अनप्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वर्क आपका हाई ग्रेड एनर्जी है ठीक है हीट हां वर्क आपका हाई ग्रेड एनर्जी है वर्क आपका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वर्क आपका प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी है आपसे सोर्सेज ऑफ लो ग्रेड एनर्जी पूछ देता है तो सोर्सेज ऑफ लो ग्रेड एनर्जी में आप बोलोगे कि सर सोर्सेज में तो बहुत सारा आपका कोल है फॉसिल फ्यूल्स हैं सन है ये सारे के सारे सन है हार्ड वर्क वेरी हाई ठीक है चलो तो इधर देखते हैं इधर देखें है? हाँ तो अभी थोड़ा सा आगे जस्ट बात कर लेते हैं हमने हीट और वर्क की बात की अच्छा एक और चीज याद रखनी है हीट और वर्क दोनों के दोनों एनर्जीज है ही नहीं हीट और वर्क दोनों के दोनों एनर्जीज नहीं है आपको रीजन ये पूछ सकता है कि सर हीट और वर्क एनर्जी क्यों नहीं है बिकॉज आप यहां से देखिएगा एनर्जी को आप स्टोर कर सकते हैं एनर्जी को आप स्टोर कर सकते हैं आप हीट को कभी भी स्टोर नहीं कर सकते आप वर्क को कभी भी स्टोर नहीं कर सकते हमने यहां से बोला कि मैं इस इस को को यहां 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 से 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 सपोज हमारे पास ये एक बॉक्स बॉक्स है इस को मैं मैं यहां तक यहां तक उठाना चाहता हूं अगर मैं यहां से यहां तक उठा दूं बेटा लेट सपोज इसका मास एम था इसको एच हाइट उठाया तो ऑब्वियसली मुझे यहां से यहां तक उठाने में जो काम करना पड़ेगा वो एम जी एच का करना पड़ेगा लेकिन जब ये बॉक्स यहां पे पहुंच जाएगा इसके बाद अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा क्या कि यहां पे इसके पास क्या काम है आप बोलोगे नहीं इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है मेरी बात समझिएगा इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है हम वर्क के फॉर्म में इसको पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे थे उठा के जब भी हम इस पेन को उठा रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं लेकिन हम किस में कन्वर्ट करते हुए जा रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए जा रहे हैं तो चीजें आपको यह चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि हीट एंड वर्क दोनों को स्टोर नहीं किया जा सकता इनकी एनालिसिस केवल उसी टाइम पे की जा सकती है जब ये हो रहे होते हैं काम जब हो रहा आपका घर बन रहा है तब आप बता सकते हैं कि वो कैसे-कैसे हुआ था लेकिन जब बन चुका है और बाहर वाले बंदे को अगर आप लेके आते हो उसे बोलते हैं अबे तुम ये बताओ मेरे घर में कौन सा कमरा पहले बना था वो कभी नहीं बता पाएगा वो कभी नहीं बता पाएगा ठीक है तो आपको यहां से जस्ट हां स्टोर को हां एमसीपी डीटी से लिखते हैं हां ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम यहां से जस्ट बेटा जो बात करने जा रहे थे वो हमने यहां से बोला कि ऑब्बियसली ये चीज बिल्कुल श्योर है कि हम वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो वर्क हमारा कभी भी हम उसको स्टोर कर ही नहीं सकते हम नहीं कर सकते उसको स्टोर क्योंकि अगर हमें स्टोर करना

नारसिस ठीक है अच्छा एक और चीज मैंने आपको यहां से जस्ट अगर थोड़ा सा आगे बात करना शुरू करें हमेशा ध्यान रखना हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अच्छा जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक चीज का आईडिया होना चाहिए कि सर कौन सी एनर्जी कंजर्व है हमसे बोलते हैं ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इट कैन बी कनवर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म राइट right ना यही तो बोलते हैं ना हमने यहां से बोला कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी कंजर्व है पूरी पूरी एनर्जी कंजर्व है लेकिन मेरे लाल आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कौन सी एनर्जी कंजर्व है क्या सन की जितनी भी हीट है वो पूरी कंजर्व है नहीं एनर्जी कंजर्व नहीं है। ये एक्चुअल जो लॉ है वो है क्वालिटी ऑफ एनर्जी कंजर्व क्वालिटी ठीक है? ध्यान दीजिए, नहीं। आप हमेशा ये चीज़ बोलिए कि कि क्यों? क्योंकि हम से जब भी बेटा बात करेंगे, हमने बोला कि हमारे पास सौ किलो जूल की हीट थी ध्यान दीजिएगा सौ किलो जूल की हीट थी लेकिन क्या पूरी की पूरी 100 किलो जूल की हीट को यूटिलाइज कर पाओगे नहीं कर पाओगे यार तुम 50 किलो जूल का कुछ ना कुछ वर्क बनाओगे है ना इस वर्क से दोबारा हीट बना पाओगे तो ये कंजर्व है ये नहीं कंजर्व है ये तो बर्बाद होगी होगी समझ रहे बेटा तो हमने यहां से बोला कि क्वालिटी ऑफ एनर्जी कंसर्व है ना कि क्वान्टिटी है, हमेशा ध्यान रखना है क्वालिटी कंसर्ट है नॉट

फिर हमने थोड़ा सा आगे बात करना शुरू की तो एनर्जी के बारे में फिर हमने आगे जस्ट बोला कि भाई देखो ये एबिलिटी है बट इसके दो फॉर्म्स होते हैं दो फॉर्म्स के थ्रू तो एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं एक है हीट एक है वर्क हीट इज डिसऑर्गनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क इज ऑर्गनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट इज लो ग्रेड एनर्जी वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी ठीक है फिर हमने यहां से जस्ट बोला कि हाँ इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों एनर्जीज नहीं है ये दोनों के दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है एनर्जी हीट और वर्क दोनों की हम बात करते हैं इनको हम स्टोर नहीं कर सकते दूसरा हीट और वर्क जब ट्रांसफर हो रहे होते हैं ध्यान देना हीट और वर्क जब ट्रांसफर हो रहे होते हैं तब हम इनको देख सकते हैं कि वो ट्रांसफर हो रहा है वर्क हो रहा है आपका घर बन रहा है आप देख सकते हो कि घर बन रहा है लेकिन जैसे ही आपका घर बन गया वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर गया किसने बनाया था कब बनाया था सब काम खत्म सब काम खत्म तो एक चीज ध्यान रखना हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर की जो एनालिसिस है वो आप बेटा तभी कर सकते हो जब वो हो रहे होंगे अगर वो हो नहीं रहे तो आप उसके एनालिसिस नहीं कर पाएंगे इसीलिए हीट एंड वर्क हम दोनों को ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं ध्यान देना हीट एंड वर्क दोनों के दोनों बेटा हमारे ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी मीनस हम लोग यहां से जस्ट बोलते हैं ट्रांजियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज बिकॉज लूज प्रॉपर्टी दोनों बेटा आपसे पूछेगा कि हिट एंड वर्क दोनों के दोनों ट्रांजियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों है आप बोलोगे सर दोनों के दोनों अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर जाते हैं वंस द प्रोसेस ओवर एक बार प्रोसेस ओवर हो गया तो ये पूरी की पूरी दोनों के दोनों क्या करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर जाएंगे इसलिए दोनों के दोनों ट्रांजिएंट फॉर्म में रहते हैं हम डिसाइड ही नहीं कर पाते काम होने के बाद हम नहीं बता सकते कौन करके गया था मैं पानी गर्म करके लाऊं पानी गर्म करके जब तक मैं कर रहा हूँ तब तक पता है कि पानी कैसे गर्म हो रहा है लेकिन गर्म करके यहाँ पे कोई मुझे दे दिया कि मुझे नहीं पता कि वो कैसे गर्म हुआ था तो ये चीज़ हमें खुद ही सोचना नहीं सिविल सिविल में नहीं चल रहा है सिविल का नहीं है सिविल का नहीं है केमिकल और मैकेनिकल वालों का है ठीक है तो ये दोनों के दोनों बेटा हमारे ट्रांजेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं हीट और वर्क दोनों के दोनों बाउंड्री फिना होते हैं काम आप कर रहे हो घर में आप सबके सब पढ़ रहे हो काम आप कर रहे हो घर में सबके सब पढ़ रहे हो लेकिन जब तक उसका रिजल्ट नहीं मिला तब तक तुम्हारी नॉलेज जो है वो बेकार होती है है ना सब लोग तो ये बोलते हैं अभी पता नहीं क्या करता था है ना आपसे यह सिंपल बोलेगा अभी पता नहीं कौन सी एनर्जी कौ, कौन सी की बात कर रहे हैं हाँ इसको हम बेटा यहां से कैलकुलेट करते हैं ओमकार से इसको हम लोग क्यू इज इक्वल टू एम सी पी डी को डी टी को हम कैलकुलेट करते हैं लेकिन जब ये सिस्टम पे पहुंचती है तब हमें एनर्जी बोलते जब हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं तब हम इसको हीट बोलते हैं ठीक है चीजों को समझिए ओमकार जब हम जैसे हमने यहां से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो ट्रांसफर हो रहा है तब हम उसको हीट बोलते हैं लेकिन जैसे ही उसके पास, पास पहुंच गया तब हम उसको एनर्जी बोलते हैं ठीक है जैसे पानी आपका गर्म है तब हम ये नहीं बोलते कि उसके पास इतनी हीट है हम बस इतना बोलते हैं कि उसका टेम्परेचर इतना है ठीक है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए हाँ हाँ लॉकडाउन में आपने एफएम पढ़ी थी हाँ मैं क्या बात कर रहा था हीट और वर्क दोनों के दोनों बेटा बाउंड्री फिनोमेना सपोज ये रूम है इस रूम में मैं एकदम से आग लगा दूंगा क्या करूं इंसुलेट कर दूं अब बाहर वाले को तो नहीं पता चलेगा जब इंसुलेट है तो अंदर तो अंदर मैं मर जाऊंगा लेकिन अगर बाहर वाले की दीवारें उसको लगे कि गर्म हो रही है यार अंदर कुछ जल रहा है तब उसको पता चलेगा तो हीट और वर्क मैं बोल रहा हूं कि जब तक मैं यहां से काम करूंगा मैं यहां से बोलूं कि मैं कुछ सिस्टम पे काम कर रहा हूं लेट सपोज हमने बोला कि ये रिजिड कंटेनर है ध्यान दीजिएगा इस रिज़िड कंटेनर को मैं यहां से ऐसे दबाना चाहता हूं अगर ये दबा नहीं पाए, मैं इसको यहां से जस्ट कंप्रेस नहीं कर पाया कुछ भी नहीं हो पाया तो आप बोलोगे कि तुमने किया क्या है लेकिन अगर मैंने इसको क्रश कर दिया तो आप बोलोगे यस आपने काम किया है तो थर्मोडाइनमिक्स में हम जो बात करेंगे वो हीट ट्रांसफर की बात करेंगे वर्क वर्क ट्रांसफर ट्रांसफर, ट्रांसफर की बात करेंगे और हीट हम तब तक नहीं बोलेंगे कि हो रहे हैं जब तक हमारी एनर्जी जो है या yeah, हीट और वर्क दोनों बाउंड्री को क्रॉस करके नहीं आएंगे बिकॉज हीट एंड वर्क बोथ आर बाउंड्री फेनोमिनास बोथ आर ट्रांसियंट फेनोमास बोथ आर

अब हम लोग यहाँ से जस बेटा आगे बात करना शुरू करते हैं हमारे पास ये सिंपल uh, जस इसके बारे में ये बेसिक था थर्मोडाइनमिक्स का ये बेसिक था कि हम थर्मोडाइनमिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ना चाहते हैं और क्यों क्यों पढ़ना चाहते हैं ठीक है अब हम लोग यहाँ से जस सेशन uh, स्टार्ट uh, करते हैं कि एक चीज़ आपको छोटा छोटा आइडिया होगा मेरे ख्याल से मैं अगर बात करूं मैं बस रिवाइज करा रहा हूं है ना मैं यहां से रिवाइज कर हाँ ठीक ठीक, ठीक रिवाइज रिविजन होने के साथ साथ फीलिंग आनी चाहिए ऑब्वियसली अब हम लोग यहां से जस्ट बात कर रहे हैं एक आपको पढ़ना है सिस्टम के बारे में मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा ये सब है ना मैं आपको बताए दे रहा हूं कि आपको पढ़ना है सिस्टम के बारे में क्या होता है मैं आपको पढ़ना है बेटा सराउंडिंग के बारे में क्या होता है अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें थर्मो का बेसिक इज ओवर थर्मो का एम और बता देता हूँ अभी एक पढ़ना है आपको बाउंड्री के बारे में ये तीन चीजें आपको अभी अभी पढ़नी है आप अपना पढ़ लीजिएगा मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं ठीक है सिस्टम अगर हम थर्मोडाइनमिक्स के एम की बात करें तो एम ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी इंटू हाई ग्रेड एनर्जी इन एन इफिशियंट मैनर दुनिया में जो कुछ भी अवेलेबल है वो सारा का सारा हमारे पास क्या अवेलेबल है हीट और हीट को हम वर्क में कितना इफिशियंटली कन्वर्ट कर सकते हैं इसी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडानेमिक्स वैसे तो बहुत बड़ा है बट बड़ अगर कभी भी आपसे बात करें कि थर्मोडाइनमिक्स की एम क्या है हम थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं थर्मोडाइनमिक्स इज नथिंग इट इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस एम ऑफ थर्मोडाइमिक्स क्या है मैंने बोला कि दुनिया में जो कुछ भी अवेलेबल है वो लो ग्रेड एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल है इस लो ग्रेड एनर्जी को कितना इफिशियंटली हम प्योरीफाइड कर सकते हैं इस प्रोसेस को जो एम ये जो प्रोसेस है ये है एम ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ठीक है बेटा सिविल के चैनल पर रिवीजन क्यों मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है कि मैं इसमें काला दिखाई देता हूं तो बेटा इस पे लिंक बना है तो इसी पे रिविजन करें ये सिविल का चैनल जो है इसका नाम अभी चेंज होने वाला है मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि इसका नाम चेंज होने वाला है नाम जैसे चेंज हो जाएगा तब आपका ये क्यों वाला जो वर्ड है उसको क्वेश्चन माख हट जाएगा ठीक है आप खुद ही बता दोगे तो मतलब बेफिक्र रहो आप कर लो क्या दिक्कत है क्या जा रहा है है ना अब आप बोलो कि सर मतलब जो दिए तो दिवाली में ही चलते हैं दिए तो दिवाली में ही चलते हैं या मिठाई तो सर दिवाली में खाते हैं फिर मैं एकदम से आज मिठाई क्यों खाऊँ तो ऐसा तो नहीं है चलता रहता ठीक है चलता रहता एम वालों को पता नहीं चलता हाँ ये मैं समझ गया एम वालों को पता नहीं चलता बट कोई बात नहीं अभी थोड़ा सा इधर रखिए अब हम यहाँ से जस्ट बेटा बात करें सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में सिस्टम कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से आपको आइडिया रहता है सिस्टम के बारे में सिस्टम कुछ भी नहीं एनी थिंग एनी रीज़न अपॉन विच स्टडी इज़ फोकसड कोई भी रीजन जिसपे हम अपनी स्टडी फोकस कर रहे हैं दैट इज़ नॉन एज सिस्टम ठीक है system, कोई भी सिस्टम कोई भी रीज़न जिसपे हम अपनी स्टडी फोकस कर रहे हैं दैट इज़ सिस्टम आपका क्लासरूम है सिस्टम है मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ सिस्टम है आप अपने घर में हैं सिस्टम है कोई भी एनी रीजन अपॉन विच स्टडी इज फोकसड इज नॉन एज सिस्टम एंड एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम एनीथिंग थिंग पढ़ने के बाद पोर्शन सर आपसे पढ़ने के बाद वही वाला पार्ट पोर्शन था ही नहीं माइंड में ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू इधर इधर देखो मैं आ, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ चलो कमेंट आपके मेरे पास दूर हैं और मेरी आंखें इतनी तेज़ है नहीं या बुढ़ा गया हूँ ना बुढ़ा हो गया हूँ तो इतना आंखें तेज नहीं है कि दूर से एकदम से ऐसे पढ़ाऊँ बट चलेगा चलेगा सिस्टम के बारे में बेटा बात करता है हमने बोला सिस्टम क्या है द रीज़न अपॉन विच स्टडी इज़ फोकस्ड कोई भी रीज़न जिस पर हम अपनी स्टडी फोकस कर रहे हैं सुबह सुबह मैं चाय की दुकान पर जा रहा हूँ चाय की दुकान मेरा सिस्टम है सुबह सुबह मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ कॉलेज मेरा सिस्टम है ठीक है मैं जहां पे फोकस कर रहा हूँ मेरे दिमाग में जो है कि मैं अपने रूम में बैठा हूं मेरा रूम मेरा सिस्टम सराउंडिंग क्या है सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है मेरे घर के बाहर जो कुछ भी है वो सब सराउंडिंग है मेरे घर के बाहर जो कुछ भी है वो सब सराउंडिंग है और जो मेरे घर को और बाहर वालों को सेपरेट करता है वो बाउंड्री है है ना जैसे तुम्हें आ, होता है कि कहीं पर रहते हैं सर रूम ले रह रहे थे और वहाँ पर हमको कोई पसंद आ गया सर है ना लेकिन कोई बाउंड्री है बीच में कोई ना कोई तो होगा ना रोकने वाला मोहल्ले में तुमको है ना तो जो हमने यहाँ से बोला कि जिस पे हम फोकस कर रहे हैं वो सिस्टम उसके बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है और उसको जो सेपरेट कर रहा है वो बाउंड्री है ठीक है बाउंड्री आपकी कैसी भी हो सकती है बाउंड्री के लिए कंफ्यूज मत होना बाउंड्री इज नाइदर द पार्ट ऑफ सिस्टम नॉर द पार्ट ऑफ सराउंडिंग बाउंड्री ना ही पार्ट है सिस्टम का ना ही पार्ट है सराउंडिंग का बाउंड्री कैन बी रिजिड है ना आप एग्जाम्पल ले लो सामने से बाउंड्री रिजिड हो सकती है कोई माने ही ना बिल्कुल एकदम से नहीं ऐसा नहीं हो सकता नहीं मानूंगा मैं नहीं मानूंगा बाउंड्री कैन बी रिजिड ये आपकी रेजिड हो सकती है सामने वाला बंदा कैसा भी हो सकता है जो आपके बीच में बाउंड्री बन रहा है तो बाउंड्री कैन बी रेजेड ठीक है ये आपकी रेजिड हो सकती है बाउंड्री कैन बी फ्लैक्सिबल ये फ्लैक्सीबल हो सकती है मेरे लाल है ना हो सकता है कि मान जाए हो सकता है कि मान जाए बाउंड्री कैन बी फ्लैक्सिबल हा अब देखना बाउंड्री कैन बी रियल दोनों हो सकता है रियल हो सकता है कुछ भी है ना और बाउंड्री कैन बी इमेजनरी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि कोई हमें रोकेगा बट आपको कोई रोकने वाला ही ना हो आपको कोई रोकने वाला ही ना हो तो कंफ्यूज मत होइएगा रिजिट बाउंड्री का अगर मैं एग्जांपल दूं तो उससे अपने सपनों की दुनिया से बाहर आइए रिजिट बाउंड्री का मतलब यह है रिजिड कंटेनर है ठीक है आपका रूम है रिजिट बाउंड्री दे रहा है ठीक है फ्लेक्सीबल बाउंड्री की अगर हम यहां से जस्ट बात करें तो कुछ भी हो सकता है फ्लैक्सिबल बाउंड्री की एक बलून ले सकते हो फ्लैक्सीबल बाउंड्री देता है बलून आपका फ्लैक्सिबल बाउंड्री देता है और मैं आपको यहाँ से जस्ट बेटा बात करूं फ्लैक्सिबल बाउंड्री के बारे में तो आ, क्या नाम है आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एक फ्लैक्सिबल बाउंड्री दे सकता है ठीक है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपका फ्लेक्सिबल बाउंड्री ले जाता है है ना ये आपका कॉन्टीन्यूअसली चेंज होता हुआ हो जाता ना ये बाउंड्री कॉन्टीन्यूसली चेंज होता हुआ हो जाता है उस सपनों की दुनिया से बाहर आइए अपने पढ़ने में रियल तो कुछ भी है जिसको हम टच कर सकते हैं रियल है इमेस अपने अपने रूम में ऐसा मान लिया अपने भाई से लड़ाई कर ली कि तेरी जो बेड बेड है वो इस इस साइड साइड पड़ेगा पड़ेगा मेरा पड़ेगा। और तू इस साइड मत आ जाना नहीं तो तुझे बहुत मारूंगा ये कब बोल सकते हो जब छोटा भाई हो है ना बड़ा होगा तो खुद ही मारेगा तुमको तो हमने यहाँ से एक इमेजनरी बाउंड्री बना दी कि हम दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई तुम इधर बैठोगे हम उधर बैठोगे जैसे कहीं जाते हैं क्लास रूम में नहीं आधे लोग इधर बैठेगा आधे लोग उधर बैठेगा अब एक बेचारा ताकता रहता है कि नहीं हम तो उधर उसको देख रहे थे वो तो उधर बैठे ठीक तो चलो बाउंड्री इमेजनरी हो सकती है बाउंड्री रियल हो सकती है कि आप बाउंड्री आप तो आपका कैसा होता है रियल इमेजनरी फ्लैक्सिबल व आप सारी की सारी चीजें इसमें क्लियर कर सकते हैं ठीक चलो अभी हमने यहाँ से जस्ट बेटा तीन टाइप के सिस्टम होते हैं मेरे ख्याल से सबको आइडिया रहता है तीन टाइप के सिस्टम जो रहते हैं वो आपको सबको आइडिया रहता है एक हमारे पास रहता है बेटा ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम ठीक है ओपन सिस्टम और एक आपके पास रहता है क्लोज सिस्टम और एक आपके पास रहता है आइसोलेटेड सिस्टम ठीक है ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम और कौन सा रहता है बेटा आइसोलेटेड सिस्टम ओपन सिस्टम जो होता है ना इसको हम बेटा यहाँ से कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम बोलते हैं ध्यान दीजिएगा इसको हम यहां से कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम बोलते हैं और इसको हम कंट्रोल मास सिस्टम बोलते हैं कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कंट्रोल मास सिस्टम मतलब जिसका मास फिक्स है उसको हम ओपन सिस्टम सॉरी क्लोज सिस्टम बोलेंगे और जिसका वॉल्यूम फिक्स है उसको हम आ, नहीं नहीं बेटा कार्तिके ये सिविल के लिए नहीं है ठीक है ये क्लास जो है आज थ्योरी वाला पार्ट चलेगा कल इसमें न्यूमेरिकल चलेंगे तो आज मैं रिवाइज़ कराई दे रहा हूँ और रिवाइज़ अभी करना है उसके बाद शाम को जाके कॉपी एक बार पेज पलटने बस फिनिश ठीक है हाँ कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो आपका ओपन सिस्टम है क्लोज सिस्टम जो है वो है वो कंट्रोल मास सिस्टम आपसे अगर कंफ्यूज हो कि सर कैसे कैसे बात करते हैं तो हम दो टाइप से बेटा बात करते हैं एक हम बात करते हैं मास के बारे में और दूसरा हम लोग बात करते हैं किसके बारे में एनर्जी के बारे में कि हमारा कब हम डिसाइड करते हैं कि हमारा ओपन सिस्टम है या कब हम डिसाइड करते हैं कि सर हमारा ये क्लोज सिस्टम है हम सिंपली बोलते हैं कि अगर मास ट्रांसफर नहीं हो मास ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दोनों के दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो ओपन सिस्टम है मतलब फिर से वही क्वेश्चन है ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा 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 ये वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड रहेगा कंट्रोल वॉल्यूम इज ओपन सिस्टम सिविल के चैनल पे सिविल के चैनल पे हो रही इसलिए कंफ्यूज हो गया था आ, चलो कोई बात नहीं कंफ्यूज मत हो कंफ्यूज मत हो बिल्कुल इधर देखो और बस उसको इंजॉय करो मैंने क्या बोला बेटा कि हमारे पास ओपन सिस्टम है और ओपन सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल मास दो टाइप के हैं ओपन और क्लोज मास एनर्जी दोनों ट्रांसफर स्वेटिंग ह्यूमन ह्यूमन बॉडी बॉडी जो है हाँ, देखो किसी ने दिया इज एन ओपन सिस्टम प्रेशर कुकर कैसा सिस्टम होता है बेटा प्रेशर कुकर आपका ओपन सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम होता है बता सकता है कोई प्रेशर कुकर आपका कैसा सिस्टम होता है इट इज अ ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें तो मास ट्रांसफर नहीं होना चाहिए एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए आइसोलेटेड में आपका एनर्जी और मास ये मेरे ख्याल से आपको आइडिया है प्रेशर कुकर आपका ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है क्लोज 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 both, बोथ ओपन हाँ तो ओपन एंड क्लोज दोनों हाँ प्रेशर कुकर एक ऐसा डिवाइस है जो दोनों टाइप का बिहेवियर रुसिकेस मैं तुमको मारूंगा है ना अगर तुमने अगर ऐसा हरकत किया कि नहीं हम क्लोज बोल रहे हैं ओपन बोल रहे हैं तो तुम तो मतलब सारी चीज़ें पढ़े हो और उसके बाद ऐसी हरकत कर रहे हो नहीं तुमको नहीं करना तुमको तो तुमको अलाउड नहीं है अलाउ अगर तुम्हें मैं गोली मार दूंगा यहीं से तुमको अगर तुमने ऐसा आंसर दिया दोबारा ठीक है एटलीस्ट हाँ, मतलब जो पढ़ चुका है मुझे याद है केस का नाम इसको मैंने पढ़ाया तो बेटा मैं क्या बात कर रहा था कि प्रेशर कुकर जो होता है ना वो दोनों की तरह बिहेव करता है ओपन सिस्टम एज वेल एज क्लोज सिस्टम बट इन जनरल अगर आपसे कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछते कि कैसा है और ओपन क्लोज दोनों का ऑप्शन ना हो तो आप उसको ओपन लगाना मैं बता देता हूँ प्रेशर कुकर का काम क्या होता है स्टीम जनरेट करना राइट अच्छा प्रेशर कुकर जब स्टीम जनरेट करता है तो ऑब्वियसली आप उसमें क्या देखते हैं खाना पकता है और खाना पकने के बाद जो स्टीम है वो बाहर आती है जब स्टीम बाहर आती है तो उसका कुछ ना कुछ मास बाहर आता है तो डोंट कंफ्यूज प्रेशर कुकर आपका कैसे वर्क करता है बेटा जो बेसिक वर्क है वो उसका स्टीम जनरेट करना है और स्टीम बाहर भी आती है तो मास बाहर आता है और मास अगर बाहर आता है तो बेटा ये ओपन सिस्टम हुआ जब तक स्टीम बाहर नहीं आ रही है तब तक ये क्लोज सिस्टम हुआ अच्छा आप भी पढ़ें हाँ तो अगर हमसे इन जनरल बोले कि कैसा सिस्टम है तो आप बोलेंगे कि सर दोनों है लेकिन अगर बोले कि नहीं दोनों नहीं अगर आपको डिसाइड करना हो तो कौन सा है तो सर ओपन है क्लोज नहीं होगा बिकॉज अगर क्लोज हुआ तो वो प्रेशर कुकर कैसा आप बंद करके कर किसी को भी रख दो है ना फिर उसमें आपको ऊपर विशेल लगाने की जरूरत क्या थी आप ऐसे ही छोड़ देते उसको स्टीम बाहर आने के लिए ठीक है हाँ मैं दोनों बोल मैं तो बोल रहा हूँ सर मैं तो बोल रहा हूँ कि दोनों ही होते हैं मैं बोल रहा हूँ दोनों ही होते हैं लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं मिला अगर आपको ऑप्शन में बोथ वाला नहीं मिला तो आप क्या करोगे है ना तब आप ओपन पे जाओगे अदरवाइज़ ओपन एज वेल एज़ क्लोज दोनों ही होगा आपका प्रेशर कुकर ठीक है बेटा चलो हाँ अच्छा मैं भी सर क्रैश कोर्स नहीं क्रैश कोर्स जिन्होंने किया दैट इज़ ओके मैं यहाँ से बेटा कर रहा हूँ आपको मैं जो बात कर रहा था ऋषिकेश मुझसे मतलब पढ़ा था और डिटेल में पढ़ा था तो इसलिए मैं उसको डांटा है ना और मेरी किसी बात का आप लोग बुरा मत मानना है ना क्योंकि बुरा मान जब कुछ कर तो पाओगे नहीं

मैंने बोला कि ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हम प्रेशर कुकर भी लिख सकते हैं ओपन क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल बता सकता है कोई क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल कोई बता सकता है क्या कोई बलून यस बलून को भी अगर देखा जाए तो आप ऐसा मत मानना उसमें बहुत स्लोली एयर बाहर जाती जाती, जाती 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 बट आप मत हाँ इलेक्ट्रिक बल्ब गुड हाँ हाँ यहां से आ, बलून हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया ठीक है इलेक्ट्रिक वल्ब हो गया ठीक है आप इसमें यह भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के अलावा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया बिना वॉल्व वाला पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व जिसमें वॉल्व ना लगे होंगे बिकॉज बॉल्व लगे होंगे तो आपका फ्यूल अंदर आएगा बाहर जाएगा तब वो ओपन सिस्टम हो जाएगा अगर विदाउट वॉल्व है तो केवल एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा हीट एंड वर्क हीट एंड वर्क का ठीक है तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व आइसोलेटेड से कोई लेना देना है नहीं आइसोलेटेड से कहीं पे भी कोई लेना देना है नहीं एक चीज मैं छोटा सा विदाउट uh, बोल हाँ कुछ बच्चों ने बता दिया है आइसोलेटेड और एडियाबेटिक में बहुत सारे बच्चे मतलब uh, मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी भी बता देता हूँ आइसोलेटेड सिस्टम मैंने बताया था कि आइसोलेटेड सिस्टम आपका क्या रहता है जिसमें एनर्जी और मास दोनों का दोनों ट्रांसफर नहीं होते आइसोलेटेड की बात कर रहे थे ये आइसोलेटेड पेन जो है ना वो कभी कभी मेरा धोखा दे जाता है ठीक है और एक होता है।, का एक काम है वो इतना जानता है कि आप हीट ट्रांसफर जो है ना वो जीरो कर दो बाकी हम एडियाबैटिक हो गए आइसोलेटेड क्या है आपने यहां से बोला कि सर इसमें से एनर्जी ट्रांसफर जीरो इसमें से मास ट्रांसफर जीरो ठीक है एनर्जी ट्रांसफर का मतलब आपका हीट ट्रांसफर जीरो और वर्क ट्रांसफर जीरो ठीक है मतलब आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी है वो हमेशा कितनी होती रहती है बेटा कॉन्स्टेंट रहती है डी इज इक्वल टू जीरो एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है अगर एडियाबेटिक सिस्टम की बात करें तो एडियाबैटिक सिस्टम आपके पास दो टाइप के आ जाएंगे एक हम लोग यहां से जस्ट हाँ एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर जीरो मास्क एंड ट्रांसफर आइसोलेटेड से नहीं बेटा आइसोलेटेड से नहीं एडियाबैटिक में आपके दो टाइप से मिल जाते हैं एक मिल जाता है आपको ओपन और एक मिल जाता है आपको क्लोज्ड एक आपको मिल जाता है ओपन एक मिल जाता है क्लोज्ड ओपन में हमने यहां से बोला कि मास ट्रांसफर जीरो मास ट्रांसफर नॉट इक्वल टू जीरो एनर्जी एनर्जी ट्रांसफर ट्रांसफर नॉट इक्वल टू जीरो यही तो पढ़ा पढ़ा है ना अभी 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 मैंने ओपन सिस्टम में दो चीजें मिलेंगी एक तो हीट ट्रांसफर एक वर्क ट्रांसफर तो यस yes, अगर एडिया है तो हीट ट्रांसफर जीरो वर्क ट्रांसफर जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है आई डोंट नो बस मुझे इतना पता है कि एडिया है तो हीट ट्रांसफर जीरो होगा, ठीक है? एनर्जी जो है आइसोलेटेड सिस्टम की हमेशा रहती है, आप उसको बोल सकते हैं हाँ, तो क्लोज सिस्टम के, तो के बारे में हमने यहां से बोला कि सर मास ट्रांसफर तो जीरो होगा एनर्जी ट्रांसफर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा अगर हम यहां से जस्ट बात करें तो हीट ट्रांसफर अभी भी जीरो होगा वर्क ट्रांसफर आपका जीरो हो सकता है वर्क ट्रांसफर आपका जीरो नहीं भी हो सकता दोनों चीजें पॉसिबल है अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर कैसे हो सकता है वर्क ट्रांसफर जीरो ऐसे हो सकता है कि हम एक रिजिड कंटेनर ले लें मैं तो ट्रांसफर की बात कर रहा हूं ना ट्रांसफर मतलब मैं यहां से दबाना चाहूंगा नहीं दबेगा हम काम नहीं कर पा रहे तो अगर मैं रिजिड और इंसुलेटेड कंटेनर ले लूं तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम का बात आ, कहानी बनेगी ये वाली दोनों वाली ठीक है तो यहां से एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या कोई आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो एडियाबेटिक सिस्टम हो सकता है या कोई एडियाबेटिक सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है तो आप यहां से बोलेंगे कि यस अगर हम यहां से जस्ट बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो हमेशा एक एडियाबेटिक होता है बट वाइसीवर इज नॉट करेक्ट मतलब आइसोलेटेड कैन ऑलवेज बी एन एडियाबेटिक सिस्टम बट एडियाबेटिक जो होगा वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा या नहीं होगा एकदम से डिसाइड नहीं कर सकते मैं क्या बोल रहा हूं मैंने जस्ट बोला कि अगर मुझे दूसरा मैंने बोला वर्क ट्रांसफर जीरो करना पड़ेगा तो ये क्लोज रिजिड कंटेनर की जब बात करेगा क्लोज रिजिड कंटेनर की जब बात करेगा तब हम इसको बोल पाएंगे कि ये आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो टिक सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करेगा ध्यान दीजिएगा मैंने बोला कि एक एडियाबेटिक सिस्टम जो होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा नहीं होता है बट आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा एक एडियाबेटिक सिस्टम होता है कैन बी एन आइसोलेटेड सिस्टम वेन इट अंडरगोज अ क्लोज सिस्टम विद कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ओके रनजन गुड है ना इसकी पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा हूँ जिसके लिए पीडीएफ की ज़रूरत पड़े मैं तो सिंपल पढ़ा रहा हूँ है ना कभी भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप परेशान मत हो है ना कभी भी ले लेना स्क्रीनशॉट ठीक है बेटा तो हमने यहाँ से जस्ट बोला कि यस आइसोलेटेड कैन बी एडियाबेटिक ऑलवेज बट एडियाबेटिक नीड नॉट टू बी आइसोलेटेड ऑलवेज है ना इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन लगानी पड़ेगी वो मैंने आपको लगा के बता दी ये हम यहाँ से जस्ट अच्छा जब भी हमारे पास सिस्टम आता है ना बेटा सिस्टम आता है अपलोड रह गया ठीक है अब हम यहां से जस्ट बेटा बात करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी सिस्टम आता कोई भी सिस्टम आता है हमारे पास तो हम सिस्टम की स्टडी कैसे करते हैं मैं मतलब इसको लिखूंगा नहीं कुछ भी सिस्टम की स्टडी हम बेटा दो टाइप से करते हैं एक माइक्रोस्कोपिक के थ्रू एक माइक्रोस्कोपिक के थ्रू माइक्रोस्कोपिक मतलब अगर हम पार्टिकल का इंडिविजुअल बिहेवियर चेक करें इंडिविजुअल बिहेवियर चेक करें मैं लिख ही देता हूं हम लोग यहां से जस्ट बात करें कि जब भी हम किसी सिस्टम की स्टडी करते हैं तो हम दो अप्रोचेस लगाते।, लगाते हैं एक हम अप्रोच लगाते हैं माइक्रोस्कोपिक एक जो हम यहाँ से बेटा लगाते हैं, और एक जो हम यहां से अप्रोच लगाते हैं दैट इज मैक्रोस्कोपिक मेरे ख्याल से आपको सबको आइडिया होगा बस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ माइक्रो और मैक्रो का मतलब यह है कि जैसे आपके क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं उनका मुझे रिजल्ट देखना है अगर मैं रिजल्ट देखूं यूनिवर्स बेटा एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है यूनिवर्स जो है वो आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें कुछ भी बाहर नहीं जाता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग इन दोनों को कम्बाइंड करते हैं तो यूनिवर्स मिलता है और दैट इज़ अन आइसोलेटेड सिस्टम ठीक है हाँ तो हम लोग हम लोग यहाँ से जस्ट बट बात, बात कर रहे थे कि ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहा है तो लेट सपोज आपका एक क्लास है और उस क्लास में आपसे बोला गया कि आप एक आप बात बताओ यार तुम्हारे क्लास में यार कैसे कैसे बच्चे हैं मतलब कितना मार्क्स आता है लोगों का

माइक्रोस्कोपिक की बात करेगा और अगर स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ यहां से जस्ट बात करेगा बेटा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करेगा यार ये क्यों परेशान कर रहे हो भाई हाँ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर की जस्ट बेटा बात करेगा तो हम यहां से जस्ट ओके ठीक तो हमसे अगर बेटा यहां से इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करेगा तो हम यहां से जस्ट बात करेंगे कि ये माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहा है अब बात करते हैं कि जैसे इंडिविजुअल बिहेवियर साहब अब इंडिविजुअल बिहेवियर जैसे मुझे इसके मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल बिहेवियर लेना है ये तो सॉलिड है इसके स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल हाँ ठीक 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 तो हमने यहाँ से बोला बेटा यूनिवर्स इज आइसोलेटेड सिस्टम हाँ मैं बता दिया हूँ आपको ये इंडिविजुअल आइसोलेटेड सिस्टम है ठीक है मैं बता चुका हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ अब जैसे आपसे बोल दिया गया आपसे बोला गया कि मुझे इसके इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में बता दो आप बोलोगे इसके कैसे बता सकते हैं इसके मॉलिक्यूल तो सर इतने पास हैं कि मैं सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल को देख ही नहीं सकता हूं तो आप इसमें लगाइए कि अगर आपको इंडिविजुअल बिहेवियर देखना है तो हमेशा आपको माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर जो देखना पड़ेगा वो लो डेंसिटी पे देखना पड़ेगा ध्यान देना जो भी माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर देखना पड़ेगा वो आपको कहां दिखेगा लो डेंसिटी पे दिखेगा हाई एल्टीट्यूड पे दिखेगा लो डेंसिटी पे दिखेगा आपको ये हाई एल्टीट्यूड पे दिखेगा बहुत अच्छे से याद रखेंगे ये चीज ठीक है कि माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर किस पे करते हैं और इसके बारे में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है एवरेज बिहेवियर लेना है तो आप लो डेंसिटी पे ले लीजिए हाई डेंसिटी पे ले लीजिए डज नॉट मैटर केवल आपको इतना याद रखना है अच्छा इसलिए हम जब लो डेंसिटी की बात करते हैं तो आपसे पूछेगा कि इसमें हम कौन सी अप्रोच लगाते फ्लूड मैकेनिक्स में चले जाइए फ्लूड मैकेनिक्स में जब आप सिंगल सिंगल पार्टिकल का बिहेवियर देख रहे थे तो जो अप्रोच थी दैट अप्रोच इज लेगरेंजियन अप्रोच है ना तो इसमें जो अप्रोच लगाते हैं ना बेटा माइक्रोस्कोपिक स्टडी में वो हम कौन सी लगाते हैं लेग्रेंजियन अप्रोच लगाते हैं ठीक है अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि मैं गलत लिख जाऊँ तो आप उसको समझ जाइएगा ठीक है बेटा हाँ बाई लो डेंसिटी बिकॉज जब भी बेटा लो डेंसिटी रहती है जैसे सॉलिड है सॉलिड है तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच हाँ ठीक है दैट इज ओके मैं आता हूँ उसमें मैं यहाँ से जस्ट बेटा बोला था थाट सपोज इसकी बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है और हाई डेंसिटी की वजह से हम सिंगल सिंगल पार्टिकल को नहीं पकड़ सकते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच नहीं लगा सकते लेकिन अगर इसके जो पार्टिकल हैं बहुत दूर दूर हैं जैसे गैसेज हैं तो उसमें हम लगा सकते हैं सिंगल सिंगल पार्टिकल की स्टडी कर सकते हैं तो ये चीज़ हमें यहाँ से याद रखनी पड़ेगी और ये जो आपके पास बेटा यहाँ से अप्रोच है इसी को बेटा हम यहाँ से नाम देते हैं स्टेटिस्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसी को हम बेटा यहाँ से नाम देते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ठीक है ये बेटा आपके पास कौन सी है स्टेटिस्टिकल अप्रोच है ना अंग्रेजी तो मेरी वैसे भी अच्छी है और कुछ उल्टा लिख रहा हूँ अप्रोच ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसके केस में बेटा हम एवरेज बिहेवियर लेते हैं इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं क्लासिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसको हम कौन सा नाम देते हैं क्लासिकल

ठीक है अच्छा अब हम यहाँ से जस्ट बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड का मतलब बेटा हमने यहाँ से सिंपल जस्ट बात करना शुरू की लट सपोज हम ऊपर जा रहे हैं है ना लट सपोज हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर हमारा प्रेशर जो है वो ऑलरेडी कम होना शुरू हो जाता है कम होना शुरू हो जाता है तो हम यहाँ से इसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं है ना तो इसीलिए लो डेंसिटी या हाई अल्टीट्यूड हम बोल देते हैं कि हाई अल्टीट्यूड पर गए तो हमारा प्रेशर कम होता है प्रेशर कम होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी डेंसिटी जो है प्रेशर के साथ साथ क्या होती है घटती है ठीक है तो आप इसको लगा के चल सकते हैं एंट्रोपी एकम एंड एनर्जी तो ये तीन है तीन आपको अच्छे से पता होना चाहिए अच्छा अभी हम लोग यहाँ से जस्ट बात करना शुरू करते हैं थर्मोडाइनमिक्स में आगे तो थर्मोडाइनमिक्स में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है कि हमने बोला कि सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और सिस्टम में हम सर दो टाइप से बात कर लेते हैं ठीक है मीन फ्री पाथ अभी बता देता हूँ क्लोसियस ठीक है मीन फ्री पाथ हम लोग बता देते हैं हम लोग जैसो बेटा एक एवरेज पाथ की बात करते हैं जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ना गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं और गैसेस के मॉलिक्यूल एक रैंडम मोशन देते हैं रैंडम मोशन देते हैं जैसे हमने बोला लो डेंसिटी है लो डेंसिटी के, के केस में क्या है गैसेस के मॉलिक्यूल उनके बीच की जो पाथ है डिस्टेंस है वो हम एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं और वो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम सिंपल नाम दे देते हैं कि हाँ ये मीन फ्री पाथ है ठीक है मीन ले, ले लेते हैं मतलब जो ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल यहां पर ये यहां पर ये यहां पर तो हम एक एवरेज लेते हैं उस एवरेज के बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अच्छा थोड़ा सा

कि हमारे पास तीन टाइप के प्रोसेस रहते हैं एक हमने यहां से नाम दिया रिवर्सिबल प्रोसेस और एक हमने यहां से नाम दिया इर प्रोसेस और तीसरा हमने नाम दिया क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मेरे ख्याल से आपको ये विजिबल होगा हम लोग जो बात कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस इिवर्सिबल प्रोसेस और हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दैट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अब मेरी बात सुनना अब मेरी बात सुनना हमने यहां से बोला कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं तो मैं बोलता हूं कि अब प्रोसेस इज सेट टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस एनी प्रोसेस इज सेट टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस इफ इट फॉलो द सेम बाथ विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम एज वेल एज ऑन द सराउंडिंग हम सिंपली जस्ट बोलते हैं कि हम दुनिया में कोई सा भी प्रोसेस हम बोलते हैं कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है अगर ये फॉलो करेगा सेम पाथ विदाउट लिविंग एनी विदाउट सॉरी अफेक्टिंग एनी सिस्टम और सराउंडिंग व्हेन द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस इज रिवर्स आपसे यहां से जस्ट बेटा बोलता है कि हमने uh, इसको लिया लेट सपोज हमारे पास कोई सा भी एक प्रोसेस है इस प्रोसेस को मैं रिवर्सबल तब बोलूंगा जब मैं इस प्रोसेस की डायरेक्शन चेंज कर दू और डायरेक्शन चेंज करने के बाद ये उसी पाथ को फॉलो करे जिस पाथ से ये आ रहा था

कोई सा भी प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है एक मिनट में मैं आपको समझाता हूँ डेफिनेशन आपको ये बोलती है कि कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल होगा अगर वो सेम पाथ फॉलो कर जाए विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम एज वेल एज ऑन द सराउंडिंग बट मैं क्या बोल रहा हूं मैंने जैसे इतना बोला कि भैया जो भी प्रोसेस आप यहां से रिवर्सिबल इिवर्सबल की बात कर रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं, नहीं करता है। आपका रिवर्सिबल प्रोसेस तो एग्जिस्ट नहीं करता मैं दिखाता हूँ आपको मैंने बोला कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ से कोई इस टाइप से दो ब्लॉक है एक हमारे पास ये बेटा ब्लॉक है ठीक है और ये ब्लॉक हम क्या करना चाह रहे हैं बेटा हमने यहाँ से बोला कि इस ब्लॉक को मैं टेम्परेचर राइज कराना चाह रहा हूँ इस ब्लॉक का मैं टेम्परेचर राइज कराना चाह रहा हूँ और टेम्परेचर राइज कराने के बाद हमें यहाँ से पता है कि लेट सपोज हमारा कोई एक टेम्परेचर था उस टेम्परेचर पर हम पहुँचाना चाह रहे हैं यार सिंपल हमने यहाँ से बोला कि हमारा जो ब्लॉक है ना उसका टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस था और ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस से मैं इसको फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पहुंचाना चाह रहा हूँ समझना मेरी बात है ना 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचाना चाह रहा हूं अब मेरे लाल मुझे बस एक छोटी सी चीज बताना मैंने बोला कि अगर मैं 20 से 50 पहुंचाना चाह रहा हूं तो 20 से 50 पहुंचाने के लिए मुझे ऑब्वियसली इसको किसी ऐसे सोर्स से अटैच करना पड़ेगा जिसका टेम्परेचर या तो फिफ्टी हो या फिफ्टी से ज्यादा हो क्यों क्योंकि अगर हमने यहां से 50 से कम टेम्परेचर रख दिया तो 50 तक तो ये पहुंचेगा ही नहीं मैंने जस्ट इतना बोला कि मैं रिवर्सिबल काम करना चाहता हूं सिस्टम 20 से 50 पे पहुंचाना चाहता हूं तो मैंने बोला कि 20 से 50 पहुंचाने के लिए मुझे इसको किसी ऐसे सोर्स से अटैच करना पड़ेगा जिसका टेम्परेचर या तो 50 हो या 50 से ज्यादा हो और 50 से जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी ये इस पर पहुंचने की कोशिश करेगा लट सपोज हमने यहां से बोला हाँ अगर सपोज हमने यहाँ से जस्ट बोला कि हम इसको 200 डिग्री सेल्सियस से यहाँ से अटैच कर देते हैं बट 200 से हम इसको अटैच करेंगे 200 से बहुत जल्दी ये पचास से पहुंच जाएगा हटा देंगे इस सोर्स को तो मैंने बोला कि ठीक है इसका टेम्परेचर जो है वो मिनिमम ये कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए फिफ्टी होना चाहिए समझ रहे होंगे मेरी बात तो ये यह यहाँ से क्या करेगा बेटा इसको हीट सप्लाई करेगा इतना आपको आइडिया है अब मैंने बोला कि चलो ठीक है यार तुम्हारी बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई अब मुझे इस प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाना है मुझे इस प्रोसेस को क्या करना है बेटा रिवर्सिबल डेफिनेटली स्लो हीट ट्रांसफर आर पॉसिबल बट नॉट अ सिंगल प्रोसेस देर टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस का हाँ ठीक है हर्षल पटेल बहुत लंबा लिख दिया है छोटा सा भी लिख सकते थे बट कोई नहीं ठीक है अब हमने यहाँ से क्या बोला बेटा कि मुझे इसको फिफ्टी से ट्वेंटी पहुंचाना है सर फिर से चलो फिफ्टी से ट्वेंटी अगर मुझे पहुँचाना है तो 50 से 20 पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे अगेन इसको किसी ऐसे ब्लॉक से अटैच करना पड़ेगा जिसका टेम्परेचर या तो 20 हो या 20 से भी कम हो बिकॉज आप 50 को नहीं कर सकते ना क्योंकि 50 से अटैच करेंगे तो 50 क्या करेगा उसका टेम्परेचर राइस कराएगा राइट right ना तो मैं क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं मैंने बोला कि अब ये इसको हीट लूज करेगा अगर मैं इसको अटैच करूंगा और अगर ये इसको हीट, हीट करेगा तो ये अपना लेकिन दोस्त थे और एक दोस्त को मैंने बोला कि मैं तुझे दो हजार रुपए देता हूं और उस दोस्त ने दो हजार रुपए लिए एंजॉय किया एंजॉय करने के बाद उसको कल बोला कि भाई दो हजार रुपए दे दो तो बोला कि नहीं मैंने दूसरे वाले को दे दिए तुम उससे ले लेना है ना या मैंने दूसरे वाले को दे दिया भाई तुम्हारे तो गए

आपने मुझे दो हजार दिए थे मैंने दूसरे को वापस कर दिए मेरे पास पैसे कहां तो कहने का मतलब यह है कि यह तो कलब्रियम में आ गया यह तो बोला मैं तो रिवर्सिबल हो गया मैं तो रिवर्सिबल हो गया लेकिन इनका क्या है एक बर्बाद हो गया दूसरा यहां से आबाद हो गया तो ये जो दोनों के दोनों थे इनमें एक को फायदा हो गया एक को नुकसान हो गया तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे फुली रिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए तो दुनिया में फुली रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। फुली रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता केवल केवल कौन सा रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट करता है बेटा हमने यहां से बोला कि जो प्रोसेस एग्जिस्ट करता है पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी है वो बस इतना हो सकता है कि कोई भी प्रोसेस आपका इंटरनली रिवर्सिबल हो सकता है सेलन सर हमारे साथ है थैंक यू सैलन सर है ना तो हमने यहां से जस्ट बेटा जो समझने की कोशिश की वो बस इतना कि दुनिया का कोई सा भी प्रोसेस हो वो इंटरनली रिवर्सिबल हो सकता है वो फुली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकता समझ गए गुड इवनिंग प्रतीक्षा तो हम यहां से बेटा एक चीज बिल्कुल क्लियर अब समझ में आता है कि ठीक है एक चीज बता दूं आप हीट इंजन पढ़ते ना सबके सब, सब एकदम से बोलना शुरू करते हैं सर हीट इंजन हमने जो पढ़ा था वो हमारा रिवर्सबल हीट इंजन था अरे रिवर्सबल हीट इंजन था लेकिन वो इंटरनली रिवर्सबल था इंटरनली रिवर्सिबल था वाई इंटरनली रिवर्सिबल बिकॉज उसने अपने आप को रिवर्सिबल कर रखा था उसने हीट लेके वर्क का कन्वर्जन तो दिया था और अगर वो ऐसा ना करता तो दुनिया बर्बाद हो गई होती समझ रहे हैं मेरी बात हाँ माई साइकिल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर नहीं आपका जो साइकिल अगर हाँ आपका जो साइकिल है वो डेफिनेटली तुम्हारा ना, नाम है उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा तो साइकिल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है डेफिनेटली ठीक है बेटा हाँ तो बेटा हम यहाँ से जस जो बात करना शुरू की थी वो हम इसके बारे में बात कर रहे थे हमने बोला कि दुनिया का कोई सा भी प्रोसेस जो है वो आपका इंटरनली रिवर्सिबल हो सकता है फुली रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है तो आपको जब भी पढ़ना है वो इंटरनल रिवर्सिबल पे काम करना है अब इंटरनली रिवर्सिबल भी कब हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं हमने बोला कि लेट सपोज इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंस था इसका टेम्परेचर मैंने दो ले लिया था तो दो के केस में ये बहुत तेज़ी से यहाँ पे 50 पे पहुँच जाता है इसके बाद मैंने इसका टेंपरेचर -40 ले लिया बहुत तेजी से ये फिर से 20 पे पहुँच जाता लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस पाथ के थ्रू ये गया होगा उसी पाथ के थ्रू ये वापस आएगा जिस पाथ के थ्रू ये जाएगा उसी पाथ के थ्रू ये वापस आएगा हम इस बात की गारंटी इन कहानियों से नहीं दे सकते अगर इस बात की गारंटी देनी है तो ऑब्वियसली आपको यह देखना पड़ेगा कि यस हमें यहाँ से जो भी हमारे पास सिस्टम है हमारा सिस्टम कितने पे था बेटा हमने यहाँ से बोला कि हमारा सिस्टम माइनस ट्वेंटी पर था माइनस ट्वेंटी से बेटा सॉरी ट्वेंटी पे था ट्वेंटी से, से हमें अपने सिस्टम को फिफ्टी पे पहुँचाना था तो मैंने बोला कि हमें फिफ्टी पे पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ा होगा फिफ्टी पे पहुँचाने के लिए हमें यहाँ से एक ऐसे से अटैच करना पड़ा होगा जिसका टेम्परेचर हमारा इससे ज़्यादा हो तो मैंने बोला कि अगर ये 20 है तो इसको 20.1 से अटैच कर दो जब ये 20.1 पे पहुंच जाए तब हम इसको 20.2 से अटैच करेंगे एंड सो ऑन ऐसा चलता जाएगा फाइनली हम इसको किससे अटैच करेंगे 50 से और ये 50 पहुंच जाएगा रिवर्स करना होगा तब क्या करेंगे रिवर्स करना होगा तब भी सर हम ऐसे ही करेंगे इसको एक ऐसे सोर्स से सिंग से अटैच करेंगे जिसका टेम्परेचर कितना फोर्टी नाइन पॉइंट समझना मेरी बात बहुत प्यार से मैंने बोला मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि आप कभी भी फासली प्रोसेस को नहीं लेके जा सकते बहुत फासली जो काम आपने ऐसे सोचा था ना कि एकदम से 20 से 50 50 से 20 पहुंचा दूं पॉसिबल ही नहीं है अगर आपने वो कर दिया तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस बचेगा ही नहीं तो मतलब आपको अगर रिवर्सिबल करना है तो प्रोसेस को स्लोली ले जाना पड़ेगा स्लोली लाना पड़ेगा तभी आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जिस पास से गया था उसी पास से यह वापस आएगा तभी आप इस बात की गारंटी दे पाएंगे तो यहां से मुझे जो मिलता है कि जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे इंटरनली रिवर्सिबल होते हैं पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट वो सारे के सारे प्रोसेस स्लो प्रोसेस होते हैं दुनिया में कोई सा भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो उसको हम फास्टली कंप्लीट नहीं कर सकते ऑल द रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर स्लो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी पड़ेगी कि दुनिया में जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस मिलेंगे वो सारे के सारे इंटरनली रिवर्सिबल होंगे और स्लो प्रोसेस होंगे ठीक है फास्ट इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और इसीलिए आप रिवर्सबल के लिए कंडीशन लेके चलते हैं आप यहाँ से जस्ट लेके चलते हैं कि रिवर्सबल के लिए हमें कंडीशन लेनी है फॉर अ रिवर्सबल प्रोसेस हम यहाँ से मान के चलते हैं कि डेल्टा टी जो है ऑलमोस्ट टेंस टू कितना होना चाहिए जीरो और डेल्टा पी जो है वो भी ऑलमोस्ट टेंस टू कितना होना चाहिए जीरो और कंसंट्रेशन देखना है तो डेल्टा ऑफ म्यूसी टेंस टू कितना होना चाहिए जीरो ठीक है जब हम रिवर्सबल की कंडीशन देते हैं और ये भी जो कंडीशन आती है वो कौन सी रिवर्सबल की कंडीशन बनती है मेरे लाल ये बनती है पार्शियली रिवर्सिबल की कंडीशन पार्शियली रिवर्सिबल की कंडीशन आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है हाँ मैं मतलब पढ़ाता जा रहा हूं क्योंकि मतलब रिवाइज कराना है तो मैं ये ऐसा मान के चलता हूं कि शायद आप समझ रहे होंगे और थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है मेरी मजबूरी है तो आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे एक बार बता देंगे क्या सारे के सारे काफी टाइम हो गया ना तो पूछ लेता हूँ आप लोगों से पूछ लेता हूँ सेशन अगर किसी ने लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर देना हाँ हा, आ रहा है आ रहा है हाँ क्योंकि मैं पूछा नहीं आप लोगों से बहुत टाइम से पता चला सर पता नहीं क्या बकते जा रहे हो क्या बकते जा रहे हो ठीक है समझ आ रहा है हाँ तो ठीक है बेटा तो हम लोग जो समझने की कोशिश कर रहे थे वो ये कि हमारा जो प्रोसेस है वो पार्शियली रिवर्सिबल होगा नॉट फुली रिवर्सिबल होगा ठीक है तो हम पार्शियली रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और पार्शियल अगर वो आपसे बात करे ये भी इंटरनली होगा ध्यान रखना ये भी कैसा होगा बेटा इंटरनली होगा फुली तो नहीं हो सकता फुली तो नहीं हो सकता और अगर फुली रिवर्सिबल की बेटा बात करेगा तो डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना होगा जीरो डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना होगा जीरो और टेंस टू इक्वल टू और डेल्टा म्यू सी कितना होगा जीरो और अगर ऐसा हो गया तो कभी हो ही नहीं सकता दो सिस्टम अगर सेम टेम्परेचर पे आ गए तो उन पे उनके बीच में हीट ट्रांसफर कभी भी हो नहीं सकती ठीक है बेटा तो बिल्कुल भी आ, कोई आ, इस बात की टेंशन नहीं लेना है अगर आपको फुली रिवर्सल के बारे में बात करें तो आप बोल देना कि ऐसा होगा लेकिन ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली रिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होते हैं वो स्लो प्रोसेस एक और एक और आपसे जस्ट पूछता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं या कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है इरिवर्सिबिलिटी के कोई कॉज हो सकते हैं क्या यस yes. अगर वो कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी की बात करें ना मैंने बोला सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेसेस ध्यान रखना मेरी बात रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेसेस आर मोस्ट तीन लग गया है ना मोस्ट इफिशियंट प्रोसेस जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा इफिशियंट प्रोसेस होते हैं ठीक है रिवर्सिबल प्रोसेस आर मोस्ट इफिशियंट प्रोसेस एंड वेरी सिंपल टू एनालाइज ये हमेशा याद रखना रहता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी अगर बनाने की कोशिश करेगा तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं वो ये बोलना चाह रहा है कि देखो रिवर्सल प्रोसेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़िशियंट होते हैं क्योंकि जितना दिया उतना लिया जो देखे जाते हैं वही बेटा आपको लेके जाते हैं ठीक है तो हम यहाँ से जस्ट बात के, मान के चलते हैं कि जितने भी रिवर्सल प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे आपके इफ़िशियंट होते हैं और उनकी एनालिसिस बहुत आसान होती है उनमें कुछ भी अदर कैलकुलेशन होते नहीं सिबल है तो उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन बन जाते हैं तो वो हमारे लिए उतना एनालाइज करना आसान नहीं होता है ठीक है हाँ आ, अगर हमसे यहां से जस्ट बात करें कि के कॉजेस क्या होते हैं तो कॉजेस ऑफ इिवर्सिबिलिटी हमसे पूछ सकता है कॉजेस के बारे में बात करेगा ऑफ इवर्सिबिलिटी तो कॉजेज ऑफ इिवर्सिबिलिटी क्या होगा सर हम यहां से बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि एक तो सबसे बड़ा जो कॉज होता है वो क्या है ये फाउंड फाउंड ना ना होना ये ना होना है हाँ ना आपका ये थर्मल इक्लिबेरियम है फिर यहां से मैकेनिकल इक्विबेम है फिर आपका केमिकल इक्लिबेरियम है तो अगर हमारी थर्मोडायनेमिक डायनमिक फॉर्म नहीं हो रही है तो इरिवर्सिबिलिटी आ रही है। कहीं पे भी थर्मोडायनिकलबेरियम का मतलब तीनों इक्लबेरियम आपकी फॉर्म होनी चाहिए थर्मल मैकेनिकल एंड केमिकल ठीक है मैं बताऊंगा या नहीं मैंने जस्ट बोला ब्लैक ड्रेस में बैटमैन लग रहे हैं अभी मतलब मैं सुबह से इसको देख रहा हूँ ये सुबह से मतलब मुझे बैटमैन बैटमैन बोले जा रहे हैं अभी बैटमैन मतलब उड़ता था मैं नहीं उड़ पाता हूँ है ना आप मत बोलना दोबारा ब्लैक मैन में बर्ड बैटमैन लग रहे हैं ठीक है बैटमैन पसंद है दैट इज़ ओके बट मैं मतलब योगेश त्यागी के नाम से जाना जाना चाहता हूँ और वैसे ही रहूँगा ठीक है तो लगने से कुछ नहीं होता

फ्रिक्शन अगर है तो इ आएंगी ऑब्वियसली तीसरा कॉज क्या हो सकता है हमने यहाँ से बोल सकते हैं कि मिक्सिंग हो सकती है अगर मिक्सिंग हो रही जैसे दूध को और चीनी को मिला दो जितनी आसानी से दूध और चीनी मिल जाएंगे उतनी आसानी से दूध और चीनी अलग नहीं होंगे ठीक है हाँ और अगर हम यहाँ से जस्ट बेटा बात हाँ पार्सली रिवर्सिबिल की बात करते हैं अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम यहाँ से जस्ट बात करें बेटा नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं एक हमारे पास हो सकता है फ्री एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन का मतलब जैसे आपका गैस सिलेंडर है उस गैस सिलेंडर से आपने उसका नोज़ल ऑन किया और एकदम से गैस बाहर आ गई क्या जितनी आसानी से आपकी गैस बाहर आती है वो फ्री एक्सपेंड कर रही है लेकिन उतनी आसानी से वो अंदर नहीं जा सकती ठीक है बेटा तो फ्रिक्शन मिक्सिंग टेम्परेचर डिफरेंस यस कौशल सिंह ने बता दिया अब बात आती है यहां से कि सर हमारा आ, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है सॉरी ये पार्शियल आपका क्या होता है पार्शियली रिवर्सिबल क्या होता है पार्शियली रिवर्सबल का मतलब ये है हम इसको कंप्लीटली रिवर्सबल की बात नहीं कर पाते मतलब देखो अगर फुली रिवर्सबल चाहिए ये रिवर्सिबल नहीं है ये रिवर्सिबल नहीं है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हीट ट्रांसफर थ्रो अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफर थ्रो अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस की बात करता है तो अगर फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें आप सब पूछे कि यह प्रोसेस रिवर्सिबल है इ रिवर्सिबल है आप उसको आंख बंद करके लेने को बोल देना कि वो इ रिवर्सिबल है जहां पर भी टेम्परेचर डिफरेंस आ गया ना वो रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा पार्शियली रिवर्सिबल ये पार्शियली रिवर्सबल यह रिवर्सिबल है रिवर्स ही नहीं ये है फुली रिवर्सिबल अगर टेम्परेचर डिफरेंस है नहीं इनफाइनाइटली स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बोल दे तब आप बोलेंगे कि अब ये रिवर्स है ठीक है अगर कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस मिल गया तो फिर वो हीट ट्रांसफर नहीं है ये भी वो पार्शियली रिवर्सविल है फुली ये भी नहीं है ठीक है तो ये चीज को बोल ध्यान रखेंगे लव फ्रॉम कश्मीर बट नेट स्लो पूरा नहीं दिख रहा है बोर्ड ओके वो से काम चला लेता हूँ अरे ऐसा आ, कैसे हो गया चलो मैं एक बेटा इसमें बैटरी चली गई है तो दो मिनट आप लोग वेट करिए मैं इसका बैटरी करवा देता हूँ है ना ठीक है दो मिनट वेट करिए दो मिनट वेट करिए फिर मैं आप स्टार्ट करता हूँ ठीक है चलिए एक बार मुझे बता देंगे क्या वॉइस आ रही है नहीं एक बार मुझे बता देंगे ठीक है ठीक है मैं आ गया मैं आ गया ना नेटवर्क इज ओके बट मेरी बैटरी मतलब जो थी वो चली गई थी ठीक है तो एक बार मुझे बता देंगे वॉइस वगैरह आ रहा है ओके ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है आ रही है चलो तो हम लोग बेटा यहां से जस्ट रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे तो हमने यहां से फुली रिवर्सल और पार्शियली रिवर्स फुली मतलब यह है कि पूरा का पूरा टेंस टू नहीं इक्वल टू जीरो होना चाहिए और पार्शियली का मतलब यह है कि आपका डेल्टा टी जो है वो टेंस टू जीरो होना चाहिए डेल्टा पी टेंस टू जीरो होना चाहिए ठीक तो यहां से हम लोग स्टडी करते हैं और थोड़ा सी बात कर लेते हैं हमारे पास तीन टाइप के प्रोसेस हैं मैंने बोला कि जो रिवर्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ठीक है हमने यहाँ से बोला जो रिवर्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करता है वो इ प्रोसेस है तो इ प्रोसेस की कोई सेपरेट डेफिनेशन नहीं आप बस बोल देना कि अगर हम प्रोसेस को रिवर्स कर दें और वो सेम पाथ को फॉलो ना करें तो उसको हम बोल देते हैं इर एक होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस स्टैटिक प्रोसेस की अगर हम यहाँ से जस्ट बात करें तो हम यहाँ से बहुत आसानी से बोलते हैं अ प्रोसेस विच कैरीड आउट वेरी स्लोली ऑलमोस्ट क्लोज टू इक्लिबरियम स्टेट प्रोसेस विच कैरीड आउट वेरी स्लोली ऑलमोस्ट क्लोज टू इक्लबियम स्टेट इज नॉन एस क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्वासिस्टेटिक प्रोसेस का मतलब वो प्रोसेस जो बहुत ज्यादा स्लो चलता हो उसको हम बोल देते हैं क्वासिस्टेटिक प्रोसेस एंड अ फ्रिक्शनलेस क्वासीस्टेटिक प्रोसेस इज नॉन एस रिवर्सबल प्रोसेस दो मिनट में अभी समझा देता हूं मैंने जस्ट बोला कि दुनिया का कोई सा भी प्रोसेस जिसको मैं बहुत ज्यादा स्लो लेके चलूं जैसे हमने बोला कि मुझे इसमें पचास किलो का वजन रखना था मैंने बोला कि पहले एक किलो रखूंगा फिर एक किलो रखूंगा फिर एक किलो रखूंगा फिर एक किलो रखूंगा ऐसे से मैंने पचास रखे तो बहुत धीरे 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 आया है ना ये हमने यहां से बोला कि स्लो प्रोसेस है स्लो प्रोसेस और अगर मैं यहां से इसके एक एक के के वेट हटाता रहूं तो फिर से पिस्टन वैसे ही चलना शुरू करेगी अगर इसमें फ्रिक्शन के इफेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन के इफेक्ट हैं तो ऑब्वियसली फिर वो अपना रंग दिखाना शुरू करेंगे है ना तो मैंने बोला कि दुनिया का वो प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा स्लो चलता हो ऑलमोस्ट क्लोज टू इक्लब्रियम स्टेट एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस मैं बोल सकता हूँ मेरे नेल्स हैं मेरे हेयर है।, है ना आप अपने बाल एकदम से लेट सपोज बाल गए बाल नाई के पास गए अपने बाल कटाए बाल कटाने के बाद आप बोले कि अब देखेंगे एक महीने बाद लेकिन आप अपने बालों को डेली देखते हो कभी ऐसा नहीं होता है कि नहीं एकदम से आपको दिख जाए सुबह सुबह रा, रात में एकदम से गंजा कराया था और सुबह सुबह एकदम से जगे तो बाल एकदम से बड़े हो गए है ना एकदम से आप गंजे हो गए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता तो आपके जो हेयर है ना वो एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस लेके चलते हैं है ना आपके नेल्स आप देखोगे तो नेल्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस लेके चलते हैं है हाँ ना इनफाइनाइटली स्लो आप बोल सकते हैं तो मैं जस्ट बोलता हूं कि वो प्रोसेस जो एक्सट्रीमली स्लो होते हैं उनको हम क्वासीस्टैटिक प्रोसेस का नाम देते हैं अब उसी क्वासिस्टैटिक प्रोसेस में हेयर और नेल्स में तो आप फ्रिक्शन का इफेक्ट हटा नहीं सकते तो वो तो एक बार आया ये वन साइडेड प्रोसेस है है ना ये रिवर्स तो कर नहीं सकते तो हमने यहां से बोला कि वो प्रोसेस जिसमें हम फ्रिक्शन का इफेक्ट हटा दें उस प्रोसेस को अगर हम देखेंगे तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह बिहेव करना शुरू करेगा तो एक छोटा सा क्वेश्चन यह पूछता है कि दुनिया के जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे स्लो प्रोसेस होते हैं ठीक है सारे के सारे स्लो प्रोसेस होते हैं बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे स्लो प्रोसेस जो होते हैं वो भी रिवर्सिबल होंगे नहीं नहीं वो रिवर्सिबल नहीं होंगे होंगे नहीं होंगे इस बात की हम यहां से गारंटी नहीं देते दे 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 ठीक है इन रिवर्सिबल देयर इज़ नो फ्रिक्शन हाँ ऑब्वियसली मैंने जस्ट यही बोला कि इन रिवर्सिबल में अगर होगा तो हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्वासी स्टैटिक का मतलब बस इतना है कि वो स्लो होगा उसमें ऐसे फ्रिक्शन का इफेक्ट हटा दोगे छोटा चो, सा क्वेश्चन पूछेगा फ्रिक्शनल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज नॉन एज फ्रिक्शन लेस क्वासी स्टेटिक प्रोसेस इज नॉन एज रिवर्सिबल प्रोसेस ठीक है तो आप इसको याद रखेंगे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से आपको सबको आइडिया होगा और मैं आपसे पूछ लेता हूँ बताइए क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम अगर हम यहां से जस्ट बात करें कि प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम मेरे ख्याल से सबने पढ़ रखा है सारे के सारे बच्चे जो हैं उन्होंने प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम के बारे में बोला होगा राइट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या होता है किसी भी सिस्टम की एनी मीजरेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इज नॉन एज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम किसी भी सिस्टम की मीजरेबल करेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो उसको मैं प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम का नाम देता हूं है ना मैंने जस्ट बोला कि कोई भी मतलब जैसे हमने बोला प्रेशर को मीजर कर सकते हैं एनी मीजरेबल करेक्टरिस्टिक ठीक है एनी मीजरेबल करेक्टरिस्टिक कोई भी मीजरेबल करेक्टरिस्टिक जो भी होगी उसको हम क्या नाम देंगे बेटा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम अब मीजरेबल करेक्टरिस्टिक की बात करें तो बेटा हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टी मिलती हैं एक हमारे पास मिलती है मेरे ख्याल से आपको आइडिया होगा इंटेंसिव और एक हमें यहां से मिलती है एक्सटेंसिव इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ठीक है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव इंटेंसिव की अगर मैं बात करूं तो इसको हम एक और नाम देते हैं इंटरेंसिक इंट्रेंसिक और अगर मैं इसकी बात करूं तो एक हम और नाम देते हैं एक्सट्रेंसिक मेरे ख्याल से आपको आइडिया होगा अंग्रेजी

जो भी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये हमने बोला कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास ठीक है ये हमारी किस पे होती है बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास ये हमारी साइज और मास की क्या होती है इंडिपेंडेंट होती है और ये क्या करती है बेटा डिपेंड करती है किस पे साइज एंड मास पे डिपेंड्स ऑन साइज एंड मास ठीक है साइज और मास ये साइज और मास पर मतलब सिंपल है यार उसने एक चीज बता दी कि जो प्रॉपर्टी साइज और मास के साथ साथ चेंज हो रही है वो हमारी एक्सटेंसिक है और जो प्रॉपर्टी साइज और मास के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है वो हमारी इंटेंसिक है मतलब साइज बदल गया प्रॉपर्टी बदल गई एक्सटेंसिव साइज बदल गया प्रॉपर्टी सेम रह गई इंटेंसिव ठीक है प्रॉपर्टी जो भी कुछ भी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं एनी मीजरेबल करेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है कोई भी करेक्टरिस्टिक जिसको मैं मीजर कर सकता हूं उसको हमने यहां से जस्ट नाम दिया प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है एक वो जो साइज पे डिपेंड करती है और दूसरी वो साइज के इंडिपेंडेंट होती है तो द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड्स ऑन द साइज आर नॉन एज एक्सटेंसिव एंड द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज और मास आर नॉन एज इंटेंसिव अच्छा मेरे ख्याल से आपको सबको आइडिया तो रहता ही है कि कैसे कैसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं इंपॉर्टेंट है इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग कैसे बात करते हैं हम हमेशा जब भी बात करेंगे तो यहीं से बात करेंगे कि हाँ किसी भी रूम में ले, ले लेते हैं लेट सपोज प्रेशर होगा कोई टेम्परेचर होगा कोई वॉल्यूम होगा है ना प्रेशर है टेम्परेचर है वॉल्यूम है एनर्जी है मास है है ना और डेंसिटी है कंडक्टिविटी है इस टाइप से हम लोग प्रॉपर्टीज़ को ले चल सकते हैं अच्छा जब प्रॉपर्टीज को लेकर चलते हैं तो हमने यहां से जस्ट देखना है कि भैया साइज और मास चेंज करना है साइज चेंज करना है साइज चेंज होने के साथ साथ अगर प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो देखेंगे फिर उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव है नहीं चेंज हुई तो हम बोलेंगे इंटेंसिव है तो हम यहां से जस्ट बेटा अगर इसके बारे में बोले तो हमने ऐसे देखा मैं बोला कि रूम को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं अगर मैं यहां से जस्ट बोलूँ रूम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि प्रेशर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज प्रेशर आपका क्या रहेगा सेम रहेगा के बारे में बात करोगे तो आप के, आपका वन बाई टू में, में डिवाइड कर दिया तो वॉल्यूम भी तो वन बाई टू में डिवाइड हो जाएगा सर आप बोलोगे मैं बोलूंगा बिल्कुल बिल्कुल अगर आप एनर्जी की बेटा बात करोगे तो मैं बोलूंगा हाँ एक रूम में अगर दस बच्चे बैठे हुए हैं और अगर मैं दो पार्ट में रूम को डिवाइड कर देता हूं तो पांच लोग इधर पांच लोग इधर मैं लड़ाई करना चाहता हूं तो मैं तो चाहूंगा कि दो पार्ट में डिवाइड कर दूं है ना पांच से पांच से कम मार खाऊंगा दस से ज़्यादा मार खाऊंगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा डिवाइड हो जाएगी एनर्जी ऑब्वियसली मास पर डिपेंड करती है तो हमने बोला कि एनर्जी भी डिवाइड हो जाएगी तो ये एक्सटेंसिव है ऑब्वियसली एक्सटेंसिव है मास की बात करेंगे तो मास तो आपका ऑब्वियसली एक्सटेंसिव इसमें तो सोचना ही नहीं है है ना डेंसिटी की बात करेंगे पानी चाहे आधा पी लो चाहे पूरा पी लो बॉटल से पानी तो चेंज होने जा नहीं रहा तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या है भाई पैन है कंडक्टिविटी क्या है एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ध्यान रखना इंटेंसिक इज डिफरेंट बट मैं क्या बोल रहा बोला द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर दोज आर नॉन एज थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे आपकी डेंसिटी हो गई कंडक्टिविटी हो गई ये सब थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज है ठीक है तो हम यहाँ से जस्ट बेटा बात कर रहे थे इनके बारे में अब हमने यहाँ से देख लिया कि ये जो तीन प्रॉपर्टीज है ना ये जो तीन प्रॉपर्टीज है ना ये वाले इन तीन की तीनों को हम क्या बोलेंगे बेटा ये एक्सटेंसिव बाकी जो प्रॉपर्टीज है बाकी आप यहां से बोल सकते हैं कि वो इंटेंसिव ठीक है? अच्छा मैं जस बेटा यहाँ से के जो है वो इंटेंसिव है ऑब्वियसली मैंने यहाँ से इंटेंसिव ही लिखा है अब मैं यहाँ से जस्ट जो बात करना चाह रहा हूँ सिंपली जो आपको समझाना चाह रहा हूँ मैंने बोला कि चलो ठीक है इतनी बात मुझे सर पता है कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव कैसे निकालते हैं ये मुझे अच्छे से पता एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी मास पर डिपेंड करता है ना वो सब एक एक्सटेंसिव है जैसे हमने यहाँ से एनर्जी की बात की थी अगर मैं यहाँ से एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी हमारी एक्सटेंसिव है नो डाउट एनर्जी हमारी एक्सटेंसिव है लेकिन अगर मैं यहां से जस्ट बात करूं स्पेसिफिक एनर्जी की स्पेसिफिक एनर्जी मतलब हमने यहां से क्या बोला बेटा ई वाई एम और ई वाई एम की अगर मैं बात कर दूं ये हमारी क्या है ये स्पेसिफिक एनर्जी है और स्पेसिफिक एनर्जी तो मैंने क्या किया बेटा यहां से मास हटा दिया मास वाला पार्ट हटा दिया तो अब ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई ध्यान रखना रहेगा आपको ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई हमेशा कभी भी आपसे बात करें रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ध्यान दीजिएगा अगर आपसे बात करें रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मैं यहां से लिख रहा हूं है ना हमने यहां से बोला रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज इज नॉन एज या हमने बोला एस इंटेंसिव प्रॉपर्टी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होगा वो इंटेंसिव होगा सिमिलरली अगर हमसे यहां से जस्ट बेटा बात करें हम ये भी बोल सकते हैं ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं यहाँ से ये स्पेसिफिक इंटरनल स्पेसिफिक एनर्जी है तो हमने यहाँ से बोला कि जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं और बता देता हूँ और थोड़ा सा बेटा बात करता हूँ हमने यहाँ से जस्ट एक और चीज़ बात करना शुरू की थी लेट सपोज़ हमने यहाँ से प्रेशर की बात की वॉल्यूम की बात की टेंपरेचर की बात की थोड़ा सा बात करते हैं लेट आपसे बोला है, मैंने कहा पानी गर्म करके ले आओ आपसे मैंने ऐसी जनरली बोल दिया कि तुम लोग एक काम करो यार तुम चले जाओ तुम पानी गर्म करके लिया है ना तुमने क्या किया कि तुम्हारा जो पानी अभी सर्दी चल रही है तुमने बोला कि पानी सर बीस डिग्री सेल्सियस पे था और बीस डिग्री सेल्सियस के पानी को मैं गर्म करके लाया सत्तर पे समझना मेरी बात है ना सत्तर डिग्री सेल्सियस पे जो कुछ भी कहानी आप कर रहे थे प्रेशर कॉन्स्टेंट पे कर रहे थे अब मैं यहाँ से क्या बेटा बात कर रहा हूँ कि ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे जो भी वाटर था उस वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी कि 20 डिग्री सेल्सियस पे कुछ डेंसिटी होगी है ना कुछ उसका कंडक्टिविटी होगा कुछ उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा तो कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होंगी 20 डिग्री सेल्सियस पे सिमिलरली जब आप इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए तब फिर से इसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी बनेगी जाके कुछ ना कुछ डेंसिटी बनेगी जाके कुछ ना कुछ इसकी कंडक्टिविटी बनेगी कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम बनेगा तो मेरा सिंपल समझाने का मतलब यह है कि वाटर को जब आप 20 से 70 गए तो मैंने कहीं पे भी आपसे यह नहीं बोला कि आप 20 से 70 गए कैसे आपने गैस पे पानी को गर्म किया था आपने इलेक्ट्रिक हीटर से पानी गर्म किया था आपने गांव में जो चूल्हा रखा जाता उस पर गर्म किया था या कोल से गर्म किया था डस नॉट मैटर डस नॉट मैटर केवल वो इतना जानता है कि अगर आप मुझे 20 से 70 लेके गए तो 70 पे मैं अपनी प्रॉपर्टी इतना दूंगा मैं अपनी प्रॉपर्टी इतनी दूंगा तो मेरा जो समझाने का मतलब है वो तो बस इतना सा है कि प्रॉपर्टीज कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी बेटा हमने बोला ऑल प्रॉपर्टीज आर पाथ इंडिपेंडेंट ध्यान दीजिएगा ऑल प्रॉपर्टीज आर पाथ इंडिपेंडेंट मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं तो ये किस पे डिपेंड करती हैं ये केवल केवल एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करती हैं और अगर ये एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करती हैं तो प्रॉपर्टीज हमारी पॉइंट फंक्शन होती हैं प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स की वजह से हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शंस तो हम यहां से जस्ट बेटा बोलते हैं कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी पॉइंट फंक्शंस होती हैं। ऑल प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शंस मेरे ख्याल से आपने ये चीज पढ़ रखी है ऑल प्रॉपर्टीज आर पॉइंट पॉइंट फंक्शंस फंक्शन का मतलब आप थोड़ा सा और आगे समझिएगा कि अगर ये पॉइंट टू पॉइंट डिपेंड कर रही है, तो यहां से यहां के बीच में मैं इनको एक्जैक्टली exactly डिफरेंशियट कर सकता हूं मैं इनको एग्जैक्टली exactly डिफरेंशिएट मतलब अगर ये पाथ पे डिपेंडेंट ऐसे ऐसे हो रही होती तो मैं इनको एक्जैक्टली exactly डिफरेंशिएट मैं करना मैथमेटिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल डिफरेंशियन नहीं बता रहा हूं <coughs> मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में बात कर रहा है तो बेटा अगर ये पाथ डिपेंडेंट होती तो जैसा जैसा पाथ जाता उसके अकॉर्डिंगली मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता और मैं उसको एक्जैक्टली exactly डिफ्रेंशियट ना कर पाता मैं यहां से क्या बोल रहा हूँ कि दो पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं मतलब मैं इनको एग्जैक्टली exactly डिफरेंशिएट कर सकता हूं एग्जेक्टली exactly डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं तो मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफ्रेंशियल ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ना हमेशा ध्यान देना ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब आपको सिंपली हमने यहाँ से जस्ट जो समझाया कि पॉइंट फंक्शन होती हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं तीन चार पॉइंट हैं बहुत ज्यादा मैंने आपको बताया नहीं मैंने जस्ट बोला दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो आपका इंटेंसिव होता है ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक एंट्रोपी स्पेसिफिक एनथेलपी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आपकी इंटेंसिव होती हैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं मतलब पॉइंट पे डिपेंड करती हैं मतलब वो पॉइंट फंक्शन होती हैं मतलब वो स्टेट फंक्शन होती हैं मतलब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं मतलब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ से चीज़ क्लियर हो गई होगी जितने भी लोग हैं उनको सबको हाँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं तो मेरे ख्याल से सारे के सारे लोगों को ये चीज़ क्लियर होगा प्रॉपर्टीज़ के बारे में दो तीन पॉइंट जो है आपसे पूछता रहता है ये आपका एम बना सकता है इस बार है ना तो इसको आपको एम के लिए ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में तीन चार हाँ ये वीडियो रहेगा नहीं हाँ रहेगा 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 ठीक है ठीक है हाँ, हाँ

चलो तो मेरे ख्याल से आपका ये जब भी बात करेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल के बारे में तो सॉरी प्रॉपर्टीज के बारे में ये क्वेश्चन आपका बना सकता है और एम में अगर पूछेगा तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ठीक है बाकी आपको करना कैसे प्रॉपर्टीज के बारे में बस डिवाइड करो आगे बढ़ो डिवाइड करो आगे बढ़ो अगर वो डिवाइड हो रही है तो एक्सटेंसिव है नहीं हो रही है तो वो इंटेंसिव है बस इतना सा आपको याद रखना है ठीक है तो मैंने आपको थर्मोडायनमिक इक्विबरियम नहीं बताऊंगा मैंने बोला कि एनी सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मोडानेमिक इक्विबियम इन इट इज इन थर्मल इक्विबरियम मैकेनिकल इक्विबरियम एंड केमिकल इक्वेरियम किसी भी सिस्टम को हम में तब बोलेंगे जब वो तीनों इक्वरियम फॉर्म कर लेगा थर्मल मेकेनिकल एंड केमिकल ठीक है तो हाँ चलो आ, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज करती हैं दोनों दोनों है, दोनों दोनों है, सारी प्रॉपर्टीज ऑल प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है यहां पे है ना हमने यहाँ से जस्ट बोला है ऑल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ठीक है चलो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे बात करना शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ये तो सिंपल बेसिक वाला पार्ट था बेसिक वाले पार्ट के बाद बेटा हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं मेरे ख्याल से आप ध्यान रखिएगा पॉइंट फंक्शन क्या होता है पाथ फंक्शन क्या होता है है ना और पॉइंट फंक्शन जो पॉइंट पे डिपेंड करता है पाथ फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करता है जैसे हम चल रहे हैं तो काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो वर्क क्या हो गया पाथ फंक्शन हो गया ठीक है हम यहाँ पे खड़े हैं पॉइंट पे पॉइंट पे जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो पॉइंट है तो सोचने की जरूरत नहीं हीट और वर्क दोनों के दोनों पाथ फंक्शन होते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी पाथ के थ्रू ट्रांसफर होते हैं है ना बाकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कैसी होती हैं पॉइंट फंक्शन होती हैं चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं एक यहाँ से तो बेटा ये यह हमारा यहाँ तक हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आपके इन जनरल क्वेश्चन आते रहते हैं एक और है प्योर सब्सटेंस वाला पार्ट प्योर सब्सटेंस वाला पार्ट मैं आपको प्योर सब्सटेंस में ही कराऊंगा ठीक है अभी हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थेंक यू. सचिन शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊं थर्मो का शॉर्ट नोट्स देखो यार देखो दो टाइप के नोट्स बनते हैं मैं आपको बता दूं हम लाइफ में हमें दो टाइप के नोट्स बनाने चाहिए एक हमारा है शॉर्ट नोट्स और एक हमारा है माइक्रो नोट्स, ठीक है शॉर्ट नोट्स और नोट्स जनरली मतलब हम लोग अभी जो टाइम है वो शॉर्ट नोट्स बनाने का नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम निकल गया है अब आपको माइक्रो नोट्स पे जाना है ये वाले नोट्स बनने चाहिए ये नोट्स कैसे बनते हैं लेट सपोज आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उन शॉर्ट नोट्स में मैं ऐसा मान के चलता हूं कि चलो एक सब्जेक्ट में आपने लेट सपोज चार सौ फॉर्मूले लिखे अब वो चार सौ फार्मूले को कैसे करोगे ऐसा तो नहीं कि चार सौ चार सौ फार्मूले याद हैं सुबह सुबह सो के जगना है ना जब वॉशरूम में जाते हो ना है ना और वॉशरूम में मतलब ऐसा करना नहीं अगर कर सकते हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है ना जाके सुबह सुबह या सो के जगो तो सबसे पहले वो शॉर्ट नोट रिवाइज करने वही हमारी लाइफ है उसी को रिवाइज़ करना है प्रॉपर वही हमारी लाइफ है तो उसको रिवाइज करना है और नोट्स जो हैं उनको और शॉर्ट में कर दो जितने फॉर्मूले आते हैं ना उनको उससे हटा दो वो बेबज का तुम्हारा दिमाग खा रहे हैं और कुछ नहीं तो नोट्स जो हैं वो बिटा उनको किस में शॉर्ट से किस में ले आओ कॉसेसिंग पाथ फंक्शन इज इक्वल टू हाँ हीट एंड वर्क अब नोट्स को कन्वर्ट करो दो से तीन पेज में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके दस बारह पेज के नोट्स हैं ना उनको दो से तीन पेज में कन्वर्ट करो और उसको देखना है है ना अगर वो भी खत्म हो सकते हैं तो उनको भी ख़त्म कर दो जितने ईजी वाले सब्जेक्ट्स हैं ना उनको निपटा दो है ना अब जो बचेंगे उनमें जो फॉर्मूले आपको लगता है कि मुझे यार याद ही नहीं होता है जहाँ सोते हो ना वहीं लगा लो पेज फाड़ के उसमें लिख के लगा दो सुबह सुबह जग के सबसे पहले उसी को देखना है एक दिन नहीं होगा यार दो दिन नहीं होगा कब तक याद नहीं होगा और उसको अप्लाई करना जरूर सीखो सबसे पहले आपको टेस्ट सीरीज देखनी है टेस्ट सीरीज़ देने के बाद उस टेस्ट सीरीज में आपको थोड़ा सोचना रहेगा कि हमसे कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना उनकी टेस्ट सीरीज में उनका जो सब्जेक्ट है उस टॉपिक का बुक में देखो जाके बुक में उसके कॉन्सेप्ट जाओ और फिर से पढ़ो उसको है ना अब जो टाइम है ना वो अपने पे काम करने का आ, आपने लिखवाया था कि ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो लाइक वाइज हीट एंड वर्क नहीं मैंने यहां से ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की जो बात की थी हीट एंड वर्क आपके पाथ फंक्शन है रंजन राउत सुनिएगा मेरी बात ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो मैंने लिखवाया था वो मेरी फीलिंग जो थी वो इंटरनल एनर्जी ध्यान रखिएगा इंटरनल एनर्जी एंथेल है ना एनथेल्पी और हमने यहाँ से और जो भी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मैं इनके बारे में बात कर रहा था ठीक है और मैं इसमें नहीं लिखाया था कि हीट एंड वर्क हीट एंड वर्क आर टू मीडियम्स टू ट्रांसफर द एनर्जी ठीक है बेटा तो उसको समझिएगा रंजन आ, मैंने मतलब उसमें जो ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिखवाया था वो हीट एंड वर्क के बारे में हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन दीज आर टू मीडियम्स टू ट्रांसफर द एनर्जी ठीक है चलो आ, अब हम लोग यहाँ से जैसे अच्छा ये स्लाइड्स जो है ना वो खत्म हो गई हैं स्लाइड्स जो है वो खत्म हो गई हैं तो एक मिनट का मैं आपसे डिले चाहूंगा और मैं इसको बंद करके दोबारा चला देता हूँ ठीक है एक मिनट रुक जाएंगे आप लोग बिकॉज स्लाइड्स खत्म हो गई हैं तो मुझे दोबारा इसको करना पड़ेगा हालांकि मैं डिलीट कर सकता था, था बट मैं डिलीट किया नहीं मैं डायरेक्टली मैं का स्टार्ट कर देता हूँ तो हम लोगों ने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या पढ़ा है सबसे पहले हम लोगों ने थर्मो के बारे में पढ़ा था थर्मो के बाद हमने उसका जस्ट एम पढ़ा था एम पढ़ने के बाद हम लोग आए थे थोड़ा सा आगे फिर हमने सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री के बारे में पढ़ा फिर हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ा टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ने के बाद बेटा हम लोग थोड़ा सा आगे आए थे फिर हमने यहाँ से उनका व्यूज़ देखे कि टाइप सिस्टम को हम किस टाइप से पढ़ते हैं दस मिनट का ब्रेक चाहिए क्या आप लोगों को दस मिनट का ब्रेक चाहिए क्या आप लोगों को आ, कितना टाइम हुआ है पंद्रह दस हुआ है तो ठीक है ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग सर एक्सी में हाँ एक्सी में कुछ थ्योरी एक्स्ट्रा नहीं है थ्योरी एक्स्ट्रा नहीं है बेटा थ्योरी एक्स्ट्रा नहीं है क्वेश्चन एक्स्ट्रा है वो मैं लगवाऊंगा आपको ठीक है क्वेश्चन मैं आपको लगवाऊंगा थर्मो थ्योरी एक्स्ट्रा नहीं है तो ऐसा कर लेते ब्रेक नहीं चाहिए ठीक है गुड बहुत अच्छी बात है तो हम लोग बेटा यहाँ से जो अभी पढ़ना शुरू कर रहे थे इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि फिर हमने माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच देखी थी फिर हमने यहाँ से प्रोसेसेस देखे थे रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस के बाद हमने बेटा जस्ट बोला था कि जितने भी जैसे हमारे प्रोसेस की अगर बात करोगे तो हमने बोला कि सारे के सारे प्रोसेस इंटरनली रिवर्सिबल होते हैं और वो भी पार्शियली होते हैं इंटरनली भी फुली रिवर्सिबल नहीं होते फिर हम आगे चले तो आगे चलने के बाद हमने यहाँ से आगे इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करना शुरू की तो वो दैट इज़ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ठीक है हाँ फाइव पी पे ब्रेक दे देंगे ठीक है नहीं मैं नहीं थका मैं नहीं थका मुझे कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अब हम लोग यहाँ से जस्ट आगे बात करना शुरू करते हैं हमारे लिए जो है जरूरी दैट इज इज नेक्स्ट नेक्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ ठीक है next हम लोग जो बात करने जा रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ जीरो बहुत छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो आप लोग पढ़ लेना है ना मैं जस्ट उन टॉपिक्स पे फोकस कर रहा हूँ जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं और जिनसे मैं क्वेश्चंस आपको लगवाऊंगा भी ठीक है तो अब हम लोग बात कर रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बेटा अगर बात करें कि कब कैसे बात करना शुरू की थी सबसे पहले हमने मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में बात की थी 1800 की बात कर रहा हूँ 1800 में हमने सबसे पहले 1800 में हमने सबसे पहले सोचा था कि हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है 1800 के बाद जब हम 1900 में आए थे तब हमने ये सोचा था कि कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है ये चीज़ हमने 1900 में सोची थी कि कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है फिर हम 1900 में सोचने के बाद फिर मुझे ये चीज़ पता चली थी कि हीट का हम एक्चुअल में मेज़र ही नहीं कर पाए हमने ये चीज़ सोची नहीं कि मतलब टेम्परेचर क्या होता है हीट में जैसे हमसे पूछा जाएगा पहले हम लोग यही सोचा करते थे कि हीट टेम्परेचर दोनों सेम है है ना या हम ये सोचते थे कि हीट जो है टेम्परेचर जो है वो हीट का नाप है है ना माप है मतलब हीट को हम माप रहे हैं वही टेम्परेचर है. तो ऐसा सोचते सोचते फिर हमें ये चीज़ पता चली कि नहीं टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट टर्म है और नाइनटीन में पहली बार हमने टेम्परेचर के बारे में सोचा था और नाइनटीन में पहली बार आपका टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो जीरो ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपने डेवलप किया था दैट इज़ इन 1903, ठीक है टेम्परेचर मीजरमेंट के लिए जो फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल हमने डेवलप किया था दैट इज़ 1903, जीरो थ्री एंड इट इज़ डेवलप्ड बाई द फॉलर ठीक है फॉलर ने इसको डेवलप किया था और उन्होंने यहाँ से जस्ट मेरे ख्याल से आपको पता है उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि इफ अ सिस्टम ए इज़ इन थर्मल इक्लिबरियम विथ सिस्टम बी एंड सिस्टम बी इज़ इन थर्मल इक्लिबरियम विथ सिस्टम सी दैन ए एंड सी बिल बी इन थर्मल इक्लिबरियम उसने जस्ट uh, तीन सिस्टम लिए थे और बोला था कि अगर एक सिस्टम हमारे पास यहाँ से अगर तीन सिस्टम है और तीन सिस्टम में उसने यहाँ से जस्ट बोला था कि सिस्टम ए इज़ इन थर्मल इक्लिबरियम विद सिस्टम बी एंड सिस्टम बी इज इन थर्मल इक्लिबरियम विद सिस्टम सी A is in thermal equilibrium with system B and B is in thermal equilibrium with C, then A and C will be in thermal equilibrium. मतलब सिंपल सी बात है। इसकी इससे दोस्ती, इससे इसके दोस्ती है, तो इन दोनों की आपस में क्या होगा? दोस्ती हो जाएगी है ना मतलब उसने यहाँ से बोला था कि इनके इनके बीच में यहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है जो भी हीट ट्रांसफर हुई वो यहाँ से यहाँ हो रही है और यहाँ से यहाँ हो रही है और इसी के बेसिस पे हम लोग आगे काम करना शुरू किए थे तो हमने थर्मोमीटर बनाना शुरू किया था इसी के बेसिस पर हमने थर्मोमीटर बनाया था और थर्मोमीटर बनाने से पहले हमने एक प्रिंसिपल बनाया था दैट इज थर्मोमीट्रिक प्रिंसिपल थर्मोमीट्रिक प्रिंसिपल मतलब जब जीरो थ्लो ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखा तो जीरो थ्लो ऑफ थर्मोडाइमिक्स में एक बॉडी जो होती है वो हमेशा एक थर्मोमीटर की तरह काम करती है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके पास थर्मोमीटर क्या करता है ऐसे मुंह में लगाता है, है ना ऊपर ग्लास है अंदर आपका जस्ट रेडियम होता है वो इस टाइप से मूव करना शुरू करता है कॉलम अपना कॉलम जो है कॉलम की हाइट लेना शुरू होता है तो आप बहुत आराम से आप तो खैर डिजिटल वाले आ गए हैं तो इतना सब नहीं देखते हो आप लोग डिजिटल वाले में तुरंत वो बता देता है तो होता क्या है उसमें एक बॉडी आपकी बॉडी से हमने यहाँ से थर्मोमीटर को अटैच किया और यहाँ से रेडियम ने मुझे यहाँ से रीडिंग बता दी तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमेशा ये बताता है कि एक बॉडी अगर तीन बॉडी है तो इन तीन बॉडीज में एक बॉडी हमेशा एज अ थर्मोमीटर काम करेगी इन जीरो ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वन बॉडी ऑलवेज एक्ट एज अ थर्मोमीटर और उसने यहां से ये यह चीज भी बताई थी कि इन जीरो ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की अगर हम बात करें तो किसके लिए यूज करेंगे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ध्यान रखना आपसे पूछा जाता है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज यूज फॉर है ना जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज यूज फॉर इट इज यूज फॉर किसके लिए बेटा यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट ये आपके लिए किसके लिए यूज होता है बेटा ये टेम्परेचर मीजरमेंट के लिए यूज होता है जीरो थ्लॉफ थर्मोडाइनमिक्स इज यूज फॉर टेम्परेचर मीजरमेंट हम इसको टेम्परेचर मीजरमेंट के लिए यूज करते हैं अच्छा जीरो थ्लॉफ थर्मोडाइनमिक्स में एक बॉडी हमेशा थर्मोमीटर की तरह काम करती है इसमें ए, जो, ज, 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 एक जो जो सॉरी ये जीरो थलॉफ थर्मोडाइनमिक्स इसके लिए यूज होता है ये टेम्परेचर मीजरमेंट के लिए यूज होता है अब बात यहाँ से आती है कि सर टेम्परेचर मीजरमेंट के लिए कुछ तो होगा कैसे करते हो तो करने के लिए बेटा हमने इसमें एक थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल यूज किया था और वो थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल हमसे क्या बोलता है वो वो बोलता है है कि प्रॉपर्टी जो के साथ साथ बदल रही है, सबसे पहले उसको पकड़ो द प्रॉपर्टी विच इज चेंजिंग विद टेम्परेचर इज फाउंड फर्स्ट एंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी टेम्परेचर इज फाउंड उसने बोला वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर टेंपरेचर के साथ चेंज हो रही है सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को फाइंड करो और उसकी मदद से टेंपरेचर को फाइंड करो ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि भाई टेंपरेचर के साथ साथ तुम ये बदल लो तो तुम्हारे चेंजेस को अगर मैंने देख लिया तो टेंपरेचर के चेंजेस को देख लेंगे सो द प्रॉपर्टी जोश कम होता जा रहा है क्या जोश कम होता जा रहा है अरे जिंदा हो कि नहीं मैं अभी देखा सर ने मैसेज किया कि जोश कम होता जा रहा है तभी मजा आएगा मैं देखा नहीं कि कितने हैं कहाँ पे हैं जिंदा हो कि नहीं तुम लोग मतलब ऐसा अगर है कि नहीं नहीं सर मतलब मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं ऐसा कुछ नहीं हाँ एनर्जी बिल्कुल एकदम से हाई होनी चाहिए बिल्कुल एकदम से हाई होनी चाहिए बिकॉज़ कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है हमें तो सब कुछ आता है है ना मैं इसलिए आपको चार घंटे इसलिए मैं रुक नहीं रहा हूँ कहीं पे भी नहीं रुक रहा हूँ है ना मैं खड़ा होकर कॉन्टीन्यूस पढ़ा रहा हूँ ताकि आप मतलब पढ़ें और आपका टाइम लॉस ना हो ये टाइम वो नहीं है कि मैं आपसे बैठ के बात करूं हाँ तो पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए चलो ठीक है ठीक है ठीक है हाँ तो बेटा हम लोग यहाँ से जस्ट जो बात करना शुरू कर रहे थे इसके बारे में जीरो बारे में तो उसने यहां से जस्ट बोला कि उस प्रॉपर्टी को पकड़ना है बिकॉज अगर उस प्रॉपर्टी के चेंजेस देख लिए तो ऑब्वियसली हम टेम्परेचर के चेंजेस देख लेंगे है ना तो हमने यहाँ से बोला द प्रॉपर्टी विच इज चेंजिंग विद टेम्परेचर इज फाउंड फर्स्ट एंड विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी टेम्परेचर इज फाउंड द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स इन फाउंडिंग द टेम्परेचर इज नॉन एज थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी एंड दिस प्रिंसिपल इज नॉन एस थर्मोमीट्रिक प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल को हम क्या नाम देते हैं थर्मोमीट्रिक प्रिंसिपल चलो चलो इधर देखो इधर देखो बहु मतलब एकदम से मुझे लाल कलर दिखाना शुरू करते हैं बचपन में, में मेरा ये पसंदीदा कलर था लाल कलर है ना हाँ जिंदा मीन्स मतलब बस ऐसा ही जिंदा मीन्स का मतलब तुम्हारे अंदर जान है या नहीं है ना पढ़ने की वो भूख होती है वो है या नहीं है ना जिंदा का मतलब ये नहीं कि मर गए हैं ऐसा कुछ मत सोचना आ, वो मैचिंग है जो लोग लो हमारे साथ शुरू से हैं उनको पता होगा कि हमारी मैचिंग होती है, है, है ना चलो बेटा तो हम लोग यहाँ से जस्ट थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल के बेसिस पे बात करते थे कि चलो ठीक है उस प्रॉपर्टी को फाइंड बस 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 बेटा बस 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 इधर देखो ना इधर देखो मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ तो कुछ और करने लगता हूँ हाँ तो हम लोग यहाँ से जस्ट बेटा बात कर रहे थे कि वो प्रॉपर्टी जो हम टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है हम उसको देखते हैं और वो प्रॉपर्टी जो टेंप, आ, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए मदद करती है उसको हम बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड इस प्रिंसिपल को बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल एक बार प्रिंसिपल बोलना पूरा मैंने बोला द प्रॉपर्टी इज चेंजिंग विद इज फाउंड फर्स्ट एंड विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी टेम्परेचर इज फाउंड अच्छा अब हमने बोला कि चलो ठीक है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपने बता दी सर अब क्या बताना चाह रहे हो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई हमारे पास जो थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल है ना इसके बेसिस पे मैंने कुछ आपको थर्मोमीटर बना के दिए थे ठीक है इसके बेसिस पे मैंने यहां से कुछ थर्मोमीटर बना के दिए थे और वो थर्मोमीटर मुझे यहां से बता दो सर तो मैं बोल रहा हूं कि एक हमने जो थर्मोमीटर बताया था बेटा वो हमारे पास था कॉन्स्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर एक जो हमने यहां से बनाया था दैट इज कॉन्स्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर अब मेरे लाल आपको यहां से ये जो गैस ये है ना कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर ये एक्चुअल में थर्मोमीटर कौन सा है ये आइडियल गैस थर्मोमीटर ध्यान रखना कांस्टेंट प्रेशर आइडियल गैस थर्मोमीटर तो हमने यहां से जस्ट बेटा बात करना शुरू की कि कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर की आप हमसे बात कर रहे हैं इसमें प्रेशर हमारा क्या है कॉन्स्टेंट मतलब हमारा टेम्परेचर के साथ साथ क्या चेंज हो रहा होगा मतलब हमारा टेम्परेचर के साथ साथ क्या चेंज हो रहा होगा तो हमने यहां से बोला कि वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ क्या बेटा टेम्परेचर तो द प्रॉपर्टी विच इज चेंजिंग विद टेम्परेचर इज फाउंड फास्ट तो हमें प्रॉपर्टी कौन सी फाउंड करनी है इस वॉल्यूम को फाउंड करना है एंड द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स इन फाउंडिंग द टेम्परेचर इज नॉन एज थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी तो आपसे पूछेगा कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर के केस में थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी आप बोलोगे सर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस जो होगा वो आपका यहाँ से सॉरी जो वॉल्यूम होगा वो होगी आपकी थर्मोमीट्रिक

कांस्टेंट है वो फंक्शन होगा टेम्परेचर का तो हमने बोला थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी पी हो जाएगी ठीक है इसके केस में हाँ थर्मो की एप्लीकेशन अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी केवल थर्मो पढ़ लो ना पहले ठीक है हाँ 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 आइडियल गैस का मतलब ये है कि जो फॉलो करता है पी वी इज इक्वल टू NRD, अभी मैं आता हूं थोड़ा सा आपके पास ठीक तो हमने से बेटा बात करना शुरू की कि हमसे जस्ट पूछेगा कि इस थर्मोमीटर में थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी क्या है इस थर्मोमीटर में थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी क्या है इसमें क्या है तो हम उसको बहुत आसानी से बता सकते हैं अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेटा हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है बेटा रजिस्टेंस थर्म, थर्मोमीटर एक और हम यहाँ से जस्ट बात करते हैं रजिस्टेंस थर्मोमीटर रजिस्टेंस थर्मोमीटर बेटा किस पे काम करता है आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो बताएंगे है ना मैंने यहां से बोला था कि रजिस्टेंस थर्मोमीटर जो होता है वो आपका काम करता है वीट स्टोन प्रिंसिपल पे रजिस्टेंस थर्मोमीटर वर्कस ऑन किस पे बेटा काम करता है वीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे है ना और वीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आपके पास क्या है वो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा है ना हमने यहाँ से बोला वीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर यह काम करता है तो चलो देख लेते हैं ठीक है हम लोग यहाँ से देख लेते हैं वीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की अगर हम लोग यहाँ से जस्ट बेटा बात करें तो हमें यहाँ से क्या था हमें अच्छे से पता था कि इसमें कुछ नॉन रजिस्टेंस होते हैं और एक अन होता है तो हमें अन नॉन रजिस्टेंस इसमें निकालना पड़ता है तो अनॉन रजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे इसी की मदद से निकालेंगे लेट सपोज ये हमारा अन नॉन है इसका फॉर्मूला क्या था हमें अच्छे से पता है आर इज इक्वल टू आर नॉट और यहाँ से कितना था बेटा वन प्लस अल्फा टी

रेजिस्टेंस एट डिग्री सेल्सियस ध्यान दीजिएगा रेजिस्टेंस है आपका जीरो डिग्री सेल्सियस पे और जो टेम्परेचर टी है ना ये आपको डिग्री सेल्सियस में लेना है ये चीज आपको याद रखनी बस इसलिए मैंने इसको लिखा था अदरवाइज अगर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात करें तो आप यहां से बोलेंगे रजिस्टेंस इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रजिस्टेंस जो होगा वो आपका क्या होगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ठीक है रेजिस्टेंस आपको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा तो बिल्कुल आपको यहाँ से वीट ब्रिज प्रिंसिपल इन केस ऑफ द हाँ ठीक है ये आपने बता दिया तो हम यहाँ से जस्ट बेटा बात कर रहे थे तो केवल केवल आपको जो याद रखना है वो ये कि आर नॉट जो है वो आपका रेजिस्टेंस जीरो डिग्री सेल्सियस है टी आपका डिग्री सेल्सियस में है रजिस्टेंस जो है वो आपका क्या है वो है एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है ठीक एक और इसमें यहाँ से जस्ट बात करता है दैट इज थर्मोकपल ठीक है थर्मोकपल केमिकल वाले मैकेनिकल वाले है ना इससे बहुत तगड़ा रिश्ता रहता है हालांकि वो रिश्ता आपको हीट ट्रांसफर में दिखता है यहाँ पे नहीं दिखता है तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगा हीट ट्रांसफर में आप थर्मोकपल को बहुत अच्छे से यूज करते हैं मैं इस थर्मोकपल की बेटा जैस बात करते हैं थर्मोकपल बस इतना बोलता है कि जब भी हम कभी दो डिसिमिलर मेटल्स को जोड़ें कभी भी ध्यान रखना अगर हम दो डिसिमिलर मेटल्स को जोड़े ध्यान देना और दोनों ही डिसिमिलर मेटल्स को अगर मैं अलग अलग यहां से दोनों जंक्शन को अलग में अगर मैं अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन करूँ यूज्ड इन हॉस्पिटल विथ थर्मोमीटर वो ऑर्डिनरी होता है बेटा वो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर है जो हम लोग हॉस्पिटल में यूज करते हैं अभी आता हूँ उस पर भी हमने यहां से जस्ट बेटा बात की थर्मोकपल के बारे में हमने बोला कि ये जो थर्मो कपल है वो क्या बोलता है व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स आर ज्वाइंट एट टू जंक्शंस एंड व्हेन दीस टू जंक्शंस आर मेंटेन्ड एट टू डिफरेंट टेंपरेचर्स एन ईएमएफ इज जनरेटेड व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ दीस टू जंक्शंस वो आपसे बोलता है कि व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स आर जॉइंटेड एट टू डिफरेंट जंक्शंस and when both the junctions are maintained at two different temperatures, and EMF is generated, which is directly proportional to the temperature difference of both the junctions, ठीक है? तो उसने यहाँ से बोला कि अगर आप कोई से भी दो different metals को different different temperature यहाँ से दो junction पे add करोगे, और दोनों ही junction को अगर अलग-अलग temperature अलग अलग पे हाँ ये mechanical के लिए है अबे राहुल mechanical के लिए है बिल्कुल आ, कॉन्स्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर इज यूज इन हॉस्पिटल सर हाँ बिल्कुल कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो आप यहाँ से कॉन्स्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर मैं अभी आता हूँ इस पर कि कैसे कैसे यूज़ करते हैं ठीक है यूज़ आप कोई सा भी थर्मोमीटर कहाँ पे भी बात करते ये स्पेसिफिक है बस ये वाला स्पेसिफिक है इधर देखो तो हम यहाँ से जस्ट बेटा बात कर रहे हैं इसके बारे में T1 और T2 के बारे में अब यहाँ से बात आती है कि भाई दो डिसिमिलर मेटल को दो डिफरेंट डिफरेंट जंक्शन पे ऐड करना है और दोनों ही जंक्शन को जब अलग अलग टेम्परेचर पर मेंटेन करेंगे तो इनका बीच में एक ईएमएफ जनरेट होगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ दिस टू जंक्शन तो हमने यहां से बोला कि जो ईएमएफ जनरेट होगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ दिस टू जंक्शन तो इसका मतलब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है ई होती है अब बात आती सर इतना बड़ा आपने क्या बता दिया है मुझे तो ये सब कुछ पता था मैं बोल रहा हूँ कि हाँ आपको सब कुछ पता था मैं तो बस आपको रिवाइज करा रहा हूं। अब इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ठीक है हमने यहां से जस्ट यह ये सीबैक इफेक्ट ही है थर्मोकपल जो है वो आपका सीबेक इफेक्ट ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ना वो सीबैक इफेक्ट ही है ठीक है सी बैक इफेक्ट ही आपको ये चीज बोलता है कि जब दो डिसिमिलर मेटल्स को मैं दो डिफरेंट डिफरेंट जंक्शंस पे ऐड करते हैं और दोनों जंक्शन को अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं तो इसमें एक ईएमएफ या वोल्टेज जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं कि दैट ईएमएफ और वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ दिस टू जंक्शंस आप मेरी बात सुन हैं मैं यहाँ से क्या बोलना चाह रहा कि लेट सपोज हमने यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे बनाता है वो ये बनाता है कि थर्मोकपल बेसिकली हम लोग किस लिए यूज करते हैं समझना मेरी बात थर्मोकपल हमारा क्या मीजर करता है तो एक नोट आपको यहां से लिखना पड़ेगा थर्मोकपल इज यूज टू मीजर इज यूज टू मीजर ठीक है यूज टू मीजर ये क्या मीजर करता है बेटा मीजर टेम्परेचर ऑफ गैसेस ठीक है अब यहां से आता है कि सर क्या कॉन्स्टेंट प्रेशर को टेम्परेचर ऑफ गैसेज मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्या कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका गैसेस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते आप सुनिए मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में जो आपका थर्मोकपल होता है ना इसका टाइम कांस्टेंट बहुत कम होता है एक हीट ट्रांसफर में आप फार्मूला पढ़ते हैं फार्मूला कौन सा पढ़ते हैं टी माइनस का टी इन्फिनीटी डिवाइडेड बाय टी आई माइनस का टी इन्फिनीटी पावर माइनस का एच ई टी डिड बाई रोवीसी अगर आपको याद है दैट इज़ और इसको हम बेटा नाम देते हैं टाइम कॉन्स्टेंट याद हो अगर आपको ठीक है नहीं याद है तो कोई बात नहीं एक्चुअल में क्या होता है जो थर्मोकपल होता है ना इसका टाइम कॉन्स्टेंट बहुत कम होता है और टाइम कांस्टेंट आपको केवल एक चीज बताता है हाँ लम्बे ओके दैट इज ओके वो मैं मतलब वहां पे डिस्कशन ही नहीं कर रहा मैं बस इतना बता रहा हूं हम जो बता रहे बेटा हमने बोला टाइम कांस्टेंट बस आपको एक चीज बताता है कि किसी भी सिस्टम को अगर मैं लोकल इन्वायमेंट में रखूंगा तो वो लोकल इन्वामेंट में कितना फास्टली रीच करने की कोशिश करेगा ऐसा नहीं कि नहीं बहुत जल्दी फास्टली पहुंच जाएगा पहुंचना तो वो टाइम ऑफ इंटरवल ले लेगा यहां से जस्ट टाउ इज इक्वल टू ये टाइम है ना इसके नंबर ऑफ टाउ बन जाएंगे है ना आप लोग पढ़ते रहते हैं तो मैं जस्ट जो बात कर रहा हूं वो ये कि अगर मैं किसी भी सिस्टम को किसी लोकल इन्वायरमेंट में लेके आता हूं तो हाउ फास्टली इट रीचेज टू द लोकल इन्वॉर्मेंट है ना इट ट्राइज टू रीच टू लोकल इन्वॉर्मेंट तो ये जो बेटा आपका टाइम कॉन्स्टेंट होता है ये कपल का बहुत ही कम होता है बहुत कम है ना पॉइंट वन सेकेंड पॉइंट टू सेकेंड ऐसे कुछ रहता है इस वजह से हम क्या करते हैं कि जब थर्मोकपल को किसी भी गैस स्ट्रीम में डालते हैं तो बहुत शॉर्टली आपको गैस स्ट्रीम का टेम्परेचर बता देता है हालांकि एरर ये भी देता है बट और अगर हम थर्मोकपल की बात करें कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम की तो इनके कंपैरिजन में बहुत शॉर्टली आपको टेम्परेचर बता के देख के बता देता है तो देता है तो ना तो, तो इस वजह से हम हमेशा यूज करते हैं कि अगर मुझे किसी भी गैस स्ट्रीम का टेम्परेचर मेजर करना है तो हम थर्मोकपल को यूज करेंगे ठीक है तो थर्मोकपल के मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है दैट थर्मोकपल इज यूज टू मीजर द टेम्परेचर ऑफ थर्मोकपल इज यूज टू मीजर द टेम्परेचर ऑफ गैसेस बस इतना याद रखना है ठीक है बिकॉज इट्स टाइम कॉन्स्टेंट इज वेरी वेरी लो इसका जो टाइम कॉन्स्टेंट होता है इज वेरी लो वेरी लो का मतलब आपका 0.2 पॉइंट टू सेकेंड जीरो पॉइंट के आसपास इसका टाइम कॉन्स्टेंट आता है तो इस वजह से हम इसको यहां से बात करते हैं अब यहां से थोड़ा सा एक और थर्मोमीटर जो हम लोग जनरली देखते रहते हैं डॉक्टर्स के पास दैट इज ऑर्डिनरी थर्मोमीटर आपसे पूछेगा इसमें बेटा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ई है या आप यहाँ से बोल सकते हैं क्या है वोल्टेज है तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में इशू नहीं एक और थर्मोमीटर आता है दैट इज ऑर्डिनरी थर्मोमीटर तो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर में जनरली हमारे पास दो टाइप के आते हैं या तो लेंथ चेंज हो रही होगी कॉलम की या फिर वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा है ना जो रीडिंग वाले आते हैं उनमें डायरेक्टली वॉल्यूम चेंज होता है और उस वॉल्यूम को हमें कन्वर्ट करके दे देता है तो आपसे जब भी बात करेगा कि ऑर्डिनरी थर्मोमीटर कैसे काम करता है तो इनकेस ऑफ द ऑर्डिनरी थर्मोमीटर अगर थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी की बात करें तो आपका लेंथ या वॉल्यूम दोनों ही प्रॉपर्टी लेके चलते हैं हैं तो हैं क्योंकि उसमें जो भी चेंजेस देखते देखते वो हम यहाँ से किस में देखते हैं? लेंथ में, या में। अब एक जो इतने बता दिए अब यहां से पांचों पांचों थर्मोमीटर कुछ ना कुछ अलग अलग कहानियां बताएंगे कोई कुछ टेम्परेचर मीजर करके दे देगा कोई कुछ टेम्परेचर मीजर करके दे देगा आप तो बोल रहे थे कि सर सारे के सारे थर्मोमीटर हैं और सब कुछ बढ़िया है लेकिन कर, अलग अलग टेम्परेचर मेजर करके दे दिया तो सर कैसे करेंगे ये तो मुझे बताइए मैं क्या बोल रहा हूं बेटा टेम्परेचर स्केल्स जो है ना वो ऑर्बिट्री है ऑर्बिट्री रेंडमली टेकन जैसे मैं तो बोलता हूं कि दुनिया में सब कुछ ऑर्बिट्री है मेरा नाम आज आप लोग जानते हैं योगेश त्यागी के नाम से वो इसलिए जानते हैं कि मेरे माँ बाप ने जो ये नाम कहीं ना कहीं से रखा होगा किसी का नाम राहुल है किसी का नाम गगन है किसी का नाम प्रतीक है है ना किसी का कुछ नाम है किसी का कुछ नाम है तो ये इसलिए है क्योंकि वो नाम रख दिए गए और बचपन से लेके यहाँ तक इन नामों को जाना जाता है है ना ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं वो एक स्पेशल नाम मतलब बहुत पहले से ऊपर वाले ने अनाउंस किया था एकदम से कि हाँ ये मतलब ये नीचे आ रहे हैं है ना बहुत बड़ा आगाज हुआ था ऐसा तो कुछ नहीं था ये माँ बाप के दिमाग में जो एकदम से सडन आया था तो हमने वहीं से जस्ट बेटा बात किया था हाउ इट कन्वर्ट हाँ बेटा अभी हम आते हैं अभी आते हैं इसमें गुरु है ना तो हम यहाँ से जस्ट बेटा बात करना शुरू किए थे कि भाई ठीक है ये चीज तो मुझे यहाँ से जस्ट समझ में आ गई ये जो टेम्परेचर मेजरमेंट वाली टेक्निक है सर हम कैसे बात करेंगे तो हम जो बात कर रहे थे वो इसके बारे में बात कर रहे थे कि भाई जितने भी थर्मोमीटर्स हैं जितनी भी स्केल्स हैं वो सारी की सारी ऑर्बिट्री है लाइफ में जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब कुछ ऑर्बिट्री है रेंडमली टेकन है रैंडमली टेकन इन द सेंस जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपने यहाँ से बेटा सेल्सियस स्केल देखा सेल्सियस ने एक्चुअल में आ, अगर मैं यहाँ से जस्ट बेटा बात करूँ तो हमारे पास एक डिग्री सेल्सियस स्केल रहती है और सेल्सियस ने एक जनरल मतलब ऐसे टेम्परेचर मेजरमेंट की बात की थी तो सेल्सियस ने कुछ भी नहीं किया था उसने एक जनरलाइज वैल्यू ले ली थी जनरलाइज वैल्यू इन द सेंस उसने यहाँ से जस्ट बोला कि एक होगा जीरो डिग्री सेल्सियस जहाँ पे वाटर फ्रीज कर रहा होगा ठीक है एक होगा जीरो डिग्री सेल्सियस जहाँ पर वाटर फ्रीज़ कर रहा होगा और एक होगा आपका हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जहाँ पर वाटर आपका बॉयल कर रहा होगा उसने यहां से दो पॉइंट माने कि जो फ्रीजिंग वाला पॉइंट होगा वो जीरो डिग्री सेल्सियस होगा ठीक है और जो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होगा वो बॉइलिंग वाला पॉइंट होगा फिर उसने यहां से क्या किया फिर उसने यहां से क्या किया यहां से बेटा ये जो आपके पास है पहले ये मतलब सेल्सियस स्केल इसको हंड्रेड पार्ट्स में डिवाइड पार्ट कर दिया इक्वल हंड्रेड पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ध्यान दीजिएगा इक्वल हंड्रेड पार्ट में डिवाइड कर दिया और 100 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसने, ये 1 ये 2 ये ये उसने, उसने बोला ये ये होगा, होगा, जैस बेटा बात करेंगे कि हमने यहां से टेम्परेचर मीजर करना था तो हमने यहां से सिंपल इसका मीजरमेंट देखा जितने नंबर पे आ रहा था उतने नंबर पे हमने डिसाइड कर लिया Similarly, यही काम किसने किया था कैलविन ने भी किया था ध्यान देना इस यही काम जो किया था वो कैलविन ने भी किया था और कैलविन ने अपना जो फ्रीजिंग पॉइंट माना था वो कितना माना था 270 ध्यान होगा आपको जीरो डिग्री सेल्सियस से इक्वल टू तो 273 थ्री होता है उसने अपना फ्रीजिंग माना था और ये 373 और इसने भी क्या किया था 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया था समझ गए होंगे मेरे ख्याल और इसी वजह से आप यहां से देखते हैं कि जैसे कंडक्टिविटी की आपको यूनिट देखनी है ना वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस लिखा हो या फिर आपका वॉट पर मीटर कैलबिन लिखा हो ध्यान देना वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस लिखा हो या वॉट पर मीटर कैलबिन लिखा हो आप दोनों में से बोलते हैं ये दोनों ही यूनिट सही हैं कोई चेंजेस नहीं है बिकॉज दोनों के बीच में बेटा जो आपके कॉलम्स हैं जो डिवाइडेशन है वो सेम से है. सेम सेम इसी वजह से चाहे आप पर कैलविन की बात कर लेते हैं पर टेम्परेचर इसी वजह से डिफरेंस जब लेते हैं चाहे डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस ले लीजिए चाहे कैलविन का डिफरेंस ले लीजिए ये हमेशा सेम आता है इसी वजह से क्योंकि कैलविन ने और सेल्सियस ने आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दिया था स्केल्स को फॉरन ने कुछ अलग दे दिया था इसी वजह से आपका फॉरेन का रिलेशन निकालना पड़ता है सी बाई फाइव इज इक्वल टू क्या आता है थर्टी टू बाई नाइन आता है फॉरनाइट ने अपना रिलेशन अलग लिया था ने अपना रिलेशन इसका रिलेशन बहुत आसान है इसका रिलेशन बहुत आसान है तो बेटा ये चीज़ आपको यहाँ से जस्ट ध्यान रखनी पड़ेगी अच्छा मैं बता रहा था कि ये सब कुछ जो कुछ भी किया सेल्सियस ने किया कैलविन ने किया इन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ सोच रखा था कि ऐसा सब करेंगे इन्होंने ये जस्ट एक रैंडम वैल्यूज को उठाया और रैंडम वैल्यूज को उठाने के बाद इनको ऐसे ऐसे रख दिया जाता है वो, वो मम्मी होती है और जो लेडीज होते, होते हैं तो आज भी हम वही जानते मां आप बोले कि सर यह टी शर्ट है बचपन से यह बोला जाता है कि यह हाथी है तो मैं आज भी जानना होता कि मैं हाथी पहने हुए हूं जो ट्रेन है वो आपकी चलती सवारी ले जाती है वो ट्रेन हो या ट्रक होता है जो मतलब सवारी ले जाती है वो बस होती है सामान ले जाता वो ट्रक होता है बचपन से हमें उल्टा बताया जाता है कि जो सवारी ले जाता है वो ट्रक होता है और जो सामान ले जाता है वो बस होती है तो हम वही जानते तो इन सब चीजों का कोई भी प्रूफ नहीं है कुछ भी प्रूफ नहीं है कहीं पर भी है ना मेरा नाम अगर बचपन से मतलब एकदम से बोला जाता कि तुम्हारा नाम कुछ और उड़न खटोला है तो आज मैं उड़न खटोला के नाम से जाना चाहता हूँ ऑब्वियसली है ना तो लाइफ में सब कुछ सब कुछ ऑर्डिनरी मतलब बोला तो से सारी सारी, एकदम से उठा लिया और उसके बाद बोला कि ऐसा ऐसा सब लोग मानेंगे और सब लोग वही चीज को मान के चलते हैं ठीक है अच्छा मैं यहां से जस्ट देर इज अब्सुलट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच एवरी मोमेंट इट कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो कैलविन है ना वो हम ऐसा ही यूनिट में लेके चलते हैं जीरो कैलविन इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर और हमें इसको रिलेट करना पड़ता है हमको इसको रिलेट करना पड़ता है ना ये जो स्केल्स बनाई गई हैं वो स्केल्स बेटा हमने क्या किया जैसे जहां पे सारा का सारा जीरो हो जाता है वो हमने जीरो कैलविन उसने बोला कैलविन ने कि अपना जीरो कैलविन रखेंगे एक और चीज डिग्री सेल्सियस में जब भी आप लिखते हैं तो डिग्री सेल्सियस लिखते हैं कैलविन में कभी आप डिग्री कैलविन नहीं लिखते हैं है ना क्यों नहीं लिखते हैं आज तक किसी को नहीं पता कैलविन मर गए उन्होंने ही अपना जो कुछ भी किया था वो करके चले गए आज तक उन्होंने किसी को नहीं बताया मुझे भी नहीं पता ठीक है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कहीं पे अगर मैं डिग्री कैलविन लिख जाता हूं तो उसका मतलब कुछ भी नहीं ठीक है हां तो हमें यहां से जस्ट बेटा ये चीज क्लियरली समझनी पड़ेगी कि हां हमारी जो भी टेम्परेचर स्केल्स हैं वो सारी की सारी ऑर्बिटरी हैं सारी की सारी रेंडमली टेकन है मतलब हमने जो एक स्केल थी उसको बनाया बनाने के बाद उसको हमने सब जगह पर प्रूफ किया कि हाँ इसका रिलेशन

इसको भी अरबी में हमने एक रिलेशन लिया कि जैसे जैसे ईएमएफ चेंज होगा वैसे वैसे हम इस पर बात करेंगे फिर हमने यहाँ से आगे रेजिस्टेंस के बारे में बात किया तो रेजिस्टेंस के बारे में बोलना शुरू किया कि हाँ सर ऐसा ऐसा होता रहेगा तो एक्चुअल में क्या है ना हमने जितने भी थर्मोमीटर्स बनाए सब थर्मोमीटर जितने भी थे वो सबके सब अलग अलग मटेरियल के बने थे और सब मटेरियल डिपेंडेंट बन गए जब मटेरियल डिपेंडेंट बन गए तो हमारी स्केस तो ऑर्बिटरी थी एक मतलब थर्मोमीटर कुछ और रीडिंग दे रहा था दूसरा कुछ और दे रहा था तो ऑर्बिट्री होने की वजह से जब भी आप किसी थर्मोमीटर को लाते हैं तो सबसे पहले उसका किसी भी को आप यूज नहीं करेंगे या तो कैलिब्रेट करके देगा या आपको उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा तब आपका थर्मोमीटर काम करना शुरू करता है ठीक है ध्यान रखना यहां पे जितने भी थर्मोमीटर अभी तक हमने पड़े रेजिस्टेंस हो वायर है कोई सा भी किसी ना किसी मटेरियल पे डिपेंड कर रहा होगा कांस्टेंट प्रेशर हो कितना कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना है किसी ना किसी मटेरियल पे डिपेंडेंट करेगा है ना कांस्टेंट वॉल्यूम हो ऑब्वियसली कितना गैस का जैसे सिलेंडर होता है उसका कितना वॉल्यूम रखना है वो भी मटेरियल डिपेंडेंट है तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे कि सबके सब, सब थर्मोमीटर्स आपके मटेरियल डिपेंडेंट होते हैं ओनली वन थर्मोमीटर विच इज नॉट मटेरियल डिपेंडेंट दैट इज आइडियल गैस थर्मोमीटर मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन पे जो डिपेंड नहीं करता सर एब्सोल्यूट जीरो रिलेटिव टू जीरो एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जीरो हाँ हाँ आप कह सकते हो एब्सोल्यूट जीरो जहाँ पे होता है बेटा हमने यहाँ से जस्ट बोला एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशनलेस हो जाते हैं उनका मोशन वहाँ पे खत्म हो जाता है तब हम बोलते हैं कि वो एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंचे मोशन खत्म हो गया मतलब आपने यहाँ से बोला जीरो मॉलिक्यूल हो गया वाइब्रेशन खत्म हो गया एनर्जी ट्रांसफर आपका बंद कर देता है है ना अगर एक रेडिएशन uh, पढ़ते हैं आप लोग <coughs> ट्रांसफर में रेडिएशन पढ़ते हैं तो रेडिएशन में आप लोग बोलते हैं ना कि ऑल द बॉडी एट ऑल द टेम्परेचर इमिट थर्मल रेडिएशन एक्सेप्ट द बॉडी इज एट जीरो वो ऐसा इसलिए क्योंकि जीरो कैल्विन पे उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी खत्म हो जाती है उनके अंदर की सारी एनर्जी जो भी है एब्सोल्यूट जीरो पर फिनिश हो जाती है एब्सोल्यूट जीरो फिनिश मतलब उसका कोई भी इंट्रैक्शन दूसरे के साथ नहीं होता है ठीक है चलो बेटा चलो आगे बात करते हैं तो हम यहाँ से बेटा ये थर्मोमीटर थे जीरो थर्मोडाइनमिक्स के बेस पे हमने थर्मोमीटर्स बनाए थे अब थर्मोमीटर से हमें टेम्परेचर स्केल्स को कैसे मीजर करना था इसके लिए हमने दो स्केल्स बनाई थी एक स्केल थी हमारी जो हम यहाँ से जस्ट बात कर रहे थे एक स्केल थी हमारी जिसको हम यूज किया करते थे 1954 से पहले और एक स्केल वो है जो हम यूज करना स्टार्ट किए कब 1954 के बाद 1954 के पहले और बाद की क्या कहानी है वो कहानी बस इतनी है कि तब हमने 1954 से पहले ट्रिपल पॉइंट के बारे में नहीं जाना था 1954 के बाद हम ट्रिपल पॉइंट के बारे में जान गए थे जब ट्रिपल पॉइंट के बारे में जान गए थे तो हमारे लिए आसान हो गया था बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करना इसलिए हमने दूसरा फंडा यूज करना शुरू किया था ठीक है बेटा तो हम क्या बात कर रहे थे हम यहाँ से क्या बात कर रहे थे हम यहाँ से बेटा जस्ट बात कर रहे थे थर्मो डायनेमिक टेम्परेचर स्केल के बारे में हम जो डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ऑन थर्मो डायनेमिक टेम्परेचर स्केल के बारे में ठीक है अच्छा थर्मो डाइनेमिक टेम्परेचर स्केल के बारे में अगर हम यहाँ से बात करें थर्मो डायनेमिक टेम्परेचर स्केल तो हमने यहाँ से बोला कि हम दो स्केल यूज करते हैं एक स्कूल स्केल हम यूज करते हैं बिफोर 1954 फिफ्टी वाली और एक हम यूज़ करते हैं आफ्टर 1954 वाली आप कंफ्यूजन सर बिफोर 1954 वाली कौन सी थी और आफ्टर 1954 वाली कौन सी थी तो मैं आपको बता देता हूँ बिफोर 1954 वाली जो है बेटा ये आपकी बेस्ड है किस पे टू रेफरेंस टेंपरेचर्स पे ठीक है ये आपकी जो बेस्ड है वो है टू रेफरेंस टेम्परेचर्स और टू रेफरेंस टेम्परेचर्स कौन कौन से हैं एक हमारे पास है आइस पॉइंट और एक हमारे पास है स्टीम पॉइंट एक हमारे पास है आइस पॉइंट और एक हमारे पास है कौन सा बेटा स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट जो उसने मतलब इन जनरल मान के चला कि जैसे वाटर की बात करें तो वाटर के लिए उसने बोला कि जीरो डिग्री सेल्सियस आपका आइस पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है और हंड्रेड डिग्री सेल्सियस आपका बॉइलिंग पॉइंट है या ये स्टीम पॉइंट है ऐसा उसने मान के चला तो हमने यहाँ से बोला कि भाई सेल्सियस ने अपनी स्केल बना दी कैलविन ने अपनी स्केल बना दी फॉरनाइट ने अपनी स्केल बना दी क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी स्केल बना दें तो यस डेफिनेटली पॉसिबल है बस कंडीशन आपके साथ यह होगी कि आप जो भी स्केल बनाओगे उस स्केल को आपको इंटरनेशनली प्रूफ करना पड़ेगा आप जो भी स्केल बनाओगे उसको आपको इंटरनेशनली प्रूफ करना पड़ेगा इंटरनेशनली मतलब आपकी सब लोग बात माने कि आपका सेल्सियस के साथ क्या रिलेशन आ रहा है आपका कैलविन के साथ क्या रिलेशन आ रहा है तो वो रिलेशन आपको बताने पड़ेंगे जैसे मैं अगर यहाँ से सिंपल बोलूं कि हमारे पास एक नई स्केल है लेट द न्यू स्केल लेट अ न्यू स्केल है हमारे पास ठीक है हमने यहां से बोला बेटा कि लेट हमारे पास एक न्यू स्केल है एक्स एक्स नहीं रखेंगे एक्स थोड़ा सा मतलब वर्ड खतरनाक है तो हमने यहाँ से बेटा नई न्यू स्केल लिया लेट सपोज न्यू स्केल हमारे पास क्या है एन है लेट अ न्यू स्केल एन तो हमने यहाँ से बोला कि एन का रिलेशन बताना पड़ेगा जो भी आपने यहाँ से स्केल बनाई है ना आप उसका रिलेशन बताएंगे कि हमारा सेल्सियस के साथ कैसा रिलेशन है वो रिलेशन आपका लीनियर हो सकता है पैराबोलिक हो सकता है क्वाड्रेटिक हो सकता है क्यूबिक हो सकता है वट एवर द रिलेशन आपको रिलेशन वो बताना पड़ेगा अच्छा हमने यहाँ से बोला कि इन जनरल अगर हम यहाँ से माने गेट जो रिलेशन है वो कुछ इस टाइप से है। हमारे पास एन है तो सेल्सियस स्केल के साथ जो इसका रिलेशन है वो इस टाइप से है ए एन और प्लस का बेटा हमारे पास कितना है बी है इस टाइप का कोई हमारे पास रिलेशन है अच्छा ऐसा कोई रिलेशन है तो हमने यहाँ से जस्ट बोला कि भाई हमारे पास जो इसका आइस पॉइंट है एन आई जो है उसको मैं ऐसे मानने ले रहा हूं कि ये आइस पॉइंट है बेटा इसका है ना ये आइस पॉइंट है और एन एस जो है वो इसका स्टीम पॉइंट है स्टीम पॉइंट मतलब जहां पे कर रहा है जो कि अभी मैंने बताया था आपको ये हमारे पास क्या है बेटा स्टीम पॉइंट है तो एक आइस पॉइंट मिल गया एक हमारे पास क्या मिला स्टीम पॉइंट मिल गया अब मैंने बोला कि चलो ठीक है एनआई और एनएस की आपने यहां से बात कर ली है तो आप यहां से रखेंगे आइस पॉइंट आप यहां से रखेंगे सी आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए एन आई और प्लस का कितना आ जाएगा बी अल्टीमेटली मेरा टारगेट ये है कि मैं सी और एन में रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ और सी और एन में रिलेशन निकालूंगा कहाँ से ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करके ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करके तो मैंने यहाँ से जस्ट बेटा बात करना शुरू की कि चलो ठीक है इतनी बात तो मुझे क्लियर है अगर मैं इसकी बात करूँ एक और रिलेशन आ जाएगा सी एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए और कितना आ जाएगा एन एस और प्लस का बेटा कितना आ जाएगा बी आ जाएगा चलो इसके बारे में तो मुझे बहुत अच्छे से बेटा पता है क्या पता है मैंने यहां से जस्ट बोला कि इसके जो है वो मुझे पता है कि सेल्सियस स्केल में में कितना होता है? जीरो होता है 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 जीरो ना अगर मैं वाटर के केस में बात करूं तो ये हमारे पास आ जा रहा है ए एन आई और प्लस का कितना आ जा रहा है बेटा बी आ जा रहा है ये कितना होता है बेटा हंड्रेड होता है वाटर के केस में इट इज इक्वल टू कितना होता है बेटा ए एन एस और प्लस का कितना आ जाएगा बी आ जाएगा समझ रहे होंगे तो मैंने यहां से बोला कि एक काम करो इन दोनों को सॉल्व करो कोई भी रिलेशन हो सकता है दुनिया का कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं अल्टीमेट टारगेट आपका ये होना चाहिए कि ए और बी की वैल्यू निकालनी अगर ये स्क्वायर में होता तो आप यहां से तीन कॉन्स्टेंट आ जाते उनकी वैल्यू निकालने ठीक तो हमने यहां से जस्ट बेटा बात करना शुरू की कि ठीक है हमें यहां से ये चीजें क्लियर हैं इसको एक काम कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं माइनस 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 ये हमारे पास फिनिश अच्छा मैं एक काम कर रहा हूं सॉल्व कर रहा हूं मैं ऐसा कर रहा हूं कि इससे इसको माइनस कर रहा हूं तो ये हंड्रेड माइनस जीरो आ जाएगा It is equal to कितना आएगा ए कॉमन ले लिया तो कितना आएगा बेटा एन एस माइनस का एन आई आ गया ओके okay? तो मैं क्या बोल रहा हूँ ए निकालूंगा तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा हंड्रेड बाई हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा हंड्रेड बाई ये कितना आ जाएगा एन एस और माइनस का कितना आ जाएगा बेटा एन आई आ जाएगा क्लियर अगर हम यहाँ से जस्ट बेटा ए की वैल्यू देखें तो मैं यहां से ए की वैल्यू इसमें रख के बी की वैल्यू भी निकाल सकता हूं मैंने बोला कि फर्स्ट इक्वेशन में रख दो जीरो इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना आएगा हंड्रेड बाई एन एस माइनस का एन आई याद होगा आपको और इन टू कितना आ कितना बी मतलब अगर मैं यहां से बी की बात करूं तो बी इज इक्वल टू कितना माइनस का हंड्रेड टाइम्स ऑफ एन आई डिवाइड बाई एन एस माइनस का एन आई ठीक है ये हमारे पास रिलेशन मिलेगा आके A की वैल्यू हमारे पास ये आ गई बी की वैल्यू ये आ गई मैं काम कर रहा हूँ बेटा इसको पीछे ले रहा हूं मेरे पास क्या है C इज इक्वल टू हमने यहां से निकाला ए एन प्लस का B, एन प्लस का B. तो हम यहां से अगर लिखना चाहें तो बेटा ये हमें कितना मिलेगा 100 बाई कितना आ जाएगा ये? NS minus का Ni. अभी -अभी मैंने निकाला था एन और ये कितना आ जाएगा माइनस का 100 टाइम्स ऑफ एन आई डिवाइड बाई कितना आएगा एन एस माइनस का एन आई आप लोगों को मतलब अगर भूल गए हो तो मैं पीछे ध्यान दिला देता हूं की वैल्यू आपकी थी थीडस एनआई और बी की वैल्यू थी एन माइनस एन आई और डिवाइड बाई कितना मिलेगा बेटा डिवाइड बाई मिलेगा एन एस माइनस का एनआई और ये रिलेशन आपको मिलता आके सेल्सियस स्केल में और जो नई स्केल बना रहे जब आपके रिलेशन जो आते हैं वो लीनियर आते हैं जब भी रिलेशन आपसे लीनियर की बात करेगा तो आपका इस टाइप से आएगा अब आप यहां से कुछ भी मान लो आपसे यहाँ से बोले कि हमारा एक बात बताओ हमने यहां से बोला कि न्यू स्केल है न्यू स्केल है न्यू स्केल की अगर हमसे बात करें कि हमारा न्यू स्केल है और न्यू स्केल के केस में हमारा जो एन है एन आई है वो हमें यहां से बता दे कि 200 डिग्री सेल्सियस है एन एस जो है वो हमसे बोल दे पचास है लेट सपोज हमारी बॉइलिंग पचास पे हो रही है हमारी फ्रीजिंग दो सौ हो रही है आपसे बोले कि ये बताओ जब एन सत्तर होगा तो सी कितना होगा ऐसे पूछ सकता है आप बोलोगे ठीक है अभी बता देता हूँ आप बोलोगे ठीक है मैंने बोला कि सी इज इक्वल टू हंड्रेड एन की वैल्यू कितनी दे दी सत्तर एन आई कितना दे दिया 200 सौ डिवाइडेड बाई एन एस कितना दे दिया 50 एन आई कितना दे दिया बेटा 200 सौ सोल्व कर लो सी निकल आया सॉल्व कर लो है ना अरे आ, दीपक जांगड़ आपने मेरे ख्याल से पुराने पेपर नहीं देखे है ना पुराने पेपर नहीं देखे इसलिए शायद कन्फ्यूज़ हो है ना कि ये सब सर आता ही नहीं होगा है ना ऐसा थोड़ा ना मैं मतलब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ तो ऑब्वियसली कुछ सोच के चिल्ला रहा हूं। ठीक है बेटा तो ये सी आपका वैल्यू आ जाएगा सिंपल कहीं पे भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे इट मे भी आपसे बोल देता कि आपका एन जो है यहां से एन ना देके, सी दे देता देता तब बोल देता कितना रीडिंग है वैसे निकाल देते ठीक बेटा तो आप यहां से बहुत आराम से ऐसे बात कर सकते हैं अच्छा इसके बारे में लीनियर रिलेशन के बारे में एक सिंपल मैं और रिलेशन बता बाई चांस ऐसा हो गया कि मैं ये वाला फॉर्मूला भूल गया ऐसा हो जाता है कभी कभी अगर फॉर्मूला भूल जाओ ना तो कहानी यहां से ऐसे कर देना स्केल आए तभी ध्यान रखना जब भी लीनियर स्केल आएगी तभी अगर लीनियर स्केल आ गई तो आप यहां से दो स्केल लेना आप बोलना के केस में जीरो था और कितना था हंड्रेड था तुमने कितना लिया तुमने लिया दो सौ और कितना लिया पचास कितने पे पूछ रहे हो तुमने बोला सत्तर पे तो सत्तर इधर आएगा नो डाउट इधर आएगा ठीक है आपने यहां से सॉरी 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 सत्तर आपका किधर आएगा सत्तर आपने यहां से बोला कहीं ना कहीं इधर आएगा कम होता जा रहा है ना तो ऑब्वियसली यहां पे कितना आएगा कोई नया स्केल जो भी है यहाँ पे सी है ना तो आप सी कर दो यहाँ पे आपने बोला यहाँ पे सी आएगा जो रिलेशन आप इसमें लगाओगे वही रिलेशन इसमें लगा दो बस हो गया आपने यहां से बोला जो रिलेशन हम इसमें लगाएंगे तो आप यहां से बोलोगे हंड्रेड माइनस सी डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस जीरो यही लगा दो पचास माइनस सत्तर डिवाइडेड बाई पचास माइनस दो सौ ध्यान देना जो इसमें लगाना है वही उसमें लगाना है हो गया आपकी सी की वैल्यू यहां से भी आ जाएगी लेकिन ये लीनियर के लिए लेकिन ये लीनियर के लिए है। ठीक है तो ये बहुत आसान सा पार्ट है इसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है है ना और मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन करोगे क्या एक क्वेश्चन करोगे लिखूं जल्दी से बताएंगे बहुत देर हो गई तो कम से कम एक क्वेश्चन ही कर लो बताएंगे एक क्वेश्चन करेंगे क्या इस पर क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा है ना ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं जिंदा हो सबके सब ऐसा तो नहीं कोई मतलब हाँ नहीं करेंगे गुरु राज नहीं करेंगे बाकी सब लोग अच्छा क्लास कंटिन्यू करें नहीं मैं मतलब बाकी लोगों से पूछ रहा हूं एक बच्चे के ऊपर मैं मतलब नहीं मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन करेंगे कि आप लोग या मतलब ऐसे ही पढ़ाता रहो एक क्वेश्चन तो बनता ना काफी टाइम हो गया और लोग तो खत्म हो गए मेरे ख्याल से क्लास ही हटा देते हैं जब पढ़ने का मन ना हो तो फिर इतना जबरदस्ती क्यों करना है यस बताइए जल्दी से करना है, करना है करना है ओके 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 चलो क्वेश्चन मैं देता हूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ है ना और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं ये क्वेश्चन लिखिए आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन है इन एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर इन एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर थर्मोमीटर लेंथ चेंजेस थ चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर सॉरी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर उस यहां से सिंपल जस्ट बोल रहे हैं लेंथ जो है वो आपकी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है और उसने यहां से जस्ट बोला आठ टेन डिग्री सेल्सियस सॉरी आठ फिफ्टी डिग्री सेल्सियस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस लेंथ इज़ 20 सेंटीमीटर ये उसने यहां से जस्ट बता रखा है देन उसने यहां से जस्ट पूछा है ये ऐसे कर लो एट जीरो डिग्री सेल्सियस लेंथ इज टेन सेंटीमीटर एंड एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इज ट्वेंटी सेंटीमीटर देन वट विल बी द लेंथ वट विल बी द लेंथ लेंथ एट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस इस टाइप का क्वेश्चन है इफ फ द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड लेंथ इस बिन बाई उसने टेम्परेचर तेम, और लेंथ का जो रिलेशन दिया है वो टी इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस का बी दे रखा है इस टाइप का बेटा यहाँ से रिलेशन दिया हुआ है वेयर उसने यहां से बोला है टी जो है वो डिग्री सेल्सियस में है और एक्स जो है वो सेंटीमीटर में ठीक है बेटा चलिए बताएं जल्दी से बताएं जल्दी से आंसर बताएं बताएं बेटा बेटाएं जल्दी से आंसर बताएं मेरे पास आप लेट आपके पास पहुंच रहा है या आप लेट आंसर कर रहे हैं हाँ जी आंसर बताएं आंसर बताएं फिफ्टीन सेंटीमीटर फिफ्टीन सेंटीमीटर बताया गौरव सरकार ने सिक्सटीन पॉइंट फाइव वन वन बताया गुरुराज ने फिफ्टीन बताया जयंत ने सिक्सटीन पॉइंट फाइव बताया Good. तो मेरे ख्याल से आसान सा क्वेश्चन है ऐसा कुछ है नहीं इसमें जिस जो आपने ना कर पाया मैंने आपको बोला था कि आपको केवल एक टारगेट रखना है वो ये कि आपके पास ये जो कांस्टेंट्स कांस्टेंट्स हैं इन के हम वैल्यू कैसे निकालेंगे बस इसको फोकस करना कि अगर आप कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल ले गए ना तो आपका काम हो गया और अगर नहीं निकाल पा रहे तो फिर गलत है हाँ। सब ने निकाल लिया मेरे ख्याल से हो गया होगा आपको उसने यहाँ से जस्ट बोला है कि जीरो डिग्री सेल्सियस पे लेंथ टेन सेंटीमीटर है तो टी आप यहाँ से ऐसे करेंगे सिंपल टी जीरो रखेंगे और यहाँ से रखेंगे ए और यहाँ से टेन का क्यूब प्लस का बी आ जाएगा और यहां यहाँ से बोला हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे बेटा आपका लेंथ जो है वो ट्वेंटी है तो ये ट्वेंटी का क्यूब आ जाएगा और प्लस का आपके पास यहां से बी आ जाएगा ये लीनियर रिलेशन नहीं है जिन्होंने 15 दिया है ना ये लीनियर रिलेशन नहीं है अगर लीनियर होता तो ये 50 आता डेफिनेटली 15 आता बट ये लीनियर रिलेशन नहीं है तो आपको यहाँ से ए और बी की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे जब आप ए और बी की वैल्यूज निकालेंगे फिर आप इस इक्वेशन में रखेंगे फाइनली और उसके बाद उसने यहां से बोला है कि जब आपका यहां से टेम्परेचर वट विल बी द टेम्परेचर एट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तब आप यहाँ से टी इज इक्वल टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस रखेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे ठीक है ऐसा तरीका है और आंसर आपका सिक्सटीन पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आंसर जो आएगा वो एक्स का सिक्सटीन पॉइंट फाइव वन वन सेंटीमीटर जो है वो आएगा फिफ्टीन नहीं आएगा तो प्लीज़ उसको चेक करेंगे सारे के सारे है ना बस एक छोटी सी आप लोग मिस्टेक कर गए होंगे जितने भी लोग होंगे छोटी सी मिस्टेक बस यही हुई होगी कि हमारे पास जो कुछ भी दे रखा है उसने है ना आपने डायरेक्टली लीनियर रिलेशन लगाया होगा और वो लीनियर रिलेशन आपको कही कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाता है तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे ठीक है हो गया बेटा सबका हाँ 1350 का क्यूब रूट आप बेटा मैं आपको क्या मैं क्या बताऊँ आप खुद ही करिए है ना जो भी है 1350 आ रहा है 1450 आ रहा है ना तो आप लोग खुद ही करिए तो यहाँ से आसान सा क्वेश्चन है मतलब यहाँ से कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है मैं एक और छोटा सा केवल वैल्यू वैल्यू लिखूंगा आप अपना क्वेश्चन बताइएगा एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं उसने यहां ये जस्ट बोलता है क्वेश्चन बोलता है टू थर्मोमीटर्स टू थर्मोमीटर्स ए एंड बी ए एंड बी एग्रीड एट जीरो डिग्री सेल्सियस एंड हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है थर्मोमीटर्स ए एंड बी एग्रीड एट जीरो डिग्री सेल्सियस या इट इज फोर्टी फाइव हंड्रेड क्यूब रूट ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके तो हम लोग यहाँ से जस्ट बात कर रहे हैं दो थर्मोमीटर्स हैं ए एंड बी एग्रीड एट जीरो डिग्री सेल्सियस एंड हंड्रेड डिग्री सेल्सियस उसने यहाँ से जस्ट बोला वेन बोथ थर्मोमीटर्स बोथ थर्मोमीटर्स आर इमर्स्ड इन ऑयल आर इमर्स्ड इन ऑयल ठीक है वो बोल रहा है कि हम दोनों थर्मोमीटर को ऑयल में इमर्स कर रहे हैं। ए जो है ए रीड कर रहा है कितना ए रीड्स 51 डिग्री सेल्सियस एंड बी रीड्स 50 डिग्री सेल्सियस बी जो है वो रीड कर रहा है कितना बेटा 50 डिग्री सेल्सियस तो आपसे सिंपल जस्ट क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है व्हाट विल बी द रीडिंग व्हाट विल बी द रीडिंग द रीडिंग ऑन ए रीडिंग ऑन ए एफ बी रीड्स 25 डिग्री सेल्सियस ठीक है और उसने एक रिलेशन दे रखा है ए और बी में दैट इज टीए इज इक्वल टू एम टीवी यहां से जस्ट बोला है टीए इज इक्वल टू टीवी प्लस का एन टीबी एक मिनट उसने यहां से जस्ट बेटा जो बता रखा है टी ए इज इक्वल टू एम टीबी प्लस का एन टीबी स्क्वायर ओके टीए इज इक्वल टू एन टीवी स्क्वायर इस टाइप से उसने बेटा आपको रिलेशन बता रखा है एक मिनट ऐसे लिख देते हैं एल प्लस एम टीवी प्लस का एन टीबी स्क्वायर तो आपको यहां से जस्ट बताना है कि एक ही रीडिंग कितनी होगी ठीक है बस आपको एक ही रीडिंग बतानी है कि जब बी पच्चीस रीड कर रहा है तो एक ही रीडिंग कितनी होगी आसान वाले क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल कर लेंगे लीनियर वाला जो होगा तो वो तो एक लाइन का क्वेश्चन होगा और लीनियर वाला क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ कैसे करना सर अगर लीनियर वाला भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर मतलब फिर दिक्कत हो जाएगी है ना तो करना तो है आपको और आप ही को करना है किसी और को नहीं करना है बताएं जल्दी से आंसर बताएं। एग्रीड मींस का मतलब है बेटा कि दोनों के दोनों राजी हो जाते हैं कि तुम जब जीरो मीजर करोगे तो मैं भी करूंगा तुम हंड्रेड मीजर करोगे तो मैं भी हंड्रेड मीजर करूंगा बताएं थोड़ा सा फास्ट थोड़ा सा जल्दी है ना क्योंकि टाइम अपने पास कम है और हम लोग आगे अभी बहुत कुछ बाकी है यस हेमंत ने आंसर दिया है हेमंत ने आंसर दिया है नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे टाइप तुम्हारे लिए न्यू टाइप का क्वेश्चन है ऐसा कुछ भी नहीं हां बेटा बताए हेमंत ने आंसर दिया कितने बच्चों से क्वेश्चन नहीं बना है बताना है क्या इसको कोई ऐसा जिसको लगता है कि बताना है कुछ नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है एल एम एन की वैल्यूज निकालनी है बस कुछ भी नहीं करना है अगर आप एल एम एन की वैल्यूज निकाल गए तो काम हो गया और नहीं निकाल पाए तो कोई बात नहीं फिर तो कहानी ऐसे ही चलती रहेगी ठीक है सॉल्व करें चलो तो देखो इसमें उसने बोला है कि दो थर्मोमीटर्स हैं ए और बी जो एग्री कर रहे हैं किस पे बेटा जीरो पे और हंड्रेड पे तो हमने यहां से बोला कि अगर मैं इसकी बात करूं ये ज़ीरो जब मीज़र करेगा तो टीवी भी उसने बोला कि एग्री कर गया है कि हम जीरो ही मीज़र करेंगे तो हमने यहां से बोला कि ये भी कितना आ जाएगा सर जीरो आ जाएगा और अगर ये जीरो आ गया बेटा मेरे लाल तो यहां से मुझे क्या दिखा कि एल इज इक्वल टू कितना आ गया ज़ीरो आ गया सेकेंड पॉइंट उसने बोला कि जब वो हंड्रेड मीज़र करेगा तो ये भी हंड्रेड मीज़र करेगा रख देते हैं तो हमने यहां से बोला कि ये भी हंड्रेड होगा और एल तो जीरो हो गया प्लस का एम इंटू हंड्रेड और प्लस का कितना आ जाएगा एन इंटू हंड्रेड का स्क्वायर तो ये भी हंड्रेड आ गया तो हमने यहाँ से बोला कि एक काम कर लेते हैं यार हंड्रेड 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 उड़ा देते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही हंड्रेड एन प्लस का एम इट इज इक्वल टू कितना बन रहा है सॉरी इट इज कितना बन रहा है वन ये हमारे पास कितना आ जाएगा वन आ जाएगा एक ये इक्वेशन बन जाएगी लेट्स सपोज ये इक्वेशन नंबर वन है एक और उसने यहां से जस्ट बोला है कि जब व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन ए इफ बी रीड्स 25 तो उसने ए पे रीडिंग पूछा है बने, पूछा है जब बी कितना रीड कर रहा है 25 डिग्री तो मैंने बोला कि चलो एक काम करो बी 25 रीड कर रहा है तो TA हम यहां से देख रहे हैं देखना ध्यान से TA सॉरी एक और चीज उसने बोला है दोनों को इमर्स कर रहे हैं तो ये पचपन इक्यावन ईट कर रहा है ये पचास रीड कर रहा है तो मैंने बोला कि ये कितना है भाई इक्यावन है ये कितना है इक्यावन है ये कितना जाएगा जीरो प्लस का एम इन टू कितना है बेटा पचास प्लस का एन इन टू कितना है बेटा ये पचास का, का स्क्वायर है आप यहां से एक और इक्वेशन निकालेंगे आप बोलेंगे ये फिफ्टी एम प्लस का फाइव डबल जीरो एन इज इक्वल टू कितना बेटा फिफ्टी वन आ जाएगा जाएगा इक्वेशन नंबर बेटा टू आ जाएगा, जाएगा? जाएगा।, जाएगा? ठीक है तो हमने से बेटा बोला कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं तो क्या मैं एम और एन की वैल्यू नहीं निकाल सकता बिल्कुल निकाल सकता हूं एम और एन की वैल्यू निकालिएगा इस इक्वेशन में रख दीजिएगा एक फाइनल इक्वेशन आपको मिल जाएगा जिसमें आपसे पूछा गया है टी ए इक्वल टू आपके पास एन की वैल्यू अभी किसी बच्चे ने बताया था एम एन की वैल्यू वन बाई पच्चीस सौ आ रहा है एक बाई और एन एम की वैल्यू माइनस uh, कितना आ रहा है बेटा छब्बीस बाई पच्चीस आ रहा है तो ये हमारे पास बेटा कितना आ रहा है इट इज इक्वल टू रिलेशन जो है इट इज ट्वेंटी सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव ऑफ टी बी ठीक है और माइनस का वन बाई टू फाइव डबल जीरो ऑफ़ हमारे पास कितना आ रहा है टी बी स्क्वायर अब बस उसने ये पूछा है कि जब बी पच्चीस रीड कर रहा होगा तो ये कितना रीड कर रहा होगा कर दो यार हो गया काम कर दिया ना हो गया तो हमने यहां से बोला कि ये पच्चीस रीड कर रहा है तो छब्बीस डिवाइड बाई पच्चीस इनटू कितना आ जाएगा पच्चीस माइनस वन बाई हमारे पास कितना आ गया पच्चीस सौ और इनटू बेटा कितना आ गया 25 का स्क्वायर समझो मेरी बात को तो उसने यहाँ से जस्ट बेटा जो भी है सॉल्व कर लो इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 25.75 मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आप कंफ्यूज तीन टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं इसी टाइप के मतलब एक तो सिंपल लीनियर कोई भी दुनिया का रिलेशन अगर ना दिया हो कोई भी रिलेशन ना दिया हो तो आपको बेटा यहां से लीनियर रिलेशन एज्यूम करना है इसमें भी अगर ये वाला रिलेशन ना देता ना तो मैं लीनियर एज्यूम करके चलता लेकिन जब रिलेशन दिया है तो आपको क्या करना है कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है कांस्टेंट्स की वैल्यू रखनी है फाइनल इक्वेशन में जो भी पूछा गया है वो हमें बता देना है और दी एंड बहुत आराम से बहुत प्यार से चीज़ें हो जाएंगी आपको समझ मतलब कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि नहीं सर कुछ हमें दिक्कत हो रही है ठीक है बेटा तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस पर मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया था वो आपको सिंपल ये लिया था है ना एक मैंने बेसिक आपको समझा दिया था कि अगर एक नई स्केल बना दें जिसमें आइस पॉइंट इतना हो स्टीम पॉइंट इतना हो तो इतने पे कितना इसमें मेजर करेगा है ना ऐसा एक मैकेनिकल में तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है पता ही नहीं चला उसने मतलब आइस पॉइंट जीरो ले रखा था स्टीम पॉइंट दो ले रखा था और पूछ रहा था कि जब जीरो डिग्री सेल्सियस होगा तो कितना होगा जीरो ही होगा है ना और केमिकल में दो से तीन क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें आइस पॉइंट

तो मतलब मुझे बता दोगे कर पाओगे कि नहीं यस और नो में आंसर कर देंगे प्लीज़ बहुत देर हो गई यार तुम लोगों से बात नहीं की है ना तो क्या चल रहा है बिल्कुल बता दोगे मुझे कि हाँ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे यस यू कैन टेल मी यस यस मुझे यस yes चाहिए हाँ कि हाँ सर कर लेंगे मतलब बनना चाहिए ना कि अगर आप यहाँ पे इतनी देर बैठे हो और मतलब टाइम अपना लगा रहे हो तो सीधी सी बात है यार तुम्हारा काम होना चाहिए नहीं हो रहा है तो फिर मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है ठीक है बेटा ओके थैंक यू टू ऑल ऑफ यू है ना एटलीस्ट आपको मतलब ये चीज़ क्लियर हुई अच्छा ये हमारा यहाँ से जो था वो जीरो था एक गैसेस वाला पार्ट और पूछ लेता है बहुत ज़्यादा मैं हमेशा मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर से बता देता हूँ हमसे जस्ट बेटा गैसेस के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है एक छोटा सा क्वेश्चन आप कंफ्यूज रहेंगे नहीं तो आप इसको यूज़ करेंगे ठीक है कैसे करेंगे हम लोग जो बेटा बात कर रहे हैं कि हम दो टाइप की गैसेस के बारे में बात करते हैं आइधर हम बात करते हैं रियल गैस के बारे में और हम बात करते हैं आइडियल गैस के बारे में तो अगर मैं यहाँ से रियल गैस और आइडियल गैस की बात करूं तो दोनों की इक्वेशन आपको अच्छे से आइडिया रहता है है ना हमने यहाँ से बोला कि अगर वो रियल गैस है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं वनडर वॉल इक्वेशन को फॉलो करेगी और वर वॉल इक्वेशन हमारे पास क्या रहती है पी प्लस का ए बाई वी स्क्वायर और इंटू में कितना रहता है वी माइनस वी इज इक्वल टू कितना रहता है बेटा आर टी है ना अच्छा अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा एक्सी में वंडरवॉल इक्वेशन बहुत पूछता है हाँ बिल्कुल पूछता है बिल्कुल पूछता है और यहां से थोड़ा सा आगे देखेंगे एक्सी के क्वेश्चन की मैं सीरीज लाऊंगा बस थोड़ा सा वेट करिएगा है ना एकदम से मैं सारी चीज़ें नहीं करा सकता मैं आपको बता दूं है ना वन बाय वन ही करा पाऊंगा पहले थर्मो का रिवीजन करेंगे थर्मो के क्वेश्चन करेंगे पाँच से छः दिन में थर्मो फिनिश करेंगे उसके बाद मतलब रिविज़न में, में मेरे ख्याल से दो से तीन क्लास लगेंगी रिविज़न होने के बाद हम लोग थर्मो के क्वेश्चन करने के बाद फिर हम एक्सी के क्वेश्चन उठाएंगे क्योंकि एक्सी के बहुत बच्चे हैं जो एक्सी का पेपर दे रहे हैं तो एक्सी के क्वेश्चन उठाएंगे उनको सॉल्व करेंगे साइड बाई साइड दूसरे वाले चैनल पर एफ चलता रहेगा मैं uh, academy, जब मैंने जस्ट गेट uh, उस पर सॉरी जो हमारा मैकेनिकल वाला चैनल है जैसे मैकेनिकल वाले बच्चे पढ़ते हैं है ना तो हम लोग उस पर बात करेंगे और उस पर आपको मैं एफएम स्टार्ट करूंगा साथ बाई साथ एफएम की जो क्लास है बेटा इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ना वो ऐप पे करवाऊंगा है हाँ ना क्योंकि मतलब आर्ट्स जो होते हैं ना वो डिवाइड होते हैं आपके थोड़े आर्ट्स इधर हैं थोड़े आर्ट्स इधर हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने पूरे आर्ट्स यूटिलाइज करके आपको सब कुछ दे दूं तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना ऐसा हाँ मैकेनिकल के लिए है ये बिल्कुल है मैकेनिकल के लिए ऐसा मत सोचो मैकेनिकल के लिए नहीं तो आप लोग मतलब ऐसा ये मत सोचना कि सर वहा ऐप पर करवाएंगे तो टैब पे हम कैसे पढ़ेंगे अरे तुम्हारे सामने स्क्रीन रहेगी तुम्हें स्क्रीन पर पढ़ना है बाकी क्लास वैसे ही चलनी है तो पढ़ने पर फोकस करना तो क्वेश्चन वाली सीरीज जो है वो वहां पे करेंगे और एफएम का कुछ रिवीजन वाला पार्ट भी उस पर करेंगे है ना एफएम का रिवीजन बाद में करेंगे पहले हम जब बात करेंगे हाँ ऐप फ्री है आप भी परेशान मत हो हमने अभी आपको कुछ ऐसा कभी बोला कि नहीं अभी आप एक काम करो पैसा देना शुरू करो मैं क्या बोला था जो मैंने कोड लगाने के लिए बोला है वो हमने तब जब तुम्हारी इच्छा करती दी कि सर अब हम रेडी हैं अभी आपका पहले टारगेट जो है वो दो है तो वो दो के लिए करो है ना अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं आपको बोल रहा हूँ ना कोई प्रेशर कर रहा हूँ पहले हमारा जो पेंडिंग वाला वर्क है ना हम वो कर लेते हैं है ना फिर उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करनी है और आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं सर हमारी हेल्प करते हैं तो सर का कोड यूज़ कर लेना नहीं करते तो कोई बात नहीं किसने मतलब को बोला है जो रिलेशन है वो थोड़ा ना ख़त्म हो जाएगा है ना तो आप उस पर फोकस करो कि हमारे और आपके बीच का रिलेशन क्या है वो रिलेशन पर फोकस करो हर बार मतलब एकदम से सर सर uh, आप घटिया पढ़ाते थैंक यू थैंक यू है ना uh, मतलब वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आप कैसा पढ़ाता हूँ है ना बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास तो आपने मतलब फीडबैक दे दिया ओके okay, चलो तो हम लोग इसकी बेटा जस्ट बात कर रहे थे तो आपको कुछ क्लासेस ऐप पे करनी पड़ेंगी मैं uh, क्या नाम है फ्लूड मशीनरी की जो बात करूँगा फ्लूड मशीनरी के कुछ लेक्चर जो हैं वो ऐप पे हैं कुछ यहाँ पे तो आपको पढ़ाता रहूँगा आप लोग उस पर कर लेना जो भी मैकेनिकल वाले बच्चे हैं बाकी जस्ट इनकम टी एस ट्वेंटी फोर पॉइंट नहीं बेटा ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर फाइव नहीं है आप उसके लिए कंप्लीट रिवीजन आएगा मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल के लिए कंप्लीट रिवीजन बोला तो है बेटा अभी आएगा और आता रहेगा है ना ये फोर्टी फाइव डेज हम लोग काम करेंगे बिल्कुल बेफिक्र होकर काम करेंगे और मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि 12 घंटे का मैंने आपको बोला है ना मैं आज अपना शेड्यूल डालूंगा कि मैं 12 घंटे मैं ऐसे ऐसे बिजी रखूंगा अपने आप को तुम लोग अपना शेड्यूल डालोगे जिस दिन आपको लग जाए ना कि सर आप 12 घंटे नहीं आप 11 घंटे दे रहे हो हम आपको फॉलो नहीं करेंगे आप मुझे बिल्कुल फॉलो मत करना मुझे फॉलो करने का मतलब यह है कि मैं खुद आपके साथ हूं उतना टाइम अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं अरे सर आप क्यों बेवकूफ बना रहे हो आप तो पांच घंटे काम करते हो मुझे बोले बारह घंटे करना है तो मैं नहीं करूंगा मत करना बिल्कुल मत करना उस दिन से मुझे फॉलो करना बंद कर देना ठीक है बिल्कुल बेफिक्र बेफिक्रोके कुछ भी मतलब मैं कभी बोलूंगा नहीं कि आप मुझे फॉलो करो हाँ अगर मैं कर सकता हूँ ऑब्वियसली मुझे तो नहीं पढ़ना मुझे तो पेपर नहीं देना ना अगर मैं कर सकता हूँ तो आपको भी करना पड़ेगा है ना आपको भी करना पड़ेगा और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं हीट ट्रांसफर का रिवीजन आएगा बेटा हीट ट्रांसफर का रिवीजन आएगा बट वन बाय वन आएगा एक एक चीज़ आएगी बहुत जल्दी मतलब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा कि एकदम से अभी सारी चीज़ें कर पाऊं वन बाई वन करेंगे ठीक है बेटा आनंद मोहन हीट ट्रांसफर का आएगा दी डी दी, दीप, दीपक लर्निंग वर्ड थैंक यू दीपक हाँ रेडी आप तैयार रहो बिल्कुल आप बिल्कुल तैयार रहो इसके लिए कि हम लोग कुछ नया इतिहास रचेंगे तो आज मैं अपना शेड्यूल डालूंगा और एक शेड्यूल डालूंगा मैं टेंटेटिव आप लोगों के लिए अगर आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं तो क्या सब्जेक्ट लगाने वो आप लोग जानिएगा लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक शेड्यूल डालू ठीक है अरे रहने दो रने दो।, दो चार तो रहेंगे ना परेशान करने वाले बहुत लोगों ने परेशान किया है ना अभी तो आपको आइडिया नहीं है कि कितना कितना परेशान करते हैं है ना वो हमको पता है बट कोई बात नहीं तुम लोग हो ना तुम लोग हो ना हमारे साथ है ना तो हम लोग का असली टेंशन कहाँ से जाता है जब बच्चे होते हैं तो अगर बच्चे हैं तो फिर मतलब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है आप लोग पढ़ना चाहते हो मैं पढ़ाना चाहता हूँ बाकी बीच वाले लोग जो आते हैं आएंगे जाएंगे चलने दो ठीक है बेटा हाँ थोड़ा सा बता दो ना कौन सा ऐप है ऐप के लिए बेटा मैं ग्रुप है उस ग्रुप में लिंक भेजूंगा और मेरा नाम योगेश त्यागी के नाम से सर्च कर लेना तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा अन अकेडमी का ऐप है अनएकेडमी लर्निंग ऐप है उसमें उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस पर मैं फ्री क्लासेस दूंगा ठीक है बेटा रैंक uh, लाकर जवाब देंगे हाँ राइट लैंक रैंक लाकर ही जवाब देना है बाकी कुछ नहीं बाकी जो होगा वो देखा जाएगा टेंशन मत लीजिए ठीक है बेटा हाँ एक रियल गैस की बात करते हैं एक बेटा हम लोग बात करते हैं आइडियल गैस की तो आइडियल गैस के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं एक तो यूज़ करते हैं पी वी इज इक्वल टू एम आर टी और एक यूज़ करते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर बार टी मैं दोनों को अलग अलग लिखता हूँ आर और आर बार को शेड्यूल ग्रुप पे दे दूंगा मैं शेड्यूल अपना मैं ग्रुप पे दूंगा ठीक है तो वो ग्रुप पे मैं डाल दूंगा आप उसके लिए परेशान मत होइए अभी आप यहाँ पे पढ़िए ठीक है चलो अभी मैं यहाँ से जस्ट नेक्स्ट जो भी कोई पीडीएफ होगी उसमें भी शेड्यूल डाल दूंगा तो आपके पास पीडीएफ भी आ जाएगी ठीक चलो तो हमने यहाँ से जस्ट बेटा बात की ये पी वी टू एम आर टी या एन आर बार टी की हम बात कर रहे थे अब मैं यहां से क्या बोल रहा हूं कि कहीं पे आपको आर बार मिलता है कहीं पे आर मिलता है तो चीज़ें समझिएगा चीजें समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं आर की जस बात करूं आर की जस बात करूं इसको समझिएगा आइडियल गैस आपकी दो टाइप की होती है बेटा अभी मैं इसमें आर आर बार में आता हूँ आइडियल गैस जो है ना वो आपकी दो टाइप की होती है एक आपकी होती है बेटा परफेक्ट गैस और एक आपके पास होती है सेमी परफेक्ट गैस ठीक है एक आपके पास होती है परफेक्ट गैस और एक आपके पास होती है सेमी परफेक्ट गैस तो जिसके बारे में वो बात कर दे कि परफेक्ट गैस है या आपकी सेमी परफेक्ट गैस है तो आपको आइडिया होना चाहिए अब बात आती है कि सर परफेक्ट और सेमी परफेक्ट में क्या फ़र्क होता है वो मुझे बताएं है ना बेटा प्लस में आऊँगा मैं प्लस में मेरे आर्स हैं बट अभी टाइम नहीं है अभी टाइम नहीं है प्लस में मुझे आर्ट्स पढ़ाने थे और कुछ कोर्स स्टार्ट करना था बट मैं अभी इन इस मंथ दिसंबर दिसंबर नहीं आ पाऊँगा जैन में मैं प्लस में कोर्स स्टार्ट कर दूंगा ठीक है मोस्ट प्रोबेबली मतलब शायद फर्स्ट जनवरी से ही स्टार्ट कर दूँ तो बेफिक्र ही उसके लिए प्लस में मेरा जो कोर्स है वो फर्स्ट जैन से आ सकता है बिकॉज अभी टाइम नहीं है दस दिन में मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इन बच्चों के साथ बहुत दिन से बात नहीं हो पा रही थी जो पुराने वाले मेरे बच्चे थे तो उनको मैं अभी बात करना चाहता हूँ ठीक प्लस में मिलेंगे प्लस में मिलेंगे बहुत जल्दी चलो तो बेटा इधर से ले इधर से देखिए हम परफेक्ट गैस की बात कर रहे थे अब परफेक्ट गैस में अगर हम यहाँ से बात करें तो एक्चुअल में फर्क क्या होता है इसका जो सीपी है एंड सीवी है ये हमेशा कभी भी वैरी नहीं करता डज नॉट वैरी डज नॉट वैरी ठीक है ये वैरी नहीं करता हमेशा कांस्टेंट रहता परफेक्ट का मतलब सीपी सीवी हमेशा कांस्टेंट रहता है लेकिन अगर मैं सेमी परफेक्ट गैस की बात करूं तो सेमी परफेक्ट गैस के केस में बेटा आपका सीपीसीवी जो है सीपी एंड सीवी करता है किसके साथ विद ठीक है है ये 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 टेम अच्छा इसका मतलब ये नहीं कंफ्यूज ये मत होना कि अगर ये सेमी परफेक्ट गैस है तो मतलब इसका आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी नहीं नहीं आइडियल गैस इक्वेशन आपकी दोनों के लिए वैलिड है दोनों ही आइडियल गैस है बस इसका सीपीसीबी हमेशा कांस्टेंट रहता है इसका सीपीसी भी चेंज होता रहता है आर और आर बार की अगर मैं बात करूं बेटा तो हम यहाँ से बोलते हैं कि आर जो है वो आपका है गैस कांस्टेंट। ध्यान रखना ये सारे के सारे गैस के लिए हम जस्ट बोलते हैं अलग अलग जैसे एयर के लिए आर अलग होता है ऑक्सीजन के लिए आर अलग होता है और नाइट्रोजन के लिए अलग होता है सबके लिए आर अलग होता है गैस कॉन्स्टेंट इसको जनरली हम लोग लेके चलते हैं जूल पर के जी में या हम लेके चलते हैं और किलो जूल पर जी कैलबिन में या तो हम यहां से ऐसे लेके चलते हैं सिमिलरली अगर हम यहां से आर बार की बात करें बेटा तो आर बार जो होता है ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ध्यान दीजिएगा ये आपके पास है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बता दूं ये जो गैस कांस्टेंट है ना ये प्रॉपर्टी ऑफ गैस है प्रॉपर्टी ऑफ गैस मतलब एक गैस की प्रॉपर्टी है और जैसे ही गैस चेंज करोगे आपका आर चेंज हो जाएगा ऐसा नहीं कि गैस पे आपने कोई सा भी प्रोसेस लगा दिया तो आर चेंज होगा नहीं एक गैस पे अगर हम यहां से जस्ट बेटा कि आर हमारा जो है वो गैस कांस्टेंट है वो प्रॉपर्टी ऑफ द गैस है गैस पे कोई सा भी प्रोसेस लगा लोगे ये प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होने जा रही है ना कभी भी चेंज नहीं हो ये प्रॉपर्टी है इसकी प्रॉपर्टी ब्लैक है इसकी प्रॉपर्टी ये नहीं चेंज होने जा रही अगर ये लूज कर गया तो मैं बोलूंगा ये बेकार है ठीक तो है तो ये प्रॉपर्टी ऑफ़ गैस है सिमिलरली यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट जो होता है ये यूनिवर्सल है ये प्रॉपर्टी ऑफ द गैस नहीं और इसकी यूनिट कितनी रहती है बेटा हम यहां से बोलते हैं जस जूल पर मोल कैलबिन में लेके चलते हैं या हम यहां से किलो जूल पर

कितना और जैसे ही हम यहां से बेटा यूज करते हैं ना पी वी इज इक्वल टू एम आर टी तो इस एम को रिप्लेस कर देते हैं एम को अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो पी वी इज इक्वल टू एन एम आर टी आ जाता है और ये जो एम इन टू आर है ना इसको हम रिप्लेस करते हैं आर बार से ठीक है तो ये आ जाता है एन आर बार टी हालांकि जो केमिकल वाले बच्चे हैं वो आर ही एट पॉइंट थ्री वन फोर लेके चलते हैं इसकी जो वैल्यू है ना एट पॉइंट थ्री वन फोर है ना यूनिवर्सल वैल्यू यही लेके चलते हैं लेकिन मैकेनिकल वालों को दोनों को डिफरेंस देखना रहता है कि आर और आर बार देखना है तो आप बोलोगे सर आर बार था एट पॉइंट थ्री वन फोर और एयर का मोलिकुलर वेट कितना था हमने यहां से बोला ट्वेंटी नाइन निकल आया आर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो हम निकाल सकते हैं एट पॉइंट 314 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन कितना बेटा 32 ठीक है आर ऑफ नाइट्रोजन निकालना है हमने बोला कि 8.314 डिवाइडेड बाई बेटा कितना आ जाएगा डिवाइड बाई हमारे पास कितना है 28 हो गया यार क्यों टेंशन लेना है तो दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर करके चलिएगा कि हमारा आर क्या होता है आर बार कितना होता है कहीं अगर आपको कन्फ्यूज कर दे तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा है ना ये आपको ध्यान रखना रहेगा परफेक्ट और इस पर क्वेश्चन जनरली आपका बना देता है अभी जैसे एक्सी वाले जो बच्चे होंगे उनको इस पर देखना रहेगा इस पर क्वेश्चन बना देगा और बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में ही इसको दे देगा है ना तो अगर जस्ट दे देगा इसमें कन्फ्यूजन होता है कभी कभी पी वी इक्वल टू एन आर टी में आर से सॉल्व करें या हाँ आप देखो ना मैं बता तो दिया हूँ आपको निशा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में बेटा जो आर रखना है ना वो केवल के, आर रखना है अगर एनआर टी रखना है तो केवल आर रखना है देखो मैंने यहां पे लिख दिया है अगर एनआर टी में रखना है तो केवल आर रखना है और एम आर टी में रखना है तो ये वाला आर रखना है और इसका मतलब क्या है आर बार बाई एम एम आर टी में आपको आर बार बाई एम रखना है एनआरटी में आपको केवल केवल आर रखना है ठीक है इसको आपको याद रख के चलना पड़ेगा इसलिए मैंने दोनों चीज़ें आपको समझा दी हैं ठीक है तो होप सो कि आपको सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मतलब सर हमें समझ में नहीं आया होप सो कि मतलब आपको क्लियर हो गया होगा सबको निशा बेटा आप बताओ हाँ अगर एनआर रखना है तो आपको एट ही रखना है एनआर रखना है तो आपको एट ही रखना है एम रखना है तो आपको आर बार बाई एम रखना है ठीक है तो इतना आपको सबको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से सारे के सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा और बाकी तो ठीक है हाँ ये चीज़ आपको जनरली मतलब एक और चीज़ इसमें पूछ देता है एक होता है स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करता है एक बात करता है मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट के बारे में स्पेसिफिक हीट आपका क्या है हमने यहाँ से जस्ट बोला बेटा कि हमारे पास सीपी और सीवी जो होते हैं ये हमारे क्या हैं दीज आर स्पेसिफिक हीट्स तो स्पेसिफिक हीट्स आपसे पूछता है कि स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करते हैं बेटा ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर लेकिन अगर आपसे बात करें मॉलिकुलर स्पेसिफिक हीट्स की कंफ्यूज मत होइएगा आपसे कभी कभी बोलेगा लिख के देगा मॉलिकुलर स्पेसिफिक हीट्स ठीक है स्पेसिफिक हीट्स तो वो मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट जो हो रहती हैं वो एक्चुअल में मोलिकुलर वेट के साथ ही रहेंगी जब भी आपको मिलेगा तो एम या आपको नंबर ऑफ मोल्स के साथ वो आपको मैं दिखाऊंगा जब मैं इक्वेशंस पढ़ाऊंगा एंट्रोपी में तो मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेगा तो ये डिपेंड करती हैं मोलिकुलर स्ट्रक्चर पर ठीक है ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है मोलिकुलर स्ट्रक्चर पे ठीक है कहीं कहीं बुक्स में भी उल्टा सीधा लिख दिया है तो डेली शेड्यूल बेटा मैं बता दूंगा जैसे एक बार बेस्ड ऑन आर की यूनिट वी कैन यूज हाँ हाँ आप उसके बेसिस पे कर सकते हैं ठीक है और शेड्यूल में बता दूंगा अभी बस इतना ही ठीक कंप्रेसिबिलिटी चार्ट बता दीजिए अभी नहीं अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ है ना अभी रुक जाओ थोड़ा सा मतलब वेट करो ना तो हम लोग बेटा यहाँ से जस्ट इस पर बात कर रहे थे अभी आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि अभी अगर कुछ भी स्टार्ट करता हूँ तो वो हो नहीं पाएगा तो आज का सेशन मैं यहीं पर रखूँगा अच्छा हाँ कुछ और बताना था मुझे तो वो बताना शायद मैं भूल गया हूँ तो बता देता हूँ अभी है ना आ, वाइट बोर्ड ठीक है वही ठीक तो बेटा हम लोग जो बात कर रहे थे वो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और होप्सो कि मतलब आपको ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी आज मैंने क्या क्या आपको बताया है वो मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएँ और पता नहीं कहाँ पर हम लोग बात कर रखे थे एक मिनट बैक करता हूँ मैं इसको चलो इसको लगाते लगाते मैं आपको अपने बारे में हाँ जो मैं बेटा बात कर रहा था ग्रुप का लिंक बेटा मैं आपको बहुत जल्दी देता हूँ आज एक्चुअल में क्लास बहुत रैंडम थी तो मैंने रैंडमली ये क्लास ले ली थी और अभी मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा रुक जाइए एक्चुअल में क्या ना कि बहुत जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें हुई हैं ना तो इतना सिस्टमैटिक नहीं है अब मैं आपको जस्ट जो बताने जा रहा हूँ जो हम लोगों ने अभी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं आज पढ़ा क्या क्या है हम लोगों ने पहले थर्मो का बेसिक पढ़ा था थर्मों का बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग जस्ट बात किए थे कि सिस्टम क्या होता है सराउंडिंग क्या होता है यूनिवर्स क्या होता है है ना बाउंड्री क्या क्या होती है फिर उसके बाद हम सिस्टम की स्टडी कैसे करते हैं माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक पे फिर हम थोड़ा सा आगे जस्ट बेटा बात करना शुरू किए और थोड़ा सा इसके बारे में सोचा था तो सोचा हमने कि हमें प्रोसेस कौन कौन से मिलते हैं ये ध्यान रखना है कोई भी प्रोसेस आपका रिवर्सिबल फुली नहीं हो सकता इंटरनली होगा वो भी पार्शियली होगा ठीक है और जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा उसको हम जस्ट बोलेंगे वो रिवर्सिबिलिटी को फॉलो कर रहा है क्वासीस्टेटिक मतलब स्लोएस्ट प्रोसेस दुनिया के सारे प्रोसेस जो होते हैं जितने रिवर्सिबल होते हैं वो सारे क्वासीस्टेटिक की तरफ रीच करते हैं बट सारे क्वासीस्टैटिक रिवर्सिबल नहीं होते हैं फिर हमने आपको प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बताया प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बताने के बाद हम थोड़ा सा आगे आए थे फिर हमने जीरो थ्रो ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में बताया जो टेम्परेचर मेजरमेंट देता है नाइनटीन जीरो थ्री में फॉलर ने ये डेवलप किया था उसके बाद हमने थर्मोमीट्रिक प्रिंसिपल बताया फिर थर्मोमीटर्स बताए है ना हमने कौन से बताए थे बेटा आपको कॉन्स्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर रजिस्टेंस थर्मोमीटर थर्मोकपल ऑर्डिनरी थर्मोमीटर पांच टाइप के थर्मोमीटर और पांचों आपके मटेरियल डिपेंडेंट थे एक मटेरियल इंडिपेंडेंट है दैट इज आइडियल गैस थर्मोमीटर फिर हमने यहां से आ, आ, कुछ और स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर स्केल दो एक स्केल मैं आपको बताना भूल गया हूं दैट इज़ मैथड यूज़ आफ्टर 1954 है ना तो मैं अभी उसको बता देता हूं आपको कि मैथड यूज़ आफ्टर 1954 हमने कौन सा मैथड यूज़ किया था वो अभी मैं अभी जस्ट बता देता हूँ है ना हम लोगों ने जस्ट इस पर डिस्कशन किया था तो हमने एक जस्ट देखा कि क्वेश्चन जो बनेगा वो बस इतना बनेगा कि कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है अच्छा फिफ्टी के बाद जो मैथड यूज़ किया था मैथड यूज आफ्टर नाइनटीन फिफ्टी फोर जो है वो रह गया था यूज आफ्टर नाइनटीन फिफ्टी फोर है ना तो नाइनटीन फिफ्टी फोर के बाद जो हमने यूज़ किया है वो सिंगल रेफरेंस टेम्परेचर पर बेस्ड है मैं बता देता हूँ बस थोड़ा सा सुन लीजिए इसको है ना इट इज बेस्ड ऑन सिंगल रेफरेंस टेम्परेचर ये आपका सिंगल रेफरेंस टेम्परेचर पर बेस्ड है सिंगल रेफरेंस टेम्परेचर पर बेस्ड है और वो कौन सा टेम्परेचर है बेटा वो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर है तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको अभी जस्ट आइडिया दे देता हूं हमने यहां से बोलते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के जहां पे तीन के तीनों फेज फॉर एनी सब्सटेंस अगर हम किसी भी सब्सटेंस की बात करें मैं ऑल द थ्री द्री एग्जिस्ट इन इक्लिबरियम एट इज नॉन एज ट्रपल एनी पॉइंट इफ ऑल द्री फेज एग्जिस्ट इनबरियम देन द पॉइंट इज नॉन एज ट्रपल पॉइंट ठीक है जो बच्चों को डाउट हो रहा है ना वो मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं योगेश त्यागी के नाम से टेलीग्राम है तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है बेटा चलो तो हमने से बोला कि ट्रिपल पॉइंट का मतलब आपका लिक्विड सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस का वेपर फेज अगर सब कुछ आपका एग्जिस्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे दैट पॉइंट इज नॉन एज ट्रिपल पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा कैसे होता है आप बात यहां से करते हैं बेटा कि अगर मैं वाटर के लिए बात करूं तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है ना ये हमारा होता है जीरो पॉइंट जीरो वन डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए ट्रपल पॉइंट ये रहता है और टेम्परेचर के अलावा प्रेशर जो रहता है वो रहता है 612 सौ बारह वाटर का टेम्परेचर प्रेशर रहता है ठीक है तो हमने यहां से जस्ट बोला कि ये सिंगल रेफरेंस टेम्परेचर पर बेस्ड है और मुझे अच्छे से पता है कि जब भी प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेंपरेचर का मतलब जैसे जैसे टेंपरेचर चेंज करें वैसे वैसे प्रेशर या प्रेशर के अकॉर्डिंगली हमारा टेम्परेचर चेंज होता है आपने एक प्रेशर पर रखा कि वन एटमोसफियर पे हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग होती है सिमिलरली अगर आप टू एटमोसफियर रख दोगे तो आपकी जो बॉइलिंग होगी वो अलग से होगी डिफरेंट टेम्परेचर पे होगी फाइव एटमोसफियर रख दोगे तो आपकी बॉइलिंग डिफरेंट टेपरेचर पर होगी तो वो यहां से बस इतना समझाता है कि हाँ ऐसा तो होता है ये तो हमें क्लियर है मतलब अगर मैं यहाँ से जस्ट बात करूंगा तो पी इज इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं सी टी ठीक है पी इज इक्वल टू हम यहां से लिख सकते हैं सी मतलब अगर मैं यहाँ से ट्रिपल पॉइंट का वैल्यू यूज करना चाहूं तो पी टी पी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा सी टी टीपी है ना ऐसे आ जाएगा मतलब अगर मैं यहां से सी की वैल्यू निकालना चाहूं तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पी टी पी डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा टी टी पी इसकी वैल्यू अगर मैं इसी में डाल दूं तो पी इज इक्वल टू आ जाएगा पी टी पी डिवाइडेड बाई टी टी पी और इन टू कितना आ जाएगा टी मतलब किसी भी पॉइंट का अगर मैं टेंपरेचर निकालना चाह रहा हूं तो P डिवाइड बाई पी टीपी ये आ जाएगा P डिवाइड बाई पी और इन में बेटा कितना आ जाएगा टी ये हमारे पास रिलेशन निकल के आएगा अगर मैं बोलूं मुझे वाटर के लिए रिलेशन चाहिए तो फॉर वाटर जो रिलेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है हम यहां से लिख सकते हैं कि फॉर वाटर जो रिलेशन निकल के आएगा वो T इज इक्वल टू कितना आएगा ये टेम्परेचर जो है हमें यहां से पता है कि कैलबिन में टेम्परेचर जो रहता है वो कितना आता बेटा एक मिनट कैलविन में जो आता है वो कितना आता है टू सेवनटी थ्री पॉइंट वन फाइव आपको पता है कि ये जीरो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है ठीक है जीरो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है कहीं पे भी अगर आप बात करें तो आप यहां से जब पुट करेंगे तो आप उसको यहां से टी रखना रहेगा और टी का टेम्परेचर बेटा कितना है ऑलरेडी जीरो पॉइंट जीरो वन है मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा बेटा इसको तो प्लस का कितना आ जाएगा टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव तो कैलबिन में बेटा जो ट्रिपल पॉइंट बनता है वो कितना आ जाएगा टू इसको रख दीजिए यहाँ पे टू और P बाई कितना आ जाएगा 612 है ना तो ये आप यहाँ से जिस पॉइंट का प्रेशर पता होगा जिस पॉइंट का प्रेशर पता होगा उस पॉइंट का टेम्परेचर निकाल सकते हैं ये 1954 के बाद का मेथड था जो एक लाइन में टेम्परेचर मेजरमेंट देना शुरू किया था ठीक है जो एक लाइन में टेम्परेचर मीजरमेंट करना शुरू किया था हाँ सबको शेयर करेंगे बट थोड़ा सा बेटा अभी वेट करना पड़ेगा आपको है ना एक लाइन में आपको यहां से पता चल जाएगा प्रेशर पता है टेम्परेचर बता दीजिए टेम्परेचर पता है प्रेशर बता दीजिए ये कहानी थी ठीक है तो ये दो मेथड थे इस मेथड को जनरली नहीं पूछते हैं बट पिछले वाले मेथड को बहुत ज्यादा पूछते हैं तो आपको उस मेथड का आइडिया रहना चाहिए ठीक है तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर का जो अनाउंसमेंट है वो मैं आपको बता दूंगा लेक्चर कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ आपको पसंद आया या नहीं आया और अगर टेम्परेचर हाँ पी पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली ऑब्वियसली वन जैसे पानी की बॉयलिंग है ना पानी की बॉयलिंग आप वन एटमोस्फेयर पर करेंगे तो इतने टेम्परेचर पर बॉयलिंग होनी है दो पे करेंगे तो इतने पे होनी तीन पे करेंगे तो इतनी होनी तो पे बॉइलिंग जो आपको है वो टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करता रहता है वो पीटी डायग्राम डाइग्राम इसीलिए बनता है तो बेटा आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना अगर आपके पास टाइम हो तो एक मिनट का टाइम निकाल लेना बाकी मैं वही पुरानी वाली कहानी है जो मैं आपको बता रहा था है ना हमारा कोड जो है वो वही है जब भी कभी आपको यूज करना हो मैं ऐसा मतलब वैसे तो अभी कुछ भी ऐसा है नहीं कोड ये रहा मेरे बारे में डिटेल आपके पास ये रहा चैनल्स जो है वो मैं आपको बता चुका था दो टाइप के सब्सक्रिप्शन हैं वो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपके पास एक आइकॉनिक वाला है एक प्लस वाला है प्लस वाला लेना है अगर आपको लगता है सेल्फ कर सकते हो तो प्लस वाला लो आइकॉनिक मतलब आपको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो आइकॉनिक ले सकते हो ठीक है ये हमारे पास कुछ इस टाइप की ये अभी इस पर आपको फोकस नहीं करना सिविल बाकी मैकेनिकल केमिकल वाला चैनल जब चेंज होगा ये कोर्सेज़ की कॉस्ट है दो तो कॉस्ट जब भी आपको करना है तो उसमें मतलब कोड लगा के करना ताकि मतलब वो पैसा कम हो जाए अल्टीमेटली तो जो ये में होता है ना वो पैसा होता है ना हाँ कल भी वन थर्टी क्लास होगी ना बेटा मैं बता दूंगा मैं बता दूंगा कल का क्लास का टाइमिंग जो है मैं बहुत जल्दी बता दूंगा ठीक है बेटा चलो तो ये आपके कॉस्ट वगैरह हैं और ये मेरा कोड है ये आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं जो बच्चे बोल रहे थे ना ऐप में कहाँ फॉलो करना है ऐप में आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं ठीक है ये मेरा यहाँ से ऐप में कोड है अगर आप चाहें तो इस पर फॉलो कर सकते हैं ठीक है ये गिवन है अन अकेडमी डॉट कॉम एट द रेट ट्यागी हंड्रेड इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ठीक है बेटा चलो तो अभी हम लोग यहाँ से, से सेशन को एंड करेंगे और फिर मिलते रहेंगे है ना फिर मिलते रहेंगे ये यह यहाँ से अन अकेडमी गेट करके चैनल है uh, इसका अन अकेडमी का तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं इसमें बहुत लोग जो भी है आपकी पी डी एफ वगैरह जो भी हैं वो मिलती रहती हैं तो अल्टीमेटली जहाँ से जो मिलना ना उसको ले लो आज जहाँ से जो भी मिलना है ले लो ठीक है बेटा तो ओके थैंक यू लव यू ऑल ये चैनल्स हैं जिन चैनल को आपको फॉलो करना है सी एच वाला भी ये जो चैनल है वो चेंज हो जाएगा सी वाला तो इस पर ही आप लोग रहेंगे फिर हम लोग मिलते रहेंगे तो थैंक यू टू ऑल ऑल ऑफ यू और मैं शेड्यूल दे दूंगा शेड्यूल दे दूंगा आज मैं बना के पूरा शेड्यूल पोस्ट करूंगा ये मेरा शेड्यूल है आपको कैसे बनाना है आप उसके अकॉर्डिंगली बना लेना ठीक है बेटा तो चलो फिर हम लोग मिलते रहेंगे और ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे आपका जो लाल वाले जो कलर है वो ऐसे ही होप्स हो कि मुझे मिलता रहे और हम लोग फिर आगे फ्यूचर में ऐसे अच्छा अच्छा काम करते रहेंगे ठीक है ओके थैंक यू लव यू ऑल